अष्टांग हृदय सूत्रों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नए सूत्रों की बात करेंगे। उनमें से कुछ सूत्र ऐसे हैं जो चलने, उठने, बैठने और सोने से संबंधित हैं। अब तक ज्यादातर जो सूत्रों की चर्चा हुई है वो खाने और पीने से संबंधित है, और एक तो सूत्र ऐसे भी आए हैं कि भोजन के बाद तुरंत विश्राम करना है दोपहर को और शाम को। आज थोड़ा चलने, उठने, बैठने और सोने से संबंधित कुछ सूत्रों की बात करेंगे। भागवत जी का ये कहना है कि ये जो शरीर है, चलने के बारे में, बैठने के बारे में जो सूत्र है वो ये कहते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, भगवान ने जो बनाया, जो डिजाइन की है इसकी, वो या तो चलने के लिए है या सोने के लिए ज्यादा। और जब चलने और सोने के बीच में हमें ऐसा लगे कि बोरियत हो रही है, शरीर को एक ही अवस्था में रखने से कई बार ऐसा लगता है कि शरीर थक रहा है, तो बैठने की क्रिया। ये बैठने की क्रिया दोनों के मध्य की है, चलने की और सोने। शरीर की डिजाइन इस तरह से की गई है, भागवत जी का कहना है कि ये सोने के लिए बहुत उपयोग और चलने के लिए बहुत उपयोग, तो और दोनों के मध्य में बैठने की बात है। तो मैं महत्व की बात जो आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ वो ये कि पूरे सूत्रों में खड़े रहने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। भागवत जी के जितने सूत्र मैंने अभी तक पढ़े हैं उसमें खड़े रहने के लिए वो कहते हैं कम से कम, ज्यादा खड़ा रहना इस शरीर के लिए ठीक नहीं, ये उनका कहना। और ये बात हमें आधुनिक विज्ञान में भी समझ में आती है कि ज्यादा देर हम खड़े रहें तो पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है, ये जो हमारे ऊपर केंद्रित है, खड़े रहने की स्थिति में सबसे खराब पॉइंट या सबसे खराब बिंदु पर ये केंद्रित होता है। बैठने में बहुत अच्छा है, मैंने आपसे कहा आप बैठे हैं आज वज्रासन, सॉरी सुखासन में, मैं भी बैठा हूँ, तो इस समय तो ये नाभि पर केंद्रित है। नाभि बहुत अच्छा जगह माना जाता है गुरुत्व बल के लिए, और लेटने में भी सामान्य रूप से ये नाभि और नाभि के ठीक पीछे पीठ का जो हिस्सा है वहां पर केंद्रित है, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। चलते समय ये ऊपर नीचे होता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो आपके लिए सूत्र का निर्देश ऐसा है कि ज्यादा देर आप खड़े होने की कोशिश ना करें, ज्यादा देर खड़े होने की कोशिश ना करें। खड़े होने की उतनी ही देर कोशिश करें जितना संक्रमण काल होता है। संक्रमण काल माने जैसे आप कहीं से चलकर आए, चलकर आने में तो कोई समस्या नहीं है, अब आपको बैठना है तो चलकर आना है और बैठना है, इसके बीच में थोड़ी देर खड़ा रहना पड़े वहां तक तो ठीक है, लेकिन खड़े खड़े आप जो है एक घंटा बिताएं, दो घंटा बिताएं, तीन घंटा बिताएं, चार घंटा बिताएं, ये अच्छा नहीं माना जाता, शरीर के लिए तो बहुत ही हानिकारक है। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई है पिछले कुछ 50-60 वर्षों में कि हम लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, अपने घरों में हैं, तो ज्यादातर खड़े खड़े, अब दुकान में आप में से बहुत लोग काम करते हैं तो खड़े खड़े काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी बन गई हैं, कारखाने ऐसे बन गए हैं जहाँ लोगों को असेंबली लाइन में खड़े खड़े ही काम करना पड़ता है। कार बनाने वाले कारखाने, स्कूटर बनाने वाले कारखाने, मोटरसाइकिल बनाने वाले कारखाने ज्यादातर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कहाँ व्यक्ति को खड़ा रहना पड़े। और ये जब भी मैं कार बनाने वाले, स्कूटर बनाने वाले ऐसे कारखानों में भी जाता हूँ व्याख्यान देने के लिए, एक बार टाटा की फैक्ट्री में मैं गया था जहाँ इंडिका बनती है पुणे में, तो वहाँ के जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं मैंने उनसे पूछा कि आपने ये जो असेंबली लाइन बनाई इसमें ये विचार आपको कहाँ से आया कि हर व्यक्ति को खड़े रह के काम करना चाहिए, ये भारतीय विचार तो नहीं है, और टाटा ग्रुप तो भारत का ग्रुप है, तो उनका ये बात तो आपकी सही है कि टाटा ग्रुप भारत का है, लेकिन ये जो कार बनाने की डिजाइन हमने की है, फैक्ट्री की, या जो हम कार बनाते हैं ये सब विदेशी है, विदेशों से हमने ये सब सीखा, देखा, समझा। तो विदेशों में सभी कार डिजाइन करने की फैक्ट्रियां खड़े होकर होती हैं, माने हर व्यक्ति को खड़े रहके ही काम करना पड़ता है, तो हमने भी ऐसी डिजाइन कर दी कि खड़े होकर काम करना।
अब समस्या क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ कि पुणे में मैं जब भी जाता हूँ तो टाटा इंडिका फैक्ट्री में काम करने वाले हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं जो इस अभियान में भी हमारे साथ हैं। स्वदेशी का जो अभियान हमारे पूरे देश में चलता है वो हर समय मुझे शिकायत करते हैं, राजीव भाई पीठ में दर्द होता है, आप हमारे दर्द के लिए कुछ करो। तो मैं उनको बताता रहता हूँ भाई थोड़ा चूना खा लो, कभी बता देता हूँ होम्योपैथी की एक आध दवा ले लो, वो लेते हैं थोड़े दिन ठीक होता है, फिर शिकायत करते हैं दर्द होता है। अब मैं उनसे कहता हूँ कि भैया तुम्हारा दर्द तो परमानेंट है, क्योंकि तुम खड़े खड़े असेंबली लाइन में काम करते हो 8 घंटे कभी कभी 10 घंटे, बीच में सिर्फ 1 घंटे का तुम्हें ब्रेक मिलता है। शरीर भगवान ने डिजाइन किया ही नहीं है खड़े होने के, खड़े होने वाला शरीर वो होता है जो चौपाया होता है। चौपाया माने पशुओं का जो शरीर है, जानवरों का जो शरीर है उसकी प्रकृति आपसे थोड़ी भिन्न है। आपका शरीर ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, उनका शरीर ऐसे क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। तो जो हॉरिजॉन्टल बॉडी होती है वो ज्यादा देर खड़ी रहे तो समझ में आता है, लेकिन ये तो दो पाए लोग हैं, इनको ज्यादा देर खड़ी रहने के लिए मान्यता और व्यवस्था नहीं है भारत में। आप पुराने समय का याद करिए, पुराने समय का मतलब अब से 50 साल पहले तक, मुझे मेरे बचपन का याद है, मेरे दादाजी या नानाजी के पास कभी भी मैं गया वो लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और मैंने कुछ खड़े खड़े बात कहना शुरू किया तो सबसे पहले वो टोकते थे बैठ फिर बात करें। तो हमारे सभी बुजुर्ग ये करते हैं, घरों में सामान्य रूप से ये होता है, हम कहीं भी किसी घर में चले जाते हैं सबसे पहले बैठो उसके बाद बातचीत शुरू हो, पहले बैठो विराज आओ पधारो सब बैठो सब। तो ये जो पधारना है विराजना है बैठना है ये कहने वाले लोग मैं मानता हूँ बहुत वैज्ञानिक है, वो जानते हैं इस बात को। ये अलग बात है कि आधुनिक विज्ञान के शब्दों में वो उसको व्याख्यायित नहीं कर सकते, लेकिन उनको मालूम तो है। कैसे मालूम है? वो कहते हैं कि हमारे दादाजी ने सिखाया, उनको किसने सिखाया? उनके दादाजी ने या पिताजी ने सिखाया। तो ये दादाजी पिताजी नानाजी नानी जी से आने वाला जो ज्ञान है, परंपरा से आने वाला ज्ञान है, ज्ञान तो परफेक्ट है, बस आज की 21वीं शताब्दी के हिसाब से इसका विश्लेषण नहीं हो पाया। तो मैं बार बार सोचता हूँ जब अष्टांग हृदय के सूत्र पढ़ता हूँ और फिर अपने लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं परंपरा से, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि शायद उन्होंने जिंदगी में कभी अष्टांग हृदय नहीं पढ़ा होगा, मेरे दादाजी या मेरे नानाजी या आपके दादाजी और आपके नानाजी, लेकिन अष्टांग हृदय का ज्ञान उनके पास है, जो सूत्र के रूप में वहां दर्ज है वो ज्ञान उनके पास है। ये गया कहाँ से? ये शायद ऐसे ही गया होगा, किसी ऋषि महर्षि ने अष्टांग हृदय के ज्ञान को सरल सूत्रों में लोगों को बताया होगा, कभी वो पहुंचते पहुंचते लोगों तक ऐसे पहुंचा भाई तू बैठ कर बात कर, बैठ के बात, पानी पी बैठ के पानी पी, खाना खा बैठ के खाना खा। ये हमें इंस्ट्रक्शंस के रूप में माता पिता दादा दादी नाना नानी से हमेशा मिलते रहे हैं। ये बहुत वैज्ञानिक बात है, क्योंकि शरीर की डिजाइन ऐसी है कि वो बैठने के लिए तो मध्य में है, सोने और चलने के लिए सबसे अच्छी है, खड़े होने की इसमें कोई व्यवस्था नहीं। अब खड़े होने की चूंकि व्यवस्था है नहीं शरीर में, तो और हम खड़े होकर ही सब काम करेंगे तो गड़बड़ होने वाली है, शरीर उसके लिए अनुमति नहीं दे रहा है। हम जबरदस्ती सब कुछ खड़े होकर करने की कोशिश करेंगे तो सारा गड़बड़ शुरू होगा, पीठ के दर्द से शुरू होगा, वो स्पॉन्डिलाइटिस तक पहुंच सकता है, वो और आगे बढ़ते हुए आपके पीठ के मनके के बीच में गैप पैदा कर सकता है। कहते हैं ना मनके में गैप आ गया, पीठ के पीछे के दो जॉइंट्स में गैप आ गया, जगह बढ़ गई, और वो आगे बढ़ते बढ़ते वहां तक ले जा सकता है आपको कि आप 2 कदम चलने का समय। इसलिए बागवत जी का सूत्र है कि सबसे ज्यादा शरीर से जो काम आप लेना है वो चलने का लीजिए और आराम करने का सोने का लीजिए। सबसे ज्यादा सोने का स्थिति में भी बागवत जी कहते हैं कि शरीर आपका काम कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है? अगले काम के लिए ऊर्जा जुटा रहा है ताकि आप दोबारा फिर से काम जारी कर सकें। तो हमारे जो भारतीय पद्धति के हिसाब से काम चलते हैं इस देश में वो तो
अष्टांग हृदय के सूत्रों को ध्यान पर रख के ही है सारे खेती के जितने काम आप होते हैं, कोई भी काम खेती का लेते सभी कामों में या तो वो बैठ के करेंगे या तो चलते हुए, खड़े खड़े खेती में कोई काम नहीं होता। हल की डिजाइन जो की है हमारे किसानों ने वो इस तरह से की है कि हमें चलना पड़े, सारे के सारे हलों की डिजाइन चलने के हिसाब से, बीज बोने के लिए जो कुछ होता है वो भी सब चलने के साथ होता है, और बीज बोने के बाद से आगे की सारी क्रियाएं या तो बैठकर होती हैं या चलकर, खेत में पानी लगाना है तब भी आपको चलना होता है, और खेत में फसल तैयार हो गई अब काटनी है वो सब बैठ कर। आप देखिए इसको माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व, सारे खेत की फसल को काटने का काम, वो गेहूं की फसल हो, वो चावल की फसल हो, आदि आदि सब बैठ के होता है, धान की रोपाई का काम भी बैठ के होता है। ये आजकल के मजदूरों ने थोड़ा बैठने में आधी स्थिति लाइए झुककर लगाते हैं तो बहुत तकलीफ पाते हैं, लेकिन बैठ के अगर आप धान लगाते हैं ना तो तकलीफ नहीं आती। तो धान की रोपाई हो, बीज की बुवाई हो, या खेतों में चलने वाला हल हो, उसके बाद की पानी देने की क्रियाएं हो, या तो फसल काटने की सारी क्रियाएं हो, फिर फसल में से अन्न निकालने की सारी क्रियाएं हो, हर जगह आप देखेंगे या तो चलना होगा बैठना होगा, चलना होगा बैठना होगा, बैठना मध्यम है चलना उत्तम है, उस स्थिति में हमारे सब काम होते हैं। इसके अलावा भारतीयता में से जो निकला हुआ उद्योग है पशुपालन, उसमें भी आप ध्यान देंगे तो या तो चलना होगा या तो बैठना होगा। मैंने छोटी छोटी बातें बहुत गौर की है, किसान पशुओं के लिए जब चारा लगाते हैं घास चारा पशुओं को खिलाने के लिए, तो घास चारे की जो नांद होती है जिसमें चारा डाला जाता है उसकी मेड़ पर बैठकर वो सब मिलाते हैं, खड़े खड़े नहीं करते वो काम, भूसा उठाकर लाए जानवर के सामने रखना है तो उसके लिए जो पात्र है जिसमें जानवर मुंह डालकर खाना खाता है उस पात्र को वो इस तरह से जमाते हैं कि एक आदमी ऊपर बैठ सके, इतना वजन उसका वो बर्दाश्त कर सके, फिर उसमें घास चारा को मिला दे वो भी बैठ सके। पशुपालन के भी सभी काम में या तो चलना होगा या तो बैठना होगा। और भारतीयता के सभी उद्योग आप देखो, सुनारी का काम, लोहारी का काम, कुम्हारी का काम, ये सब भारत में से ही निकले हुए हैं, सुनामी का, लोहारी का, कुम्हारी का, कशीदाकारी का, हाथ की कारीगरी का, 18 तरह के काम सब गांव में होते रहे हैं हजारों साल से, वो सभी कामों में आप ये बात देख सकते हो सब काम बैठ कर, ठटेला है बर्तन बना रहा है बैठ के ही ठोक 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 कर रहा है, सुनारी का काम करने वाला कारीगर भी बैठ के सब काम कर रहा है, कुम्हारी का काम करने वाला चाक भी चला रहा है तो सब बैठ के चला रहा है। माने भारत के उद्योगों को विकसित करने वाले जो लोग रहे हैं उन्होंने बड़े ध्यान से स्वास्थ्य को और चिकित्सा को अपने हर उद्योग में ध्यान रख के शामिल किया हर काम में, और इसलिए हमने ये देखा और पाया कि जो लोग बैठकर काम करते हैं वो ज्यादा दिन अपना जीवन चलाते हैं, और जो खड़े खड़े असेंबली लाइन पे काम करते हैं कहीं भी काम करें, वो कारखाना हो, ट्रक बनाने का, बस बनाने का, कार बनाने का या स्कूटर बनाने का, खड़े खड़े काम करने वालों का जीवन बहुत थोड़ा होता है। जीवन थोड़ा होने से मतलब ये है कि जो बैठकर काम कर रहे हैं या चलकर काम कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है, ज्यादा आयु भी है, और जो खड़े 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 सब काम कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य भी ज्यादा दिन नहीं टिकता है, आयु भी छोटी, जल्दी बीमार। यूरोप और अमेरिका में तो इतनी बुरी आदत है ये कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए भी खड़े खड़े काम करने की व्यवस्था है, बैठने की नहीं, और अगर बैठने भी देंगे डॉक्टर को तो इस तरह का स्टूल डिजाइन किया है कि वो पूरा नहीं बैठ सकते। अमेरिका के हॉस्पिटल्स में आप जाइए और वहां के स्टूल देखिए जिन पर डॉक्टर अपना पीछे का हिस्सा टिकाकर वो खड़े रहने की ही स्थिति होती है, बैठने नहीं देते, ऑपरेशन टेबल पे ऑपरेशन करेंगे तो खड़े खड़े करेंगे, मरीज को देखेंगे तो खड़े खड़े करेंगे,
कहीं भी काम करेंगे तो खड़े खड़े होगा। पूरे यूरोप और अमेरिका का हर छोटे से छोटा काम खड़े खड़े है, कार को चलाने को छोड़ कर। ये कार चलाना ही है जो बैठ के चलाना पड़ता है, उनका बस चले तो उसको भी डिजाइन को ऐसी कर दे कि वो भी खड़े होकर चलाए। तो उन्होंने कभी भी अष्टांग हृदय को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, ये ज्ञान उनके पास कभी रहा नहीं। उनकी तो पूरी चिकित्सा पद्धति ही 250 साल पुरानी है, जिसको वो एलोपैथी कहते हैं। हम तो हजारों साल से आयुर्वेद को जानते आए हैं, समझते आए हैं। भारत में अगर आयुर्वेद के जन्म की कहानी हम कहें कि भाई आयुर्वेद कितना पुराना है, तो कम से कम इतना तो पक्का इसे कहा जा सकता है कि भगवान श्री राम जितने पुराने उतना आयुर्वेद है। हो सकता है श्री राम जी के भी पहले रहा हो, ये तो पक्के प्रमाण है। क्योंकि भगवान श्री राम का जब युद्ध हुआ है रावण से, तो युद्ध के समय में हम सब ने सुना है कि लक्ष्मण जी उनके भाई थे, उनको मूर्छा आ गई, कोई बाण मारा, तीर मारा रावण ने तो मूर्छा आ गई। मतलब आज की भाषा में कहें तो लक्ष्मण जी कोमा में चले गए। अब उस कोमा से उनको बाहर निकालने के लिए वैद्य की जरूरत पड़ी, तो एक सुशेष वैद्य को लाया गया, उनसे पूछा गया कि भाई क्या करें अब इनका। तो उन्होंने कहा कि इनको बचाने के लिए एक ही दवा है जिसका नाम है संजीवनी बूटी है, वो बचा सकती है और कुछ नहीं। कहाँ मिलेगी? तो हिमालय में मिलेगी। तो हनुमान जी गए, हिमालय का पहाड़ी पूरा उठा लाए, तो संजीवनी उसमें से चुनकर लक्ष्मण जी को दी गई और लक्ष्मण जी फिर जीवित हुए। आप जानते हैं आज की भाषा में कोमा से बाहर आना संभव नहीं है। एक बार पेशेंट चला गया ना कोमा में, तो डॉक्टर कहता वेट एंड वॉच, बस इंतजार करो और देखो, निकल आया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। माने कोमा से बाहर आ नहीं पाते, सहज रूप से दवाई नहीं है उसके लिए। लेकिन संजीवनी ने लक्ष्मण जी को लाया, इसका माने हमारे पास भगवान श्री राम का समय माना जाता है 17.5 लाख वर्ष पुराना। हमारे समय की काल गणना के हिसाब से जैसे हम तीर्थंकरों का समय गिनते हैं ना करोड़ों साल का, कोई एक दो साल की तो बात है नहीं, सभी तीर्थंकरों का समय गिनते हैं करोड़ों साल से कम का नहीं है। ऐसे ही भगवान श्री राम का भारतीय काल गणना की पद्धति से अगर हम विश्लेषण करें तो 17.5 लाख साल पुराना है उनका समय। तो इसका माने 17.5 लाख साल पहले आयुर्वेद था, क्योंकि संजीवनी थी, वैद्य थे, सुषेण थे, नाड़ी देव के उन्होंने बताया था कि लक्ष्मण जी को चाहिए ये। इसका मतलब यह है कि आयुर्वेद तो लाखों साल पुराना, हो सकता करोड़ों साल पुराना हो। भगवान श्री राम जो पहले दशरथ हुए थे, दशरथ के समय में वो बीमार पड़े थे तो भी वैद्य की व्यवस्था थी। दशरथ के पहले उसी वंश में राजा दिलीप हुए, उस समय भी वैद्यों की कहानी आती है। तो राजा दिलीप तो इनके वंश के बहुत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं ना, अहिंसा का दर्शन जिन्होंने, गाय को बचाने के लिए अपना शरीर शेर के सामने प्रस्तुत किया, वो राजा दिलीप, वो राम के ही कुल के थे। तो उस जमाने से बात शुरू होती है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है उससे भी पुराना आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में लाखों करोड़ों साल से चली आ रही विद्या परंपरा में हमने ज्ञान के रूप में प्राप्त की है, तो बहुत बारीकी से हमारे यहाँ हर काम को सोचा विचारा गया है और उसके बाद वो किया है, बहुत बारीकी से। वरना क्या मुश्किल था कि कुम्हारी का काम करने के लिए हम चाक ऐसा डिजाइन करते कि खड़े खड़े चला, हो सकता है ना, अभी बैठ के चाक चलाते हैं, फिर कोई स्तंभ ऐसा बनाते हैं, फिर उसमें वो कीली धुरी लगाते, फिर चाक चलाते खड़े खड़े बनाते, लेकिन हमने नहीं किया, हमने तो बैठ के किया। सुनारी के काम में भी हम ऐसा कर सकते हैं, वो फूंक मारते हैं, क्या होता है जो सबसे महत्व का काम है वो ऊपर कर ले और खड़े खड़े फूंक मारते हैं, हाँ वो हो सकता है ना। लोहारी के काम में हम ऐसा करते हैं, भट्टी थोड़े ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, उसको ढोकने के लिए खड़े खड़े पीटते ढोकते, उसको नहीं किया। हमारे भारत में जितने भी उद्योग विकसित हुए जिनमें व्यक्ति का श्रम लग के हमने वस्तुओं को बनाना शुरू किया, सबको हमने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि वो बैठ के हमें करना पड़े। इसी हिसाब से कल मेरी चर्चा हुई थी, रसोईयां भी हमारे यहाँ डिजाइन की गई कि माता ने बैठ के ही भोजन बनाए, वरना चूल्हा एक स्थान पर ऊपर ले जाके जैसे आज हम बना लेते हैं प्लेटफॉर्म, उस जमाने में भी बन लेता, कोई पत्थर की कमी तो है नहीं इस देश में।
दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर तो यही निकलता है, ग्रेनाइट निकले चाहे लाल पत्थर चाहे काला पत्थर, तो पत्थर ही लगाते हैं ना। तो अभी जैसे लगाते हैं वो 100 साल पहले भी लगाते अपने रसोईयों में, नहीं लगाया क्योंकि हमने दिमाग लगाया कि भैया ये सब बैठ के रखने के लिए शरीर है, या लेटने के लिए या चलने के लिए शरीर है, खड़े होने के लिए नहीं। ये महत्व की बात है। चलने के लिए एक सूत्र है, चलने का सूत्र ये है कि जब आप चलते हैं तो सूत्र ये है आयुर्वेद का, सॉरी भागवत जी का, अष्टांग व्यायाम का, कि दोनों पांव पर बराबर वजन हो, दोनों पांव पर वजन आपका बराबर पड़े, एक पांव पर ज्यादा वजन एक पांव पर कम वजन, अगर आप ऐसे चलेंगे तो बहुत जल्दी आप परेशान होने वाले। बराबर ध्यान रखिए कि दोनों पांव का वजन आपका समान हो, सब हो चलने के समय। अब दोनों पांव पर वजन बराबर पड़े आपके शरीर का, इसके लिए आगे का एक सूत्र है कि चलते समय सबसे पहले एड़ी रखें, उसके बाद तलवा टच करें, फिर पंजा। ये सूत्र, जब आप चल रहे हैं एक पैर उठा के आपने आगे रखा तो पैर का सबसे पहले ये एड़ी वाला जो भाग है ये छूना चाहिए जमीन को, फिर इसके बाद तलवा, फिर उसके बाद पंजा। अगर इस पैर के तीन हिस्से हम कर रहे हैं तो एक हिस्सा एड़ी वाला, दूसरा तलवे वाला, तीसरा पंजे वाला। तो चलते समय जब आप एक पैर रख रहे हैं जमीन पर तो पहले एड़ी रखिए, बाद में पंजा रखिए, फिर आप सॉरी एड़ी रखिए, तलवा रखिए, पंजा रखिए। डिजाइन भी ऐसे की एग्जैक्टली ऐसे डिजाइन है तो वैसे ही रखना है, भगवान का बनाया हुआ पैर है ये, किसी कंपनी ने नहीं बना के दिया है हमको। तो वो डिजाइन करने वाला बड़ा समझदार सोच करने वाला आदमी है या व्यक्ति है या जो भी है, उसने हमें ऐसी डिजाइन करके दी है। तो चलते समय हमेशा याद रखिए पहले एड़ी रखें, फिर पंजा रखें, फिर सॉरी तलवा रखें, फिर पंजा रखें। अब ये करना है अगर आपको तो एक चीज के बारे में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाई हील के जूते नहीं पहन सकते। हाई हील की चप्पल नहीं पहन सकते क्योंकि उसमें उल्टा खेल है, उसमें एड़ी सबसे ऊंची है और यहां चलने में एड़ी सबसे नीचे है। हाई हील की सैंडल में एड़ी सबसे ऊंची है और पंजा सबसे नीचा है। तो जब भी हाई हील की आप एड़ी और सैंडल पहन के चलेंगे तो पंजा पहले आएगा जमीन पे, एड़ी बाद में। एड़ी तो छुएगी भी नहीं जमीन को क्योंकि हील इतनी हाई। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं और वो शरीर में पीछे दर्द की शिकायत है। कई बार मैं उनको ऐसे ही बोल देता हूँ, वो समझते हैं कि राजीव भाई मजाक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे दर्द के लिए कोई दवा नहीं है। तो कहते हैं क्या करूँ? मैं कहता हूँ बस इतना करो जूते बदल दो। तो कैसे जूते ले लो? तो मैं कहता हूँ ऐसे जूते लो जो पेड़ है जिनमें हाई हील, ऐसे ले लो हो जाएगा। मैं कर लो भाई इसमें बुराई, जूते ही बदलना है ना, दवा नहीं खानी। बहुत सारी बहनें मेरे पास आती हैं जो आजकल के कॉलेज और स्कूल में जाती हैं जिन्होंने फैशन बना रखा हाई हील का, सैंडल या हाई हील की, वो बहुत आती है। हिप जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, तो मैं उनको भी कहता हूँ जूते बदल दो, सैंडल बदल दो, हाई हील का मत पहनो, साधारण पहनो। तो जो मान जाती है, मान वो जाती है जिनको थोड़े बहुत संस्कार है अपने माता पिता के, जिनको कुछ भी संस्कार नहीं है माता पिता के, वो तेरे क्या फालतू बात करते हैं हाँ? हमारी सुंदरता कम करना चाहते हैं। मैं बोला इसमें सुंदरता क्या है? हाई सैंडल पहनने से क्या सुंदरता होती है? तो उसमें कहती है लंबा बना रहता है। मैंने कहा है नहीं, आ कहां से जाएगा? हाइट तो वही है 4.5 फीट की, जब है ही नहीं, भगवान ने दी नहीं तो इसको एक्स्ट्रा कहां से लंबा बनाएंगे आप? तो होता होता तो नहीं है लेकिन उनको महसूस होता है कि हम लंबे हैं, हाँ मन में। तो वो मन का तसल्ली जो झूठा है, वास्तविकता से दूर है। जब मैं उनको
बहुत थोड़ा समझा लेता हूँ, कुछ मांग जाते हैं, जो मांग जाते हैं वो बदल देती है, बदलने के बाद वो खुद कहती है 15-20 दिन के बाद, हाँ हमारा दर्द तो कम हुआ, दर्द तो कम हुआ। 6-8 महीने अगर कर लिए तो फिर कहती है दर्द कम भी हो गया, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कम उम्र में, नौजवानी की उम्र में पीठ का दर्द होना क्यों चाहिए। ये पीठ का दर्द तो हमारे यहाँ माना जाता है आयुर्वेद में 40 साल के बाद की बीमारी, 40-45 साल जब बीत गए, कैल्शियम घटना शुरू हुआ हड्डियों में, तब ये समझ में आता है। जब कैल्शियम बढ़ने की स्थिति हो 20-22 साल 25 साल में, भरपूर कैल्शियम हो शरीर में, तब ये दर्द क्यों आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि भाई बीमारी तो बात है लेकिन उसका इलाज बिना दवा के है, ये चप्पल बदलो, सैंडल बदलो, चुप हो, तो बदलते ही वो असर दिखाई देता है। तो इसलिए मेरा आप सबको विनती है कि आज के बाद आपके जूते चप्पल आप जब चुनाव करें बाजार में जाकर कि हमको जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, सैंडल चाहिए, तो आप ध्यान रखें कि वो प्लेन हो नीचे से, और नहीं तो ऐसे डिजाइन के हो जैसे आपका पैर। अब सोने के बारे में एक सूत्र है महत्व का, है बहुत महत्व का, कि सोने के लिए करवट कौन सी सबसे अच्छी, सोने के लिए कौन सी करवट सबसे अच्छी, किस कंडीशन में सोना सबसे अच्छा। तो बताया ये गया है कि सबसे अच्छा सोना है पीठ के बल, आपकी पीठ जमीन के ऊपर समानांतर हो, ये सोने का आसन सबसे अच्छा है, ये बताया। तो हर समय आप कोशिश करें कि पीठ आपकी जमीन से लगी रहे और आप सो। तो जमीन से पीठ लगी रहे इसका मतलब क्या है, आपके पीठ में पीछे जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसका उभरा हुआ हिस्सा, आप अगर हाथ लगाएंगे तो इसमें एक तो अंदर घुसा हुआ हिस्सा है और उभरा, ये उभरा हुआ हिस्सा जमीन के संपर्क में रहना चाहिए। फिर आपके कंधे में आप हाथ लगा के देखिए, दो उभरे हुए हिस्से दोनों कंधे में है, वो जमीन में टिक जाना चाहिए। फिर आपके दोनों हिप्स हैं, ये जमीन पर टिक जाने चाहिए। फिर आपके पांव की ये पिंडलियां हैं, ये पूरी तरह से जमीन पर टच होनी चाहिए। और पिंडलियों के बाद की ये स्थिति जंघाओं की है, ये जमीन पर टच होनी चाहिए। और अंत में आपकी एड़ी जमीन पर टच होनी चाहिए। तो जमीन पर टच होने वाला जो हिस्सा है सोते समय, उसको मैं फिर से दोहराता हूं, एड़ी, पिंडलियां, जंघाओं के नीचे का हिस्सा, फिर आपके दोनों हिप्स, फिर आपकी रीढ़ की हड्डी का बाहर का उभरा हुआ हिस्सा, फिर आपके दोनों कंधों में बाहर निकला हुआ हिस्सा, और आपके सिर का ये आखिरी हिस्सा, ये है आपके सोने की सबसे अच्छी स्थिति। इस स्थिति में अगर आप सोना प्रारंभ करें या प्रयास करें, बार बार प्रयास करने से कोई भी चीज आती है, तो ये सबसे अच्छा है सोने के लिए आसन, सबसे अच्छा है। अब इसकी शुरुआत में क्या कर सकते हैं, जैसे दोपहर को सो रहे, तो दोपहर को सोने के लिए सबसे पहले कहा गया है कि आप पहले लेफ्ट में लेट जाइए, ये सीधे मत लेटिए आप पीठ के बल। दोपहर को भोजन करने के बाद आपको सोना है तो पहले वाम कुक्षी में आइए, वाम कुक्षी माने बायां साइड, लेफ्ट साइड, इसमें लेटिए, थोड़ी देर लेटे रहिए 10-12-15 मिनट। उसके बाद थोड़ी देर के लिए राइट में आइए और फिर सीधे सोचिए, ये दोपहर का है, ठीक है, खाना खाने के तुरंत बाद। रात के लिए इसका उल्टा है, रात को आपने शाम को खाना खा लिया 5-6-7 बजे, 2 घंटे तक तो आपको सोना नहीं है, सूत्र बता दिया मैंने। जब आप सोने के लिए जाएंगे रात को, तो रात को पहले राइट में लेटिए, दाहिनी तरफ लेटिए, थोड़ी देर रहने दीजिए शरीर को 10-12-15 मिनट, फिर थोड़ी देर के लिए लेफ्ट में आइए और फिर सीधे सोचिए, ये रात। अब दिन के लिए अलग, रात के लिए अलग। बात ऐसी है कि दिन में तो भोजन करते ही विश्राम करते, ठीक है, तो भोजन जब आप करेंगे तो भोजन करते करने के तुरंत बाद आप लेफ्ट साइड में सोएंगे। यहाँ नाड़ी विज्ञान का थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, स्वर विज्ञान, नाड़ी विज्ञान जिसको आप कहते हैं। हमारी 3 नाड़ियां हैं, एक एड़ा है, पिंगला है, एक सुषुम्ना है। इसको सरल भाषा में कहते हैं चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है। चंद्र और सूर्य नाड़ी की चर्चा ज्यादा होती है।
चंद्र नाड़ी का मतलब है लेफ्ट नॉस्ट्रल, बाया नाक। सूर्य नाड़ी का मतलब है राइट नॉस्ट्रल, दाहिना नाक। लेफ्ट नॉस्ट्रल जब सक्रिय होता है तो ब्रेन का राइट पोर्शन बहुत सक्रिय होता है, मस्तिष्क के भी दो भाग हैं, बाया और दाया। जब हमारी बाई नाक चलती है, नाड़ी आप जानते हैं समय समय पे चलती है, 15-20 मिनट एक चलेगी, 15-20 मिनट दूसरी चलेगी, तो जब बाई नाड़ी चल रही है, नाक चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, तो आपके मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा बहुत सक्रिय है। और जब दाहिनी नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है, तो मस्तिष्क का बायां हिस्सा बहुत सक्रिय होता है। मस्तिष्क का जो दाहिना हिस्सा है ये पचने की क्रिया से संबंधित है, पाचन की क्रिया से संबंधित है। मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा किस किस चीज से संबंधित है? सबसे ज्यादा पचने की क्रिया से संबंधित है। दूसरा, गाली देना, गुस्सा करना, मारा मारी करना, किसी का मर्डर कर देना, किसी को अपमानित कर देना वगैरह वगैरह, ये जितने भी दुर्गुण हैं वो सब दिमाग के दाहिने हिस्से से उपजते हैं। लेकिन दाहिने हिस्से से एक सद्गुण भी उपजता है, पेट के पाचन की क्रिया बढ़ने का। और मस्तिष्क का जो बायां हिस्सा है उसमें प्रेम है, वात्सल्य है, अपनापन है, सौहार्द है, दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है, ये सब मस्तिष्क के बाएं हिस्से से संचालित है। मस्तिष्क का बायां हिस्सा पाचन की क्रिया को मंद करता है, मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा पाचन की क्रिया को तीव्र करता है। दोपहर को हमने भोजन किया है, भोजन करते ही हम आराम करना चाहते हैं और पाचन क्रिया भी तीव्र करना चाहते हैं, इसलिए नियम बनाया गया कि बाई तरफ सो जाओ। जैसे ही लेफ्ट करवट में आप लेटेंगे, बाई करवट में आप लेटेंगे, तुरंत दाहिनी नाड़ी शुरू हो जाएगी, सूर्य नाड़ी शुरू हो जाएगी। बाई तरफ लेट के देखो, आज ही कर लो। अगर आपकी अभी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है ना चंद्र नाड़ी, आप बाई तरफ लेट जाओ, 2-3 मिनट में ही सूर्य नाड़ी शुरू हो जाएगी। सूर्य नाड़ी शुरू करनी है क्योंकि पाचन तेज होता है। इसलिए दोपहर के भोजन के बाद कहा गया कि आप बाई करवट लेटें। अब शाम को क्या है, शाम को नियम यह है कि 2 घंटे बाद ही लेटना है भोजन के, तो पाचन की एक क्रिया तो पूरी हो ही गई 1.5 घंटे वाली, तो ऐसे पाचन की तीव्रता कोई चाहिए नहीं। इसलिए रात को कहा गया भोजन के बाद 2 घंटे काम वाम करके फिर विश्राम करने के लिए जाए तो दाहिनी तरफ लेटें। दाहिनी नाड़ी जब चलेगी, दाहिनी तरफ जब आप लेटेंगे तो चंद्र नाड़ी चल पड़ेगी। चंद्र नाड़ी के बारे में मैंने बताया, प्रेम, वात्सल्य, अपनापन, शांति, मन में शांति, चित्त में शांति, शरीर में शांति, ये सब बाई नाक से है, सॉरी लेफ्ट के ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन में है ये सब कुछ, मस्तिष्क के बाएं हिस्से में ये सब कुछ है। तो उसके लिए दाहिनी नाक चलानी है, सूर्य नाड़ी चलानी। इसलिए शाम को लेटने की क्रिया एक तरफ है और दोपहर को लेटने की क्रिया दूसरी तरफ। तो लेटते समय, आराम करते समय इसका ध्यान रखें। दोपहर को खाने के बाद आराम करना है तो पहले बाई तरफ लेटें, फिर थोड़ी देर के लिए दाहिनी, फिर सीधे। और रात को लेटें तो पहले दाहिने लेटें, थोड़ी देर लेटे रहें, फिर बाई तरफ, फिर सीधा। ये सीधा ही सोना है अंत में आपको। और कहा गया है कि आप पीठ केवल 6 घंटे की नींद अगर ले लेते हैं तो उससे अच्छी कोई नींद नहीं है। पीठ केवल 6 घंटे की नींद अगर हो गई तो आप जान लीजिए इससे अच्छी कोई नींद नहीं। अब इसमें क्या होता है, आप तो सो जाते हैं लेकिन दिमाग तो नहीं सोता है। दिमाग क्या करता है, 1-1.5 घंटे में, कभी कभी 2 घंटे में पोजिशन थोड़ी थोड़ी बदलता रहता है, करवटें आप बदलते रहते हैं। एक ही स्थिति में 6 घंटे नहीं सोते हैं। मैंने मेरे ऊपर ऑब्जर्व किया है, 1.5 घंटे में दिमाग बदल देता है पोजीशन थोड़ी देर। 1 घंटे की एक साइकिल है, आप एक ही तरफ सीधे सो रहे हैं ना, 1.5 घंटे सो पाएंगे। कोई कोई लोग 2 घंटे सो लेते हैं, फिर उसके बाद एक करवट बदल के वापस दूसरी करवट में आकर फिर सो सकते हैं अगले 1-2 घंटे। तो 3-4 साइकिल ऐसी चलती है 6 घंटे की नींद उसमें होती है।
अब आपको ध्यान ये देना है जो महत्व की बात है कहने जा रहा हूं मैं कि पीठ की रीढ़ की हड्डी का उभरा हुआ हिस्सा आपके दोनों हिप और फिर कंधे का उभरा हुआ हिस्सा, फिर ये आपकी पिंडलियां, फिर ये सब ये भूमि के संपर्क में है। ये महत्व की बात सोते से तो ये भूमि के संपर्क में कब होगा, क्योंकि आप जब सोएंगे गद्दे पे, आप जब सोएंगे बेड पे, तब तो ये भूमि के संपर्क में नहीं हो सकता। आप अगर बेड पे सो रहे हैं, डबल बेड पे सो रहे हैं, सिंगल बेड पे सो रहे हैं, तब तो ये भूमि के संपर्क में नहीं आने वाला, क्योंकि बेड के बीच में पृथ्वी और हमारे शरीर के बीच में क्या आ गया, कुचालक आ गया, लकड़ी आ गई, बेड आ गया, लोहा आ गया। लोहा तो फिर उतना कुचालक नहीं है, कंडक्टर अच्छा है, लेकिन लोहे के ऊपर जो गद्दा आ गया, गद्दा रोई का, ये तो बेड कंडक्टर ही है, तो पूरे कुचालक। आयुर्वेद कहता है कि सोते समय आपके पीठ में और जमीन के बीच में कोई ऐसी चीज रहनी चाहिए जो सेमी कंडक्टर हो तो बहुत अच्छा, ज्यादा कुचालक भी नहीं हो, ज्यादा सुचालक भी ना हो। इसलिए कहा गया है कि जमीन पर कुश की चटाई बिछाकर सोना सबसे अच्छा। कुश जानते हैं, कुश एक घास है, एक खास तरह की घास है, हाँ। भगवान राम भी कोई बिछा नहीं सकते। भगवान राम का 14 साल का जो वनवास का जीवन है उसमें हमेशा उन्होंने कुश की चटाई पर ही सोया। अब आप कहेंगे ये कष्ट का जीवन है, आयुर्वेद कहता इससे ज्यादा आराम की सोने की व्यवस्था हो नहीं सकती। कष्ट नहीं है, आराम की व्यवस्था। आराम आपको तब सबसे ज्यादा मिलता है जब रीढ़ की हड्डी के दोनों उभरे हुए हिस्से, दोनों हिप्स, पिंडलियां और जंघाएं और कंधा और ये जमीन के संपर्क में, तब सबसे ज्यादा आराम मिलता है। करके देखिए, एक शवासन होता है ना, योग शवासन की स्थिति में आप जाते हैं, तो शवासन से पहले की जो क्रियाएं कराई जाती हैं आपको शवासन में जाने के लिए, वो सारी क्रियाएं एक ही बात के लिए है कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आपका भूमि के संपर्क में रहे। और जैसे ही शवासन के पूर्व की क्रियाएं आप पूरी करते हैं, एकदम आप गहरी नींद में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले, और वो आधा घंटे की नींद हो जाए या 20 मिनट की हो जाए तो आप एकदम फ्रेश होकर उठ जाए। तो अच्छी नींद तो वही है जहां शरीर के बाहर निकले हुए अंग जो भगवान ने बना दिए वो भूमि के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब सीधा सा ये सूत्र है, ज्यादा से ज्यादा जमीन पे सोना, ज्यादा से ज्यादा जमीन पे सोना। अब फिर आप कहेंगे हमने तो बेड ले आना, डबल बेड ले आना, ले आया तो मान लो गलती हो गई, बिना सोचे बिना समझे लाए तो मान लीजिए गलती हो गई। हमने तो कुछ सोचा नहीं था कि बेड लाने से पहले, ये सब सोचा था क्या? नहीं सोचा। हम तो इसलिए ले आए कि पड़ोसी लेके आ गया तो हमारे घर में भी आना चाहिए। सारे भारतवर्ष में 50 साल से साध्वी जी भगवान एक ही सूत्र है, भला उसकी कमी मेरी से ज्यादा सफेद कैसे, इसी में मर गया सारा देश कि उसके घर में ये तो मेरे घर में क्यों नहीं, उसके घर में ये तो मेरे घर में क्यों नहीं। तो हम तो इसीलिए बैठ लिया है कि उसके पड़ोसी के घर में आ गया, हमने ये थोड़ी सोचा था कि इसके लाने से हमको क्या नुकसान होने वाला है। और बेड के ऊपर गादी और ले आए इतनी मोटी मोटी, और आजकल तो स्पंज वाली गादियां आर्टिफिशियल जिसमें रूह भी नहीं होती, स्पंज रहती है रबर जैसी, तो वो तो बहुत खराब है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि ये जो बिस्तर है आपका ये पतले से पतला हो, पतले से पतला, तब आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। पतले से पतला हो तो शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले, माने गादी पे भी अगर आप सोना चाहते हैं तो गादी पतली से पतली रखिए, मोटी नहीं जाना। और नहीं तो सबसे अच्छा
चटाई ले लीजिए, पुष्टि बनी हुई मिलती है, पुष्टि चटाई मिलती है, पुष्टि नहीं मिले तो बांस की तो मिलती ही, खजूर की भी मिलती है। तो उन चटाइयों में सोने का अभ्यास करना शुरू करें। जब आप बहुत बीमारी की स्थिति में हो तभी सोचिए कि मैं बैठने जाऊं, बहुत बीमारी की स्थिति तो बैठ के जाइए, नहीं तो कोशिश करिए भूमि पर सो। अष्टांग हृदय में एक बड़ा महत्व का सूत्र है, जमीन पे सोना, जमीन पे बैठना, जमीन पे खाना और जमीन पे ही मरना, ये सबसे उत्तम मान है। जमीन पे सोना, जमीन पे बैठना, जमीन पे खाना और जमीन पे ही मर जाना, ये सबसे अच्छा मान है। मरते समय भी शरीर आपका भूमि पे रहे, प्राण निकलते समय शरीर भूमि पर रहे, ये सबसे अच्छी मानी गई है। मृत्यु भी हमारे यहाँ अच्छी और बुरी, उसमें सबसे अच्छी मृत्यु है कि प्राण निकलते समय शरीर आपका भूमि पर है, ये सबसे अच्छी। लेकिन आजकल ये होने नहीं देते डॉक्टर हमारी ऐसे, ये तो भर्ती कर देते आईसीयू में, हाँ जबरदस्ती, कोई जरूरत नहीं है लेकिन ठोक दो आईसीयू में डाल दो, कम से कम बिल तो बनेगा, दो दिन चार दिन छह दिन जब तक प्राण नहीं निकलेंगे बिल तो बनता ही जाएगा, तो वो तो डाल देंगे आईसीयू में, और आईसीयू में तो बेड है और वो बेड भी मशीन चालित है, जबकि कहा गया मरते समय आप भूमि पे रहें। मुझे मेरे पुराने बचपन का याद है, मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी, मैं उनके सामने था, तो बार बार एक ही बात कह रहे, अनकॉन्शियस थे, माने सेमी कॉन्शियस थे, अनकॉन्शियस नहीं कहना चाहिए, थोड़ा ध्यान था थोड़ा चला गया था ध्यान, वो बार बार कह रहे थे मुझे जमीन पे ले लियो, हमारे भाषा में, हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा, मुझे जमीन पे ले लेना, मेरे आखिरी प्राण जमीन पे निकलने चाहिए, वो चारपाई पे लेटे हुए बार बार यही कह रहे। तो हमने कहा चलो ले ही लेते हैं उनके होश रहते हुए, जैसे ही हमने उनको जमीन पर रखा और उनके प्राण, हमारे तब तक प्राण नहीं निकले जब तक वो चारपाई पर लेटे, उस इच्छा थी उनकी, ऐसी भावना थी। ये सभी बुजुर्गों में होती है हम देखते हैं, लेकिन हम उनकी इच्छा का ये भी सम्मान नहीं करना चाहते, जबरदस्ती उनको बेड पर लेटा रखते हैं, आईसीयू में डाल के रखते हैं, पता नहीं क्या क्या गद्दे उनके आगे पीछे लगा देते हैं, जो सब कुछ वर्जित है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा अध्याय है अष्टांग हृदय में बच्चों के जन्म का, कि जन्म कैसे होना चाहिए, प्रसव की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो उसमें कहा गया है एक सूत्र में, समय आएगा तो वो भी बताऊंगा विस्तार से, कि बच्चे का जन्म बैठी हुई स्थिति में हो तो सबसे अच्छा। प्रसव, कोई भी माँ का प्रसव बैठी हुई स्थिति में हो तो सबसे अच्छा, माने भूमि के संपर्क में है तो सबसे अच्छा, प्रसव की भी वही स्थिति है। लेकिन आज हमारे यहाँ वो भी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम ज्यादातर प्रसव बेड पे कराते हैं, बिस्तर पे कराते हैं वगैरह वगैरह, हॉस्पिटल में तो सब वही होता है। लेकिन आयुर्वेद के अष्टांग हृदय में बहुत स्पष्ट संदेश है कि माँ अगर जमीन पर है, बैठी हुई स्थिति में है, तो सबसे आसान होता है। लेकिन अगर बैठने की स्थिति में नहीं है माँ, तो अर्ध बैठी हुई स्थिति में हो, नहीं तो लेटी हुई स्थिति में हो जमीन पर। अब मैं देखता हूं कि गांव में तो ये होता है, अभी भी भारत के 70-80% गांव के जो लोग हैं, जिनकी गरीबी के कारण वो बेड नहीं खरीद सकते हैं, गद्दा नहीं खरीद सकते हैं, उन सभी घरों की माताएं जमीन पर ही प्रसव करती हैं उनके बच्चों के लिए, क्योंकि चारपाइयां भी घर में नहीं होती हैं। और मैंने देखा है कि उनके बच्चे हमारे शहरों में पैदा हुए बच्चों से बहुत ज़्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, जबकि खाने पीने को भी इतना नहीं मिलता, वो बच्चे नंग धड़ंग खेलते रहते हैं, कपड़े भी पहनने को नहीं है, मिट्टी में लोटते रहते हैं, इधर उधर गीले रहते हैं पानी में मिट्टी में, फिर भी मुझे दिखाई देता हमारे शहर वाले बच्चों से स्वस्थ दिखते हैं, खुश दिखते हैं, प्रसन्न दिखते हैं, आनंद में ज्यादा दिखते हैं। कारण के ये छोटे छोटे कारण हैं लेकिन कम भी है।
तो आप कोशिश करिए अपने जीवन में ये चार नियम तो जरूर, बैठने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश भूमि पर करिए, सोने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश भूमि पर करिए, खाना खाने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा भूमि पर करिए, और आप भी ये संकल्प लेके मन में रख लीजिए कि भाई मरेंगे तो जमीन पर, अपने बच्चों को पोते पोतियों को बोल के रखिए कि भाई मेरा दुष्कर्म मत कर, आईसीयू में तो भर्ती मत कर, जाना तो सबको ही है, ये शरीर तो सबको ही छोड़ना है, तो आईसीयू में छींछा लेदर हो शरीर की क्यों करना पाए, मृत्यु उतने ही आनंद से हो जितने आनंद से जन्म हुआ है, क्योंकि जीवन और मृत्यु सच है, सबके सामने आते ही है, तो हम हमारी कोशिश में ये ध्यान रखें। आज के आधुनिक हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर में इस स्थिति में कम से कम फंसे, क्योंकि अंतिम समय में भी वो डॉक्टर छोड़ेगा नहीं था, हाँ मर गया है पेशेंट की नाड़ी चली गई है, बीपी कल का यार वेंटिलेटर पर रख के देखो शायद आ जाए, नाड़ी चली गई है मालूम है, मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है, लेकिन डॉक्टर जैसे कह देता है एक बार तो रख के देख लो वेंटिलेटर पर, आपकी भी इच्छा जवान हो जाती भाई रख ले चल हो सकता, और वो वेंटिलेटर पर डेड बॉडी को रखता दो चार दिन रखा रहता, फिर कहता ओ आई एम वेरी सॉरी मैं उनको नहीं बचा पाया, वो रखने से पहले ही मर चुके थे। आजकल के डॉक्टर अब डॉक्टर नहीं रह गए हैं, चिकित्सक नहीं रह गए हैं, वो व्यवसायी हैं, कॉमर्शियल हैं, और इतने कॉमर्शियल कि मरे हुए शरीर को भी वेंटिलेटर पर रखते हैं और मरे हुए शरीर को भी ऑपरेशन करते हैं, बहुत होते हैं। हर शहर में ऐसे सैकड़ों उदाहरण, यहाँ चेन्नई के मैं दे सकता हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो नामी गिरामी है ना, जहाँ आप बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, लाखों रुपए यहाँ खर्चा होता है, वो भी इसी धंधे में लगे, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे हैदराबाद में हो। तो मेरी तो आपको हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने लिए ये मत करवाना, घर वालों को बोल देना कि अंतिम समय जब दिखने लगे तो कम से कम आईसीयू ना लेके जाए, हॉस्पिटलाइज ना करें, घर में ही रखें, और घर में तो सब व्यवस्थाएं हो सकती हैं, आप जिन वाणी सुन सकते हैं, मंत्रों के पाठ आपके आसपास हो सकते हैं, वो आईसीयू में कौन करेगा, वो तो घुसने ही नहीं देते, वो शीशा लगा के रखते यहीं से देखो आगे मत जाओ, तो ना जिन वाणी की कोई व्यवस्था हो सकती है, ना मंत्रों का पाठ हो सकता है, ना उसके कान में ऐसी कोई बात जा सकती है जो जानी चाहिए मरते समय, ताकि अगला जन्म अच्छा हो, तो कम से कम आप अपनी मृत्यु को अपने हिसाब से तय करके जाना है। और मेरा निवेदन है, थोड़ा जिनके घर में ज्यादा पैसा है उनके घरों में ये चोचले बहुत हैं, क्योंकि पैसा है ना तो आस पड़ोसी वाले घर लगते हैं, अरे इतना कंजूस बाप के लिए ये भी नहीं कर सकता, आपका दिल दिमाग तो संतुलित है, आप तो चाहते हैं कि मेरे पिताजी जिन वाणी सुनते हुए यहां से प्रयाण करें, लेकिन आस पड़ोसी नहीं करने देते, वो कहते इतना कमाया बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकता, अरे वो बाप के लिए कुछ भी कर सकता है लेकिन ये दुष्कर्म क्यों कराना पैसे खर्च करने, तो पड़ोसियों के चक्कर में मत आना। मुझे तो कई बार लगता है कि हमारे पड़ोसी कहीं हॉस्पिटलों के कॉमर्शियल एजेंट तो नहीं हो गए, कोच नहीं रहते, ले नहीं गए अपोलो नहीं लेके गए, उसमें नहीं लेके गए एस्कॉर्ट में लेके नहीं गए, वो दिल्ली नहीं ले गए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वहां भी तो जाते हैं, वो पीजीआई नहीं ले गए आप चंडीगढ़, भैया मुझे मालूम है पिताजी भी कह रहे हैं कि अब मैं जाने वाला हूँ, मुझे भी मालूम है वो जाने वाले हैं, तो जाना तो है ही, अब वहां लेके जाऊं भागा भागी करूं लाखों रुपए खर्च करें वहां भी वो जाएंगे ही, लेकिन मृत्यु तो अच्छी नहीं होगी, नसीब नहीं है तो मृत्यु तो अच्छी नसीब हो उनको, तो आप ध्यान रखें मरते समय जमीन भूमि, खाना खाते समय बैठते समय सोते समय उठते समय कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा भूमि का इस्तेमाल हो, ये तीन चार सूत्र। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और एक दो सूत्र की बात करता हूँ, फिर सातवीं जी का प्रवचन होगा। हमारे जीवन में चलते समय बैठते
सोते समय, उठते समय, खाते समय, पीते समय, इन सब चीजों के लिए बार बार कहा गया जमीन पर बैठने की कोशिश कर रही है। एक तो परिस्थिति ऐसी है जिसमें आप अपवाद कह सकते हैं, वो मैंने बोला था कि जब बहुत ऐसी गंभीर बीमारी आ गई हो, जिस बीमारी में शायद आपको व्याधि पे ही सोना पड़ता हो या बिस्तर पे ही जाना पड़ता हो, तो वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन रूल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हर रूल का कोई ना कोई एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, हर नियम का कोई एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, तो वैसे ही ये ध्यान रखना है आपको। एक मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जब अपने जीवन में घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, चलने के लिए आप अपने घर से कोशिश कर रहे हैं, तो अष्टांग हृदयम में भी ये है और नाड़ी विज्ञान में भी ये है, आयुर्वेद के बहुत बड़े बड़े पंडितों ने भी ये कहा कि घर से निकलते समय पहले दाहिना पैर बाहर, आपके घर की दहलीज, क्या कहते हैं दहलीज के और शायद एक और शब्द देहरी कहते देहरी दहलीज, आपके घर की दहलीज लांग रहे हैं, माने घर से बाहर आप जब जा रहे हैं, तो कोशिश करें दाहिना पैर आपका पहले बाहर निकले। सामान्य कुछ लोगों के लिए उल्टा भी है कि बाहर, लेकिन सामान्य लोगों के सामान्य स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये एक नियम मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि दाहिना पैर आपका बाहर निकले। कैसे? कैसे? सोच के निकले घर से, घर से जब भी बाहर निकले ये सोच के निकले कि मेरा दाहिना कदम में बाहर होगा, उस हिसाब से स्टेपिंग कैलकुलेशन कर लें, जहां से निकलकर देहरी तक आपको जाना है तो कोशिश करें। मंदिर में प्रवेश करना है तो उसके लिए भी यही, मंदिर में प्रवेश करें तो पहले आपका दाहिना कदम मंदिर में पड़ना चाहिए, घर से बाहर निकल रहे हैं तो दाहिने कदम से बाहर निकले, वापस घर आ रहे हैं तो भी दाहिने कदम पहले घर में अंदर आना चाहिए। तो आप अपने स्टेपिंग को अगर ध्यान रखेंगे तो ये नियम सहजता से पालन हो सकता है। हम ध्यान नहीं रखते हैं, कोई भी कदम हमारा बाहर पड़ जाए, कोई भी कदम अंदर पड़ जाए, वो हमारे घर में रहता है। अब ये दाहिना कदम बाहर रखना चाहिए, इसका माने आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, सीधी सी बात, घर से बाहर चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। मंदिर में दाहिना कदम हो अगर हम रख रहे हैं, इसका माने सीधा है, चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। और चंद्र नाड़ी के बारे में मैंने कहा प्रेम, चंद्र नाड़ी के बारे में मैंने कहा प्रेम है, वात्सल्य है, अपनापन है, शांति है, चित्त में, शरीर में भक्ति है, सेवा है, आराधना है, ये सारे के सारे जो भाव है ये हमारे दिमाग के बाएं हिस्से से संचालित है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट साइड से। तो जहां सद्विचार है, सद्भाव है, सद्गुण है, दिमाग का वो हिस्सा आपका ज्यादा चले, इसके लिए ये नियम बनाया गया कि भाई घर के बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा शांति से निकलो, मन में शांति रखो, शरीर में शांति रखो, चित्त में शांति रखो, तो जो काम के लिए आप जा रहे हो वहां भी ठीक ठाक से सब हो जाएगा। निकलते समय ही गुस्सा है मन में, निकलते समय ही आपके मन में कश्मकश है, गुस्सा है, चित्त शांत है, तो हो सकता है काम बिगड़े, सामने वाले से कुछ लेन देन करना है तो आप कुछ गर्म हो, कुछ गर्म तो मामला बिगड़ जाए। तो घर के बाहर हम निकल रहे हैं किसी न किसी उद्देश्य से, या तो हम निकलेंगे उद्योग के हिसाब से, व्यापार और उद्योग, तो भी चित्त और मगज शांत रहना चाहिए। मान लो हम सेवा के लिए भी निकलेंगे घर से, तो भी चित्त और मगज शांति रहना चाहिए। और मान लो पूजा और उपासना और आराधना के लिए निकलेंगे तो भी चित्त और मगज शांति रहना चाहिए। इसलिए कहा गया निकलते समय कोशिश करें दाहिना कदम निकले, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो दाहिने कदम से मंदिर में प्रवेश करें, अगर किसी दुकान में प्रवेश कर रहे हैं व्यापार के लिए, धन के लिए, आपके अपने जीविका के लिए, तो भी दाहिने कदम से प्रवेश करें। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कोशिश किसी ऐसे पवित्र स्थान पर करें। हाँ, इसी सूत्र का उल्टा है, इसी सूत्र का उल्टा है कि जैसे किसी मजबूरी में, मैं नहीं कहता आपको, किसी मजबूरी में आपको सिनेमा घर में जाना पड़ रहा है तो बाएं कदम से प्रवेश। मजबूरी शब्द मैंने साक्षी जी की उपस्थिति के कारण लगाया, नहीं तो मैं और ज्यादा बोलता इसमें पूरी देर। किसी मजबूरी में आपको सिनेमा घर में जाना पड़ रहा है तो आप हमेशा बाएं कदम से प्रवेश करें।
ताकि दोबारा जाने के पहले मन में इतनी अशांति आ जाए कि वापस आए। किसी मजबूरी की स्थिति में आपको शराब खाने में जाना पड़ रहा है तो बाएं कदम से प्रवेश करें हमेशा। और एक जगह बताई गई है शास्त्रों में कि शमशान घर में जाए, शमशान घर में आप जा सकते हैं, आपके किसी प्रियजन को लेकर जा सकते हैं या किसी शमशान की किसी व्यक्ति की शमशान यात्रा में शामिल। हमेशा शमशान घर में पहला कदम बाया पड़ेगा, पहला कदम लेफ्ट बाएं। तो शमशान घर हुआ, शराब खाना हुआ, सिनेमा घर हुआ, जुए का अड्डा हुआ, अगर जाना पड़ रहा है कोई मजबूरी हो सकती है, जुए का अड्डा हुआ तो बाएं कदम से प्रवेश करें, शेयर बाजार हुआ तो बाएं कदम से प्रवेश करें, पुलिस स्टेशन हुआ तो बाएं कदम से प्रवेश करें। अब ये शेयर बाजार और पुलिस स्टेशन बागवती जी ने नहीं लिखा, बागवती जी ने ये लिखा है कि जीवन में जिन चीजों को आप नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में आपको करनी पड़ती है, आप नहीं चाहते कि आप जुआ खेलें लेकिन कोई मजबूरी ऐसी है कि आपको खेलना पड़ रहा है, आप नहीं चाहते कि आपके खून पसीने की कमाई शेयर में लगाएं लेकिन किसी मजबूरी में लगानी पड़ गई, आप नहीं चाहते कि आप शराब पिए लेकिन किसी मजबूरी में आपको शराब पीने के लिए जाना पड़ रहा। तो जहां कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा हो, दिल तो नहीं चाहता, अंतरात्मा तो नहीं कहती कि मत करो मत करो मत करो, हर समय अंतरात्मा हमें टोकती है, लेकिन हम किसी मजबूरी के वश प्रमाद के वश वो कर ही रहे हैं तो बाया कदम उसमें पहले आए, ये है पूरी बात। अब इसमें पुलिस स्टेशन शराब खाना ये मैंने जोड़ दिया इसलिए कि जल्दी समझ में आ जाए। सारे बुरे काम जहां होते हैं, दुनिया भर के बुरे कर्म कुकर्म जहां होते हैं वहां बाएं कदम से ही प्रवेश करें, और जहां सब सदकर्म होते हो, मंदिर है, देवालय है, जिनालय है, घर है हमारा, व्यापार का है अड्डा है, माने जहां व्यापार हमारा होता है, व्यापार का केंद्र, हर अच्छे कर्म के लिए दाहिना कदम से माने लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिव रहे, बाया कदम माने राइट ब्रेन एक्टिव हो ताकि वो आपको परेशान इतना करें कि दोबारा आप वहां ना जाए, ये आपको ध्यान। तो आज के कुछ सूत्र मैंने आपको चलने सोने उठने बैठने और क्या उपस्थित सभी चेन्नई नगर के नागरिक बंधुओं, अष्टांग हृदय के एक अध्याय की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। आज बिल्कुल नया अध्याय है, नए सूत्र है, वो है पंचगव्य चिकित्सा के बारे में। अष्टांग हृदय में पंचगव्य चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, गाय के जो भी उत्पाद मिलते हैं, गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, दही है, घी है, उससे होने वाली चिकित्सा के बारे में कई सूत्र हैं। उनमें से एक सूत्र ये है कि ये जो गाय है, गाय का मतलब भारत की गाय, देशी गाय। हमारे देश में आज की स्थिति में दो तरह की गाय उपलब्ध है, एक तो विदेशी गाय जिसको जर्सी गाय कहते हैं और एक देशी गाय जो भारतीय नस्ल की गाय है। देशी गाय का मतलब होता है जिसके कंधा निकला है, ऐसे करके पीठ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके कंधा निकला हुआ वो देशी गाय है, और जिसकी पीठ एकदम ऐसी सपाट है वो जर्सी और विदेशी गाय है। तो जब भी मैं गाय बोलूंगा तो आप तुरंत ध्यान रखना वो देशी गाय है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जर्सी गाय का कहीं कोई वर्णन नहीं है। जर्सी गाय है भी भारत की नहीं है, ये बाहर से यूरोप के देशों से आई है, फिर इसको क्रॉस कर करके यहाँ पर इस स्थिति में पहुंचाया गया है। तो अष्टांग हृदय में ये कहा गया है कि देशी गाय का जो मूत्र है वो पित्तनाशक, वातनाशक और कफनाशक तीनों काम एक साथ करता है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जगत पर ऐसी बहुत कम दवाएं हैं जो एक साथ ही तीनों काम करती हो, वात को भी, पित्त को भी, कफ को भी, तीनों को शांत करे ऐसी बहुत कम दवाएं हैं, उनमें से ये एक है गाय का मूत्र। तो कहा गया अष्टांग हृदय में कि गोमूत्र का
आप अपने जीवन में उपयोग करें करें। बहुत सारी बीमारियों में गोमूत्र का उपयोग आप करें। अब हम हमारे जीवन में ये देखें कि ये गाय के मूत्र में वात पित्त और कफ तीनों का नाश करने की क्षमता क्यों है, कैसे, जबकि दूसरी दवाओं में ये नहीं है। बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाएं या तो वात का नाश करेगी या पित्त का करेगी या कफ का करेगी। बहुत उनसे भी ज्यादा अच्छी दवाएं हैं, वात और पित्त का नाश कर सकती है, पित्त और कफ का नाश कर सकती है, कफ और वात का कर सकती है, दो का नाश कर सकती है, एक को बढ़ा सकती है, एक का नाश कर सकती है, दो को बढ़ा सकती है। मतलब एक ही है कहने का, तीन को एक साथ कम करने की क्षमता गोमूत्र में बताई गई है। तीनों को, वात पित्त कफ, तीनों की बीमारियों से लड़ने की ताकत गाय के मूत्र में है। कारण उसका क्या है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि गाय संपूर्ण शाकाहारी जीव, और शाकाहारी जीव होने के कारण गाय का जो भोजन है वो जमीन से उगने वाला सारा का सारा भोजन है। आप जानते हैं हमारे जमीन में, धरती में घास उगती है, हमारे जमीन में बहुत तरह के अन्न और धान्य उत्पन्न होते हैं। तो अन्न और धान्य का जो ऊपर का हिस्सा है फल वाला, वो तो हम खा लेते हैं या पक्षी खा लेते हैं, और उसका बीज का जो हिस्सा है वो गाय के लिए उपलब्ध होता है। मतलब यही है कि जो आप खा रहे हैं गाय भी लगभग वही खा रही है। आपको फल वाला हिस्सा अनुकूल पड़ता है तो आप उसको पका के तैयार करके खा लेते हैं, गाय के लिए अनुकूल है बीज वाला हिस्सा तो उसको काट कर चारे के रूप में हम उसे खिलाते हैं। मैंने आपसे थोड़े दिन पहले बोला था कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होते हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए कैल्शियम की जरूरत है, फॉस्फोरस की जरूरत है, ऐसे 18 सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए। इस पृथ्वी में सबके सब उपलब्ध हैं। गाय को भी ऐसी ही जरूरत होती है, जैसी हमारी जरूरत है वैसी गाय की जरूरत है। गाय को भी सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए। तो गाय को ये सारे के सारे उसके भोजन में मिलते हैं, और जो चीज आप भोजन के रूप में उपलब्ध कर पा रहे हैं या जो चीज भोजन के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं वो सारी की सारी चीजें गाय के शरीर को पोषकता देने के बाद उसके मूत्र में, उसके गोबर में, उसके दूध में, दही में, घी में, सभी में उपलब्ध होती है। गाय का शरीर पोषण पा गया, फिर उसके बाद वो सारे के सारे पोषक तत्व तो एक साथ मूत्र में, उसके गोबर में, फिर उसके दूध में, फिर दूध से बनने वाले दही में, घी में, सब में उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि गाय के शरीर से मिलने वाली हर वस्तु औषधि है, और एक ऐसी औषधि है जो भोजन के रूप में इस्तेमाल हो सकती है और उसके औषधीय गुण बहुत अधिक है। इसलिए अष्टांग हृदयों में और भारत के दूसरे आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्रों में पंचगव्य का, गाय के शरीर से मिलने वाली वस्तुओं का बहुत महत्व है। दूसरा ये महत्व और इसलिए भी है कि गाय बहुत सारे जानवरों में, बहुत सारे पशुओं में बिल्कुल अलग है। अगर आप उसका स्वभाव देखेंगे, उसके गुणों को जानने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे पशुओं का स्वभाव और गाय के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। आप करके देखिए इसको। गाय में सबसे ज्यादा वात्सल्य है, किसी भी दूसरे पशु में इतना नहीं हो सकता है, ही नहीं उतना गाय में। वात्सल्य तो सभी पशुओं में है लेकिन गाय में सबसे ज्यादा। कभी भी गाय के बच्चे को आप बुरी नजर से देख लें या गाय के बच्चे को किसी तरह से पीड़ित करने की कोशिश करें, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। और वही गाय अपने बच्चे को इतना प्रेम, इतना वात्सल्य है गाय का अपने बच्चे के प्रति,
कि सामने से कोई शेर आ जाए, शेर, चीता या ऐसा कोई हिंसक पशु जो उसके बच्चे को मार के खाने की स्थिति में हो, तो गाय उससे लड़ जाएगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। भले वो लड़ते लड़ते मर जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए वो आखिरी दम तक प्रयास करेगी। इतना वात्सल्य जो है दूसरे पशुओं में नहीं है। जर्सी गाय के सामने उसके बच्चे को मारो, पीटो और काट दो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देशी गाय के सामने उसके बच्चे को थोड़ा भी आपने छू लिया तो समझ लेना कि आपकी आफत आ गई। ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम गाय में है। अब ये जो वात्सल्य है, ये जो प्रेम है, ये कुछ खास तरह के रसायनों से उत्पन्न होता है। आप जानते हैं, मन में भावना आती है, हमारे मन में प्रेम की भावना आए या हमारे मन में गुस्से की भावना आए, ये दोनों ही कुछ हार्मोन्स के आधार पर होता है। हमारे शरीर में एक खास तरह का हार्मोन होता है जो डोपामाइन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत तीव्र जब होता है तो मन में प्रेम पैदा होता है, वात्सल्य पैदा होता है। ऐसी गाय में भी है, जो मनुष्य में है वो सब कुछ गाय में है। गाय में सबसे ज्यादा, पशुओं में जब हम तुलना करते हैं, गिनती करते हैं, तो सबसे ज्यादा ये डोपामाइन नाम का हार्मोन है। वो उसके मस्तिष्क में पैदा होता है, हमारे भी मस्तिष्क में पैदा होता है, या हमारे मस्तिष्क से उसका स्राव होता है। गाय में भी ऐसा ही है। तो चूंकि गाय में एक खास तरह का हार्मोन बहुत तीव्र है, इसलिए उसके मन में प्रेम और वात्सल्य बहुत तीव्र है। उस हार्मोन का असर उसके पूरे शरीर पर पड़ता है, उस हार्मोन का असर पूरे शरीर पर पड़ता है। उसके शरीर की अंदर की सारी क्रियाएं, जिनको हम मेटाबॉलिज्म एक्शंस मानते हैं, चयापचय की सारी क्रियाएं उससे प्रभावित होती है। और आप जानते हैं कि शारीरिक क्रियाओं के गुजरने के बाद ही मूत्र बनता है। वैसे तो पानी है, पानी जब आपकी कुछ खास तरह की शारीरिक क्रियाओं से गुजर जाता है तो मूत्र का निर्माण हो जाता है। हमारे शरीर में ऐसे होता है, वैसे गाय के शरीर में होता है। तो गाय के शरीर में गया हुआ पानी उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्शंस और रिएक्शन से गुजरने के बाद जो मूत्र बनता है, और गाय का शरीर हर समय प्रेम और वात्सल्य की भावना से भरा हुआ है, उसके शरीर में खास तरह के वो हार्मोन्स हैं, उसका असर आता है उसके मूत्र पर, उसके गोबर पर, उसके शरीर से मिलने वाले दूध पर आता है। फिर उस दूध से दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, सब में वो असर रहता है। इसलिए कहा गया कि गाय का मूत्र पंचगव्य चिकित्सा में बहुत ऊंचा स्थान रखता है। आयुर्वेद चिकित्सा में भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने गोमूत्र के महत्व को बताया, अष्टांग हृदय में भी ये महत्व है। तो आप अपने जीवन में इस बात का याद रखें कि एक साथ आपके शरीर को वात, पित्त और कफ एक साथ अगर आ जाए, या असंगत हो जाए, या विचलित हो जाए, या ऊपर नीचे हो जाए, तो वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलन करने की ताकत गोमूत्र में है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, कभी मत भूलिए। और ये क्षमता और ताकत, मैंने आपसे बार बार कहा, दूसरी दवाओं में उतनी नहीं है जितनी गोमूत्र में। इसलिए गोमूत्र चिकित्सा का बड़ा महत्व है, गोबर चिकित्सा का बड़ा महत्व है, गाय के दूध की चिकित्सा का बड़ा महत्व है, गाय के दूध से दही बनता है उस दही की चिकित्सा का बड़ा महत्व है, गाय के दही में से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी बनता है, गाय के घी की चिकित्सा का भी बहुत महत्व है। आप इसको आज के बाद याद रखें। गाय का एक तो भावना प्रधान मस्तिष्क, उसके आधार पर उसका शरीर, गाय को मिलने वाला भोजन, उसमें सभी तरह के 18 सूक्ष्म पोषक तत्व, फिर उससे
जो भी मिलेगा उन सभी में वो सूक्ष्म पोषक तत्वों का आना, इन कारणों से गाय का स्थान बहुत ऊंचा है। कई शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि मनुष्य से भी ऊंचा स्थान गाय का है। वैसे सभी शास्त्र ये कहते हैं मनुष्य बहुत ऊंचा है सभी जानवर में, लेकिन कुछ शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मनुष्य से भी ऊंची गाय है। कई काम ऐसे हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता वो गाय कर सकती, या बहुत सारे काम मनुष्य ने गाय से करना सीखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय से हमने बहुत कुछ सीखा है, गाय ने हमसे कुछ नहीं सीखा, हमने गाय से सीखा है। जैसे आप देखिए, ध्यान दीजिए, गाय को जब उसके बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जन्म लेते ही जो आवाज करता है उसी को देखकर हमने सीखा मां। ये जो मां शब्द है ये गाय से आया है। गाय के बच्चे का जन्म होते ही आप देखो वो जिस तरह से चिल्लाएगा उसमें से एक ही शब्द निकलेगा मां। और कहा यह गया है शास्त्रों में कि मनुष्य ने ये गाय से सीखा मां, तो हमने गाय से सीखा। और गाय में चूंकि वात्सल्य और प्रेम बहुत है इसलिए वो शब्द का ध्यान समझ में भी आता है कि को रिलेशन क्या है। दूसरा, गाय का बच्चा जैसे ही जन्म लिया तुरंत गाय के शरीर से उसके सारे की सारी क्रियाओं की मदद से दूध उतरना जो शुरू हुआ, शास्त्र कहते हैं स्त्री शरीर में भी वैसे ही है, स्त्री शरीर में भी वैसे ही है। इसलिए कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम गाय को मनुष्य से ऊंचा रख लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और कुछ शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि गाय ईश्वर के सबसे नजदीक है, भगवान के सबसे नजदीक है। हम भगवान किसको कहते हैं? हम भगवान उसको कहते हैं जिसमें कोई दुर्गुण नहीं, हम भगवान उसको कहते हैं जिसमें कोई वासना नहीं, जिसमें कोई अहंकार नहीं। हम भगवान उसको मान लेते हैं जिसमें मनुष्य जाति को होने वाले कोई भी काम क्रोध मद लोभ आदि 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 बिल्कुल नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये भगवान है। गाय बिल्कुल वैसे काम क्रोध मद लोभ ये जितने भी कषाय माने जाते हैं इन सबसे बहुत दूर है। इसलिए शास्त्रों में कह दिया गया कि गाय भगवान के नजदीक है सबसे पहले। गाय के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतनी विशेषताएं हैं उसमें कि जिसके घर में गाय उसके घर में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होता। मैंने बहुत सारे किसानों के मुंह से ये सुना है, बहुत बार मैं गांव में जाता हूँ, बहुत किसान मुझे मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि राजीव भाई हमारे खेत में पानी नहीं था, हमने एक बोर कराया, दो बोर कराया, तीन बोर कराया, दस बोर कराए, पानी नहीं मिला। फिर किसी ने हमको कहा गाय ले आओ, तो हमने गाय लाई और गाय खेत में बांधी और उसके बाद बोर कराया तो पानी आ गया। गाय के लाने के पहले उनके खेत में पानी की बूंद नहीं, फिर उन्होंने किसी के कहने पर गाय लाके खेत में रखी तो जहां पहले पानी नहीं था वहां पानी आ गया। तो वो किसान अभी ऐसा मानते हैं कि गाय आने से पानी आ जाता है। फिर कुछ किसान मुझे ऐसा भी कहते हैं कि गाय आने से पानी ही नहीं आ जाता, सब कुछ आ जाता है, लक्ष्मी आ जाती है, संपत्ति आ जाती है, समृद्धि आ जाती है, शांति आ जाती है, प्रेम आ जाता है, वात्सल्य आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। मैंने बचपन में मेरी दादी माँ से बार बार ये सुना था कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। मेरे बात उस समय समझ में नहीं आती थी कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, नहीं समझ में आती थी, बस सुनता था। और भी बड़ा हुआ तो और दूसरों से सुना, बार बार सुना, बार बार सुना।
फिर कुछ 10-12 सालों से मैंने वो देखा मेरी आंखों से कि गोबर में लक्ष्मी का निवास किस तरह से है। तो भारत में ऐसे हजारों किसान हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो गाय के गोबर से खेती करते हैं और एक दाना भी खेत में यूरिया नहीं डालते, डीएपी नहीं डालते। सारा गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर उसका उत्पादन वो गाय के गोबर से करते हैं। और वो मुझे बताते हैं कि जब वो यूरिया डालते थे, डीएपी डालते थे, तो एक एकड़ में उनको 15 क्विंटल गेहूं होता था। अब जब से गाय का गोबर वो डाल रहे हैं तो एक एकड़ में 22 क्विंटल गेहूं हो रहा है। महाराष्ट्र के बहुत सारे किसान मुझे बताते हैं और मैं देख के आया उनके खेत कोल्हापुर और सांगली जिले में। वो ये कहते हैं कि पहले हम गोबर डालते नहीं थे, यूरिया डीएपी डालते थे, तो एक एकड़ में 25 टन तक गन्ना होता था। अब वो गोबर डालते हैं गाय का खेत में तो वो कहते हैं एक एकड़ में 90 मीट्रिक टन गन्ना होता था उसी खेत जिसमें पहले वो डालते थे यूरिया डीएपी। तो 25 मीट्रिक टन अब उसमें डालने लगे गाय का गोबर तो उनके गन्ने का उत्पादन हो गया 90 मीट्रिक। कपास पैदा करने वाले कई किसान मुझे मिले हैं, वो कहते हैं कि पहले हम यूरिया डीएपी डालते थे तो एक एकड़ में 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल कपास होती थी, अब उसी में गाय का गोबर डालते हैं तो कपास होती है 7 क्विंटल 7.5 क्विंटल। एक किसान भाई तो ऐसे हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैं तो करोड़पति उसी दिन से हुआ जिस दिन से मैंने गोबर खेत में डालना शुरू किया। कि जो जो किसान अपने खेत में यूरिया डीएपी बंद करके गोबर डाल रहे हैं सबका उत्पादन बढ़ रहा है। और इतना ही कितना बढ़ रहा है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 20-25 मीट्रिक टन वाला उत्पादन 90 मीट्रिक टन हो गया, 12-15 क्विंटल वाला उत्पादन 25 क्विंटल तक पहुंच गया। चावल और धान के खेतों में मैंने मेरी आंखों से देखा है कई किसान एक एकड़ में 30 क्विंटल तक धान निकाल रहे हैं। और वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं कि हमारी सारी आधुनिक दवाएं जो केमिकल से बनती है, यूरिया डीएपी और उनके साथ पेस्टिसाइड, वो फेल हो जाते हैं लेकिन गोबर कभी फेल नहीं होता। तो गाय के गोबर को खेत में इस्तेमाल करने से उत्पादन ज्यादा मिले, फिर उस उत्पादन को वो बाजार में बेचे तो लक्ष्मी ही आई। तो गोमय वसत लक्ष्मी एक सूत्र है हमारे शास्त्रों में गाय के लिए, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, वो अब समझ में आ गया। इसी तरह से एक सूत्र है गोमूत्र धन्वंतरी, गोमय वसत लक्ष्मी गोमूत्र धन्वंतरी, गाय के मूत्र में बताया गया धन्वंतरी का निवास है। अब धन्वंतरी को हम मानते हैं आरोग्य के देवता हैं। अभी दीपावली आ रही है, हम पूजा करेंगे, धनतेरस आएगी, उस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होगी। और कहा गया कि ये धन्वंतरी तो गोमूत्र में है, गाय के मूत्र में धन्वंतरी जिनकी हम पूजा करते हैं और वो गाय अपने शरीर में उनको धारण किए हुए। ये धन्वंतरी जी की बात बचपन से मैंने सुनी, गाय के मूत्र में धन्वंतरी है। पिछले 10-12 वर्षों से मैं भारत में जगह जगह प्रवास करता हूँ तो मैंने देखा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो गौशालाएं चलाती हैं, उन सभी संस्थाओं में गाय के मूत्र से चिकित्सा की जाती है और ऐसे ऐसे रोगों का इलाज हो रहा है जो किसी दूसरी पैथी में संभव नहीं। जैसे कैंसर रोग आप जानते हैं आसानी से ठीक नहीं होता, लेकिन वही कैंसर गोमूत्र की दवाओं से बहुत आसानी से ठीक होता है। मैंने कल परसों के प्रशिक्षण शिविर में बताया था कि गाय के मूत्र में गेंदे के फूल की पत्तियों की चटनी बनाकर उबाल कर थोड़ा हल्दी डालकर आप उपयोग करना और कराना शुरू करो तो पेट के अंदर के कैंसर में इतना तीव्र लाभ होता है जो किसी दूसरी पैथी में संभव है। इंटेस्टाइन का कैंसर हो, लार्ज का या स्मॉल का, रेक्टम कैंसर हो, कोलेक्ट्रल कैंसर हो, आहार नली का कैंसर हो, ऑसियोफेगस कैंसर हो, जो सब प्राण घातक माने जाते हैं,
वो गोमूत्र चिकित्सा से बहुत आसानी से ठीक हो गए। ये अपना जो महर्षि बागवत पंचगव्य चिकित्सा केंद्र है, यहाँ पर भी बहुत सारे मरीज आते हैं और कैंसर का इलाज करवा के आराम से ठीक होके जाते हैं। ब्लड कैंसर ठीक होता है, बाकी अंदर के सभी कैंसर ठीक होते हैं। अब कैंसर जैसी बीमारी जो दूसरी चिकित्साओं में आसानी से ठीक नहीं होती, एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि ये लाइलाज है, वो आराम से गोमूत्र से ठीक होती है। तो गोमूत्र चिकित्सा कैंसर के लिए बहुत उपयोगी है। इसी तरह से मैंने खुद उपयोग करके देखा, मेरे बहुत सारे सहयोगी हैं वो भी उपयोग करके देखा, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, अद्भुत परिणाम आते हैं गोमूत्र चिकित्सा के इन बीमारियों में जो असाध्य मानी जाती है। दमा आप जानते हैं असाध्य बीमारी है, सभी एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं दम निकलने के बाद ही दमा जाता है, दमा अस्थमा, लेकिन गोमूत्र से बहुत आसानी से 2-3 महीने में ठीक हो जाता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस फैमिली की बीमारियां, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ई, एफ, ये सब बीमारियां जिसको जॉन्डिस के नाम से हम जानते हैं, पीलिया के नाम से जानते हैं, आसानी से एलोपैथी में ठीक नहीं होती है। हेपेटाइटिस ए तो ठीक हो जाता है, बी सी डी ई एफ तो बहुत ही तकलीफ करता है, वायरस पड़ा ही रहता है जिंदगी भर, वो बीमारी गोमूत्र से ठीक होती है। तो हमने ये देखा पिछले 10-12 वर्षों में और ये पाया कि गाय के मूत्र से बहुत सारी असाध्य बीमारियां, जिनकी संख्या 1 नहीं 48 असाध्य बीमारियां मानी जाती है मनुष्य शरीर की, वो सब आसानी से ठीक होती है। तो समझ में आ गया गोमूत्र धन्वंतरी, गोमय वसत लक्ष्मी गोमूत्र धन्वंतरी, गाय के मूत्र में धन्वंतरी का निवास। एक तो वात पित्त कफ तीनों का नाश करे, एक साथ ऐसी दवा पृथ्वी और ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं है जो एक साथ वात पित्त कफ तीनों का नाश करे, और ऊपर से गाय की भावना प्रेम और वात्सल्य की, क्योंकि माँ की जो भावना है वो गाय की है। माँ जो है किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों का अहित नहीं होने देती, किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आ जाए, माँ बहुत बीमार हो, माँ बहुत लाचार हो, चलने में फिरने में बिल्कुल अपंग हो, फिर भी उसके दिल में अपने बच्चों के प्रति हमेशा सद्भाव, सद्भावना, उपकार, परमार्थ यही है। ये सब गाय में, गाय कितनी भी बीमार हो, कितनी भी लाचार हो, लेकिन अपने बच्चों के प्रति तो उसके मन में कभी भी दुर्भावना नहीं है। आजकल हम लोगों के मन में एक बड़ी गलत फहमी घुसी है, बहुत सारे लोग गाय का मूत्र पीना चाहते हैं, पीते भी हैं चिकित्सा के रूप में, लेकिन अक्सर मुझे एक सवाल करते रहते हैं, राजीव भाई क्या बताएं, वो गाय तो कचरे में मुंह मारती रहती है, अब उसका मूत्र पिएंगे तो क्या होने वाला है। मन में कहीं कोने में रहता है कि ये मूत्र पीना ना पड़े, तो उसके लिए बहाने ढूंढना शुरू करते हैं। उनमें से एक बहाना है, वो तो कचरे में मुंह मारती रहती है, कूड़ा खाती रहती है, तो क्या करें, उसके मूत्र को पिए कि नहीं पिए। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि माँ कितनी भी लाचार मजबूर हो, किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे का तो बुरा नहीं करेगी, मतलब गाय कितना भी कचरा खाए, कूड़ा खाए, आप चिंता मत करो, आपको तो नहीं मारेगी। अगर आप उसका मूत्र पी रहे, कचरा खाने वाली भी गाय का मूत्र पी रहे, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको नहीं मारेगी, क्योंकि ये परीक्षण हमने करके देखा। एक बार मेरे जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि करके देखो भाई, हमने क्या किया था, बहुत सारी गाय जो सड़क में घूमती है, किसी की तो है पाली हुई, लेकिन वो उसको छोड़ देते हैं दूध निकालने के बाद, तो सड़क में घूमती है, कुछ कचरा खा लिया उसने, कचरा खा लिया, तो हमने उनका मूत्र लिया, जो कचरा खाने वाली गाय का मूत्र लिया, उसको परीक्षण के लिए दिया, करके देखो भाई इसको, तो पता हर बार ये चला
कि उसके मूत्र में कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है। इसका मतलब बहुत साफ है। एक बार तो एक गाय के साथ ऐसा भी परीक्षण किया कि उसके भोजन में थोड़ा विष दिया, थोड़ा संख्या एक विष होता है, अंग्रेजी में हम लोग उसे आर्सेनिक कहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा दिया, थोड़ा थोड़ा दिया, और हर दिन विष देने के बाद उसके मूत्र को निकाल के परीक्षण किया, थोड़ा भी विष मूत्र में नहीं था। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उस गाय की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसके शरीर को जब ध्यान से देखा गया और डिसेक्शन किया गया तो सारा विष उसके गले में इकट्ठा था, नीचे नहीं गया। तो बचपन की एक बात याद आ गई, आपने भी सुना होगा, गाय के गले में शंकर जी का निवास है और शंकर जी विष को धारण करते हैं, गरल पी लेते हैं, हो सकता है शंकर जी ने पी लिया, नीचे नहीं गया। तो आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि गाय कचरा खाएगी, कूड़ा खाएगी तो उसके मूत्र को पीने लायक माने के नहीं। शास्त्र में कहा गया है कि उत्तम मूत्र तो वही है जो गाय जंगल में चरने जाए और घास आदि चारा खाए, वो तो उत्तम है ही। लेकिन आप इसको दिमाग से निकाल दो कि अगर वो कचरा भी खाएगी तो भी आपको तो जहर नहीं देगी, वो खुद जहर ले लेगी, आपको तो नहीं। और हम कुछ व्यवस्था ऐसी बनाएं कि गाय कचरा खाए क्यों, ये तो हमारा निकम्मापन है, हमारी नाकामयाबी है कि गाय कचरा खाए। हमारा निकम्मापन और नाकामयाबी क्या है, हम ध्यान ही नहीं देते। पहले जितना ध्यान दिया जाता था गाय पर, अब उतना नहीं। और हम ऐसे भी काम करते हैं अपने हाथों से कि गाय के लिए कुछ खाने पीने का दे तो पॉलीथिन में डाल के छोड़ देते हैं। अब गाय के शरीर में एक ही कमी है, बाकी कोई कमी नहीं। गाय का मुंह भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसमें कोई भी चीज अंदर तो जा सकती है, बाहर नहीं आ सकती। जैसे आप कुछ भोजन को अंदर डालो और आप में कैपेसिटी है कि आप उसे बाहर भी निकाल सकते हो, कैसे, उल्टी करके। गाय उल्टी नहीं कर सकती, बस इतनी ही एक कमी है। गाय के मुंह में कोई चीज चली गई तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, मुंह की डिजाइन ऐसी है, मुंह का उसका बनाने का भगवान ने ऐसा कुछ डिजाइन कर दिया है। आप में तो ऐसी विशेषता है कि कोई चीज खाई और आपको लगा कि खराब है, तुरंत आप थूक देंगे, या गर्दन तक भी गई तो खींच के निकाल लेंगे, गाय ये नहीं कर पाती। इसलिए आप जब पॉलीथिन में कोई चीज डाल देते हैं तो खाने की कोशिश तो वो उस चीज की करती है, लेकिन उसके साथ पॉलीथिन चली जाती है। और हम कुछ आज के जमाने के पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या करते हैं कि कोई भी कचरा पॉलीथिन में डालना शुरू कर दिया है और बांध और देते हैं उसको पॉलीथिन ऊपर से बांध और फेंक देते हैं। अब उसको तो खाना है वो जो अंदर है, अब पॉलीथिन को खोले कैसे। तो हमारे निकम्मेपन और नाकामयाबी का सबूत है गाय कचरा खाए। गाय कचरा क्यों खाए, इस देश में परंपरा रही है हजारों साल, हर घर में पहली रोटी गाय की, हर घर में पहली रोटी गाय की। अब जिस देश में हजारों साल से ये परंपरा रही हो, हर घर में पहली रोटी गाय की, तो इस देश में 21 करोड़ घर है, तो 21 करोड़ रोटी रोज हो गई कि नहीं हो। और अगर 21 करोड़ रोटी रोज निकल रही है घरों से तो गाय तो भूखी रह नहीं सकती, लेकिन अब ये रोटी निकलना बंद हो गई घरों से। हमारे घरों में अब ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पहली रोटी गाय की अब नहीं निकलती। मुझे बचपन का याद है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। माने ये गाय है, ये कुत्ता है, ये है, ये सब हमारे परिवार के ही सदस्य माने जाते हैं, भले वो स्वतंत्र घूमते रहते हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है।
तो हमारे यहाँ परंपराएं बनी है इसी हिसाब से कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अब आखिरी रोटी भी कुत्ते की नहीं निकलती है, समस्या पता है कि आगे रोटी बनती ही नहीं है, अब तो डबल रोटी आती है, पाव रोटी आती है, कई घरों में तो होटल से आने लगी है। अब होटल से आने लगी है, डबल रोटी आने लगी, पाव रोटी आने लगी, तो रोटी बने नहीं तो निकले कहां से? ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के घरों में ये ज्यादा, रोटी बनाने का क्या चक्कर, बनी बनाई ही ना हो ना। सब्जी दाल बनाने का क्या चक्कर, बना बनाया ले आओ ना। और घर वाले तो ऐसे परेशान हो जाते हैं, वो कहते क्या रोज रोज एक ही तरह का खाना, एक दिन होटल में जाके खाओ ना। तो जब हम होटल में जाके खाने लगे तो गाय की रोटी कौन निकाले, जब हम होटलों में जाने लगे तो कुत्ते की रोटी कौन निकाले, तो गाय और कुत्ते की रोटियां निकलना कम हो गई। और ये निकलना कम हो गई तो फिर गाय भूखी रहने लगी, भूखी रहने लगी तो उसको जो मिले वो खाने लगे। तो हमारी गाय कचरा खा रही है, इसमें गाय का दोष नहीं है, दोष तो हमारा, हम अपने को सुधारे तो गाय को कचरा खाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो क्या हुआ कि गांव में जहां गाय पाली जाती है वहां पहले गोचर भूमि हुआ करती थी। आप जानते हैं सभी गांव में गाय के लिए एक स्थान निश्चित, उसको कहा जाता है गोचर भूमि। ऐसा एक भी गांव नहीं इस देश में जहां गोचर भूमि ना हो। अब पिछले 50-60 साल में क्या हुआ कि ये जितनी गोचर भूमि थी ये गांव के नेता सब बेच बाच के खा गए, गाय की जमीन बेच के खा। जमीन की कीमतें जब से बढ़ी इस देश में, गाय के लिए सुरक्षित स्थान गोचर भूमि सरपंचों ने, पंचों ने, ग्राम पंचायत के सदस्यों ने मिल बांट के खा ली, या उस पर अपनी बिल्डिंगें बना ली, भवन बना लिए, घर बना लिए, जो कर लिया। अब गाय तो बिचारी कहने किसको जाए कि मेरी जमीन थी, इस पे घर क्यों बनाया तुमने, मेरी जमीन दूसरे को बेची क्यों? वो तो प्रेम भरी माँ है, माँ कभी शिकायत नहीं करती अपने बच्चों को, तो वो शिकायत करे किससे या करे क्यों? हम नालायक और निकम्मे उसके बच्चे कि उसकी जमीन ही खा गए बेचो। तो गांव में गोचर भूमि खत्म हो गई, तो गाय खाए कहाँ, जाए कहाँ, चले कहाँ। और शहरों में माताओं बहनों ने रोटियां निकालना बंद कर दिया तो उसकी वो भी व्यवस्था कम हो गई। और तीसरी समस्या ये आई कि आज के हम लोगों ने जो पैसे के स्वार्थ में इतने अगले हैं, उन्होंने गाय का सारा वजन उसके दूध से नापना शुरू कर दिया। जो दूध दे तो ठीक, नहीं दे तो जयराम जी। जैसे ही उसने दूध देना बंद किया हमने बाहर छोड़ दिया, तिलक लगाया छोड़ दिया। अब वो कहीं भी मारी मारी फिरे, कहीं भी भटकते। तो ये जो परिवर्तन आए हम में आधुनिकता के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, हम में ऐसे खराब परिवर्तन आए हैं जिस पर हम घंटों चर्चा करें तो पूरी नहीं। हमने ऐसी अंग्रेजी शिक्षा सीखी है जिसमें गाय तो रखो मत घर में, कुत्ता रखो। कुत्ते के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि इसको कभी भी बांध के नहीं रखना चाहिए, इसको खुला छोड़ना चाहिए। और गाय के बारे में शास्त्रों में कहा गया है इसको साज संभाल करके रखना चाहिए, देखभाल के साथ रखना चाहिए, कुत्ता स्वतंत्र रहना चाहिए, गाय हमारी आंखों के सामने साज संभाल से रहना चाहिए। हमने ऐसी अंग्रेजी शिक्षा सीखी कि गाय तो छोड़ दी, कसाई ले जाए काटने को या कोई ले, कुत्ता पकड़ के घर में बांध के पट्टे से रखा और बड़े शान से बताते देखो मेरा कुत्ता। और बताते नहीं है, रोज सवेरे उसको टहला के लेके जाते हैं, खुद नहीं जाएंगे लेकिन कुत्ते को लेके जाएंगे, तो शूशू कराएंगे, उसको संडास करवाएंगे, सब करवाएंगे। और गाय की बात करो तो नाक चढ़ेंगे, क्या बात कर रहे हैं, गाय घर में रखें। कुत्ते और गाय की कोई तुलना नहीं कर सकते। फिर हमने ऐसी आधुनिक शिक्षा सीखी इस देश में
ये शिक्षा ने सत्यानाश किया, अंग्रेजी शिक्षा ने तो सवा सत्यानाश किया। कॉन्वेंट में अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गाय का गोबर, जिस गाय के गोबर से स्नान किए बिना आप कोई यज्ञ नहीं कर सकते, जिस गाय के गोबर का लेपन किए बिना यज्ञ की वेदी नहीं बना सकते आप, उस गाय के गोबर को हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चे इसमें बदबू आते हैं। और दुनिया भर का कचरा अंग्रेजी सेंट और परफ्यूम उसमें खुशबू आती है, जो त्वचा को भी नुकसान करते हैं, शरीर को भी नुकसान करते हैं। ये दुष्परिणाम आया कहां से? ये पिछले 100-150 साल की जो अंग्रेजी शिक्षा हमको मिली, मैकॉले शिक्षा मिली, उसने उल्टा घुमा दिया हमारा दिमाग। गाय से घूमकर हम कुत्ते पे चले गए, गोबर से घूमकर हम पता नहीं किस किस केमिकल पे चले गए। अभी हमें थोड़ा दिमाग अपना सीधा करना है। इसके लिए मैंने अष्टांग हृदय का ये सूत्र आपसे कहा है, आप आज के बाद अपने मन में गाय के बारे में मन और भावना दोनों बदलो। सबसे पहले बात तो ये जान लो कि उसके शरीर से कितना भी कचरा खाए आपको जहर नहीं मिलेगा, ये तो पक्का, ये हमने खूब करके देखे। इसलिए कभी भी दिमाग में ये बात लाना नहीं कि ये गाय कचरा खा रही है तो इसके गोबर का उपयोग करे ना करे, मूत्र का उपयोग करे ना करे, आप बिल्कुल बिंदास। कुछ तकलीफ हुई तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। दूसरा, अपने मन में कुछ ऐसे संकल्प करो कि भाई अपने हाथों गाय का कुछ सहयोग हो। अपने हाथों गाय का सहयोग हो तो क्या हो, एक रोटी सवेरे शाम गाय के निकले, एक से ज्यादा निकले तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे घर निकाल ही नहीं गए हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी आप ले लो। आपकी समझ में आ गया तो घर में गाय की रोटी तो निकले ही, और उसको सम्मान के साथ गाय को खिलाया जाए, ये नहीं कि कहीं पटक के चले। और पॉलीथिन में बांध कर कभी भी कोई ऐसी चीज मत फेंको जो गाय के खाने के काम आ सके। जैसे सब्जियां हैं, आप सब्जियों के छिलके उतारते हैं, ये सब छिलके गाय के लिए उपयोगी। आप सब्जी छील के खाते हैं, वैसे आप ना खाओ तो अच्छा है, लेकिन फिर भी हम छील के खाते हैं, तो आप जो उतार रहे हो सब्जी का हिस्सा, वो सब गाय के काम का है, तो उसको पॉलीथिन में बांध के तुम कभी मत। तो आप बोलोगे फिर फेंके कैसे, ऐसी फेंक दो ना, गाय आते जाते उसको जो लगेगा उसको चुन के खा लेगी। पॉलीथिन तो खत्म करो, बांध के फेंकने से। दूसरा ये, और तीसरा, नियमित रूप से आपके जीवन में जब भी कोई गंभीर तकलीफ आए, वात की हो, पित्त की हो, कफ की हो, तो गौमूत्र का उपयोग करो। इससे क्या होगा, आपको गाय के प्रति सद्भावना, उसके प्रति महत्व बढ़ता ही जाएगा। जब आप परिणाम देखेंगे तो महत्व भी समझ में आएगा। तो आप अपने जीवन में वात रोगों से पीड़ित हैं तो, पित्त रोगों से पीड़ित हैं तो, कफ रोगों से पीड़ित हैं तो गौमूत्र का इस्तेमाल करो। एक ही थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं कि पित्त के रोगी गोमूत्र का इस्तेमाल करें पानी मिलाकर, वात और कफ के रोगी गोमूत्र का इस्तेमाल करें सीधा। पित्त के रोगी माने गैस बनती है, एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, पेट में घाव हो गया, इस रोग से ग्रसित रोगी अगर गोमूत्र प्रयोग कर रहे हैं तो उनके लिए ये सावधानी है कि वो पानी मिला के करें उपयोग, और गाय के मूत्र में बराबर पानी मिलाया जा सकता है। और कफ और वात के रोगी हैं, जैसे दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब कफ के रोग हैं। सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, कफ के रोग हैं, तो कफ के रोगी सीधा उपयोग कर सकते हैं गोमूत्र बिना पानी मिलाए, और वात के रोगी भी सीधा गोमूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं बिना पानी मिलाए। गाय के शरीर से निकला हुआ मूत्र सीधे उपयोग करना, पीना। अब कब पिए, कितना पिए, आधा कप बड़े व्यक्ति के लिए, आधा कप माने 50 मिलीलीटर एक खुराक बड़े आदमी के लिए, और 18 साल से कम उम्र वालों के लिए 20 से 25 मिलीलीटर। और हमेशा गोमूत्र पीने
पीने का सर्वोत्तम समय शास्त्र में कहा गया है सुबह का, खाली पेट निराहार, उस समय सबसे अच्छा। आप बोलेंगे जी बदबू आती है, कोई बदबू नहीं आती, एक दो दिन पिएंगे फिर उसी में खुशबू आना शुरू हो जाएगा। मैं बताऊं, ये बदबू और खुशबू मन की एक विशेष अवस्था है। वास्तव में किसी चीज में बदबू नहीं है और किसी चीज में खुशबू नहीं है, वो मन की एक अवस्था है। मैं आपको जानकारी देता हूं, इसमें आप हंसना नहीं, गंभीरता से सोचना। ये जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं ना, पैथोलॉजिस्ट जो आपकी टट्टी की जांच करते हैं, पेशाब की जांच करते हैं, वो रोज टट्टी की जांच करते हैं, बदबू आना बंद हो जाती है, नहीं आती। हाँ, आप जिस संडास में टट्टी में बदबू महसूस करते हैं, आपका पैथोलॉजिस्ट उसी को जांच करता है, उसके नाक के सबसे नजदीक रहती है, उसको नहीं आती, एक दो दिन आती है फिर नहीं आती। मां महत्व की बात क्या है, ये शरीर है जो हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करता है। तो आज एक दो दिन पिएंगे गोमूत्र में बदबू आएगी, तीसरे दिन से शरीर ने एडजस्ट कर लिया, बंद हो जाएगी। तो गोमूत्र पीने में बदबू बदबू आती है, ये तो दिमाग से निकाल दो। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो थोड़ा तीखा लगता है, एक दो दिन लगेगा फिर उसके बाद नहीं लगेगा, एक दो दिन लगेगा उसके बाद नहीं लगेगा। फिर आप पूछेंगे कितने दिन ले सकते हैं, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे दमा बहुत गंभीर बीमारी है, अस्थमा बहुत गंभीर बीमारी है, स्नोफीलिया गंभीर बीमारी है, जो देर में बीमारी आती है ना उतनी ही देर में जाती है, ये मोटी बात याद रखना। जो बीमारी शरीर में जितने देर में आती है वो उतनी ही देर में जाती है। जैसे मोटापा, मोटापा एक दिन में किसी को नहीं आता, धीरे 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 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आप स्थूल होते हैं तो वो धीरे धीरे ही जाएंगे। दमा अस्थमा भी ऐसी बीमारी है, कैंसर भी ऐसा। तो जो बीमारियां देर में जाने वाली हैं उनके लिए गोमूत्र सेवन कम से कम 3 महीना, 90 दिन। और जो जल्दी जाने वाली है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, ये सब जल्दी जाने वाली है, डायरिया है, डिसेंट्री है, ये सब जल्दी जाने वाली बीमारियां है, इनमें गोमूत्र 1 हफ्ते से लेकर 15-20 दिन तक, ऐसे याद रखना। ज्यादा लंबी बीमारी है ज्यादा दिन गोमूत्र पीना, जल्दी ठीक होने वाली बीमारी है कम दिन पीना। सबसे आसानी से जो बीमारी जाती है गोमूत्र से 2-3 दिन में ही मिटती है, वो सर्दी, खांसी, जुकाम, डायरिया, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन, 3 दिन में ही मिटाने की ताकत है गोमूत्र। सर्दी, खांसी, जुकाम, डायरिया, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन, ये बीमारी 2-3 दिन में ही मिट जाती है, तो 3 दिन पर्याप्त है। तो 3 दिन से लेकर 3 महीने तक गोमूत्र का सेवन होता है। और 3 महीने लेने के बाद आप बोलें कि बीमारी पूरी मिटी नहीं, तो आप ऐसा करना, 1 महीने के लिए या 20 दिन के लिए गोमूत्र छोड़ दें, गोमूत्र हो या गोमूत्र की दवा हो, 3 महीने लगातार लेना, 90 दिन, फिर भी पूरी तरह से बीमारी ठीक नहीं हुई तो बंद कर देना, 15-20 दिन बंद रखना, 25 दिन बंद रखना, 1 महीने बंद रखना, फिर शुरू कर देना। और एक बार बंद करके फिर 3 महीने फिर ले सकते हैं। गोमूत्र के बारे में ये ध्यान रखना, 3 महीने लेकर थोड़े दिन छोड़ना, फिर और 3 महीने लेना, फिर थोड़े दिन छोड़ना। क्यों छोड़ना? इसलिए है कि शरीर को इसकी आदत नहीं लगनी चाहिए। गोमूत्र कुछ इस तरह की आदत लगा देता है, जैसे चाय पीना शुरू किया, आदत लग गई, अब नहीं पिएंगे तो मजा नहीं आएगा, वैसे ही गोमूत्र में होता है, लगातार पिया अब लग गई आदत, अब नहीं पिएंगे तो मजा नहीं आएगा, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए बीच बीच में छोड़कर उसका उपयोग करना। तो छोड़ दिया 15-20 दिन महीने भर के लिए, फिर दोबारा कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर अब गोमूत्र का उपयोग और गोबर का उपयोग दोनों ही तरह से होता है, आंतरिक और बाहरी।
बाहरी उपयोग क्या है, खाज हो गई, खुजली हो गई, दाग हो गया, शरीर में दाग धब्बे हैं, काले पीले सब तरह के, इस पर गोमूत्र और गोबर लगा लो। कैसे लगाना, गोबर में गोमूत्र मिलाना और लगाना, लगा के थोड़ी देर 10-15 मिनट सूरज की धूप में रखना, फिर उसके बाद धो देना। बाहरी उपयोग सब तरह के खाज खुजली दाग सब 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 मिटा देना, और आंतरिक उपयोग है वो पीना है। गोबर का रस भी पिया जाता है, गोमूत्र भी पिया जाता है, लेकिन आप सभी बीमारियों में खाली गोमूत्र पीते रहे, एक या दो बीमारी है जिसमें गोबर का रस पीने की जरूरत पड़ती है, बिना उसकी वो ठीक नहीं होती। वो बीमारियां अक्सर गर्भवती माताओं में होती है। मां अगर गर्भावस्था में है तब उसको गोमूत्र के साथ गोबर भी पीना पड़ सकता है। वो कौन सी स्थिति में, अगर कोई मां गर्भावस्था में है और डॉक्टर ये कह रहा है कि डिलीवरी के लिए सिजेरियन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन डिलीवरी नहीं होगी, तो उस मां को अगर डिलीवरी बिना ऑपरेशन ही करानी है, मान लीजिए घर वालों ने तय किया हम तो नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद बहुत तकलीफ है। जिस मां को बच्चे ऑपरेशन से बाहर आते हैं उस मां को जिंदगी भर दर्द रहता है, पेट का, कमर का, ये जांघों का दर्द, पैरों का दर्द, ये रहता ही कम ज्यादा हो सकता है, ठीक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सिजेरियन जो है वो अप्राकृतिक क्रिया है, अननेचुरल है, भगवान ने नहीं बनाया, ये आदमी ने बनाया सिजेरियन, भगवान की क्रिया ये नहीं है, इसलिए ये अप्राकृतिक है। हर अप्राकृतिक क्रिया जिंदगी भर में ये तकलीफ है, और जो मां को सीजन हुआ फिर बाद में डॉक्टर बोलेगा इनका गर्भाशय काट के निकालो, इनका ये करो, इनका ये, जिंदगी भर का लफड़ा चलता ही रहेगा, कभी भी वो मां चैन और शांति से 2-5 साल बिता ही नहीं सकती। इसलिए मैं सभी माताओं के लिए विशेष रूप से कहता रहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बिना सीजन के जिंदगी दें, दुनिया में आने दें, तो उसमें गाय का मूत्र आपको बड़ी मदद। माता इस बात को ध्यान रखें, भाइयों भी को बोलना चाहता हूं कि जब किसी माँ को डॉक्टर बोल देगा कि सिजेरियन तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं है, तो आप डॉक्टर से एक तो छुट्टी ले लीजिए, डॉक्टर को राम राम कह दीजिए, माँ को घर ले आइए या लेके ही बन जाइए, ऐसे डॉक्टर के पास इतना करिए कि अगर समय पूरा हो गया, समय तो आप जानते हैं 9 महीने 9 दिन बच्चे के गर्भ का समय है, 9 महीने 9 दिन, उसके बाद तो उसे बाहर की दुनिया में आना ही है। मान लीजिए 9 महीने पूरे हो गए या 9 महीना 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गया, तो आप क्या करें, गाय का थोड़ा गोबर और गाय का थोड़ा मूत्र ये मिलाएं आपस में, कितना गोबर कितना मूत्र 50-50 ग्राम ले सकते हैं, मिला ले, कपड़े में छान ले, छान कर मां को मिला। अब 50-50 ग्राम गोबर और मूत्र को आप जब छानेंगे और कपड़े में, तो वो जो 2 या 3 खुराक में उसको पिलाएं, 2-3 चम्मच एक बार, 2-3 चम्मच फिर एक बार, 2-3 चम्मच एक। मैंने जितनी माताओं को ये पिलाया है 4थी खुराक देनी नहीं पड़ी है, बच्चा अपने आप बाहर आया। ये गोबर और मूत्र की शक्ति है, आप उसका उपयोग करें। इसमें एक ही सावधानी है कि अगर बच्चा 8 महीने में बाहर आ रहा है, 7 महीने में बाहर आ रहा है, तो ये उतना उपयोगी नहीं है। समय जब पूरा हुआ और उसके बाद आ रहा है, उसी के लिए ये उपयोगी। 7-8 महीने में बच्चों को कई बार बाहर निकालना पड़ता है, कोई गंभीर परिस्थिति पैदा हो जाए, जैसे गर्भाशय में पानी सूख गया तो बच्चे को हो सकता है 7वें महीने में निकालना पड़े, 8वें, तो उसमें ये उतना काम नहीं आएगा। लेकिन सामान्य रूप से जो 9 महीने में बच्चे आ गए हैं उन सबके लिए ये बहुत उपयोगी है। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि किसी माँ को मैंने बोल दिया कि ले लो, तो उन्होंने 1 खुराक तो ले ली, 2 खुराक को ले ली, और फिर लगा कि नहीं हॉस्पिटल चलना ही चाहिए, तो हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी निकाल ली, गाड़ी में मां बैठ गई और गाड़ी में ही प्रसव हो गया। बहुत ऐसी माताएं होती है ना, धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है,
चलो ये डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले रो गए, ऐसा बहुत बार। तो इसमें बस इतना ही करना है कि देने के बाद 24 घंटे इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आपको परिणाम तो आना ही। ये बहुत आसान उपाय है हर उस माँ के लिए जो बिना सीजेरियन अपनी डिलीवरी चाहती है। और एक जानकारी दो, आजकल कई माताएं हमारी ऐसी हैं जिनके शरीर में ताकत थोड़ी कम है। भगवान ने माँ का शरीर पुरुष से ज्यादा मजबूत बनाया, क्योंकि माँ बनती है इसलिए उसको अतिरिक्त शक्ति की जरूरत होती है। पुरुष को इतनी ताकत नहीं दी है भगवान, स्त्री को ज्यादा, क्योंकि स्त्री ही है जो माँ बनती है, 9 महीने अपने पेट में किसी दूसरे जीव को पालती है, उसको अतिरिक्त शक्ति की जरूरत है। स्त्री में शक्ति तो बहुत है लेकिन वो विनम्र बहुत है, तो विनम्र होने के कारण वो जल्दी रो सकती है, उसको आंसू निकल सकते हैं, क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं वो पुरुष के शरीर में कम है। तो लोग क्या कहते हैं, ये रोती है इसलिए कमजोर है। रोना कमजोरी का लक्षण नहीं है, चिकित्सा विज्ञान में रोना कमजोरी का लक्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आज से आप ये कहना बंद कर दो क्या लड़के की तरह से रोता है, ये कमजोरी का लक्षण नहीं है। ये भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है स्त्री के शरीर में, वो पुरुष को नहीं है, वो रोने से अपने स्ट्रेस को कम करती है। आप कभी भी करके देखो, आप जैसे ही रो लोगे आंसू निकल जाएंगे, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, प्रेशर आपका कम हो जाएगा। ये पुरुषों में नहीं हो पाता, इसलिए जिंदगी में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पुरुषों को ही आता है, क्योंकि वो रो नहीं पाते। अगर भगवान ऐसी कोई व्यवस्था कर देता कि पुरुषों को भी रोने वाला हार्मोन दे देता, तो हार्ट अटैक से इतने पुरुष नहीं मरते जितने मरते स्त्रियों को। सबसे कम हार्ट अटैक आते हैं इस सच्चाई के बावजूद कि उनके ऊपर कई तरह का तनाव होता है। मैं मानता हूं, और आप करके देख लीजिए, दुनिया का सबसे सबसे मुश्किल काम है अगर कोई तो बच्चे को बड़ा करना। ये पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल काम बच्चे को बड़ा करना। कोई आप फैक्ट्री चला सकते हैं कार बनाने की, स्कूटर बनाने की, मोटरसाइकिल बनाने की, और एरोप्लेन बनाने की भी फैक्ट्री चला सकते हैं, वो भी आसान काम है। उससे ज्यादा मुश्किल काम है बच्चे को पढ़ा करना। माँ के ऊपर इसका सबसे ज्यादा तनाव रहता है, इसके बावजूद माताओं को हार्ट अटैक सबसे कम आता है इसके बावजूद, जबकि तनाव जीवन भर। बच्चा थोड़ा बीमार पड़ा, बच्चे से ज्यादा माँ को तनाव, टेंशन, दिल में दुखाव है, दर्द है। बच्चे की बीमारी माँ को ज्यादा, पिता को तो इतनी नहीं है। बिना पिता के बच्चा बड़ा हो सकता है, बिना माँ के मुश्किल हो जाता है बड़ा होना। तो बच्चे को बड़ा करने का सबसे ज्यादा तनाव दबाव किसी माँ के ऊपर होता है। इसी तनाव और दबाव को हर समय रिलीज करने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था दी माँ को कि वो रोए, आंसू निकाले। जैसे ही आंसू निकलेंगे तुरंत हल्की हो जाएगी वो, और अगले तनाव को झेलने के लिए तैयार हो जाएगी। पुरुष में ये नहीं है, इसलिए पुरुष में ऐठ बहुत है। रोना क्यों, कमजोरी क्यों दिखाना? ये कमजोरी दिखाने की बात नहीं है, ये अपने शरीर को सुरक्षित रखने की बात है। आप चूंकि रो नहीं पाते हैं इसलिए हॉस्पिटल जाते हैं, लाखों रुपए का बिल बनाते हैं, हार्ट अटैक लाते हैं, कार्डियक अरेस्ट लाते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, और अंत में कई बार पता है जब केस लिमिट के बाहर चला जाए, डॉक्टर को भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो डॉक्टर दवाएं देकर पुरुषों को रोलाते हैं। ये जो साइकियाट्रिस्ट है ना, ये क्या करते हैं, ये आपकी क्लास लेते हैं और क्लास लेके रोने की स्थिति तक ले जाते हैं। अमेरिका यूरोप में तो रोने वाले डॉक्टरों की फीस एक एक घंटे की $1,000 से कम नहीं होती, $1,000।
घंटे भर वो आपको देगा, 1000 बॉलर ले लेगा, आपको एक ही काम करेगा, रुलाएगा। स्त्रियों को ये फोकट नहीं है, 2-3 मिनट में कभी भी आंसू निकल जाएंगे, बात खत्म हो गई, बात गई और वो गई तो रास्ता खुल गया। तो आज से ये कहना बंद कर दीजिए लड़कियों की तरह से क्या होता है। रोना प्रकृति में भगवान ने दी है एक ऐसी व्यवस्था जो मन मन के तनाव को हटाने के लिए। तो ये तनाव कम करना, दबाव कम करना किसी भी माँ को सबसे ज्यादा अच्छा आता है। इसलिए माँ बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ले लेती है और उसको पाल के दिखा देती है, बड़ा करके दिखा देती है। ये बच्चे को बड़ा करने का तनाव, बच्चे को बीमारियों से बचाने का तनाव, उससे अलग रखने का जो दबाव है माताओं को, इसके लिए मैं जरूर एक जानकारी देना चाहता हूँ सभी माताओं को। ये आप सबको बताएं कि ज्यादा से ज्यादा गाय के दूध से निकाले हुए घी का इस्तेमाल करें सब माता, तो आपको बहुत आसानी होगी। गाय के घी का इस्तेमाल करें दाल में, गाय के घी का इस्तेमाल करें दूध में, और गाय के घी का इस्तेमाल करें नाक सभी माता। तो उनका ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, ये जो दबाव है, इसको दूर करने में बहुत बड़ी मदद है घी की। और अब मैं असली बात पर जहां आ रहा हूं वो ये कि किसी भी माँ को अगर ऐसा मन में आ गया है कि मुझे तो सिजेरियन होने ही नहीं देना है, नॉर्मल डिलीवरी से ही मेरे बेटे या बेटी का जन्म होने देना है, तो उसको आप बोलिए कि नियमित रूप से गाय का घी दूध में मिला के पीती है। गाय का घी दूध में मिला के, दूध भी गाय का होगा तो बहुत अच्छा है, घी तो है। एक गिलास गाय का दूध, एक चम्मच उसमें गाय का घी हर माँ गर्भावस्था के समय में पिए, रोज रात को सोने के पहले। गाय के दूध में गाय का घी मिला के हर माँ को जो गर्भवती है, गर्भावस्था में है, रात को पीने को दीजिए। बस इतना अगर आपने कर दिया तो समय पर बिना सिजेरियन ऑपरेशन के ही डिलीवरी होगी, बच्चे का जन्म बिना सिजेरियन ही होगा, घी और दूध। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है उस माँ के शरीर में, कॉम्प्लिकेशन 2-3 है आजकल माताओं के शरीर में, एक तो अंडरवेट, वजन कम है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। माँ का वजन कम है, जरूरत से ज्यादा कम है, तो ये बहुत तकलीफ की स्थिति है। तो उस माँ को बोलिए कि गाय के दूध का बनाया हुआ दही उसमें रोज सवेरे चूना मिला के खाए, गाय के दूध का बनाया हुआ घी सॉरी गाय के दूध का बनाया हुआ दही उसमें चूना मिला के खाए। अब चूना कौन सा जो पान में खाते हैं, मात्रा कितनी, जीरे के दाने के बराबर, जीरे के दाने के बराबर। तो जीरे के दाने के बराबर चूना और दही, दही कम से कम 100 ग्राम रहे, वो घोल कर रोज सुबह पी ले जो भी माँ गर्भावस्था में है, और उसके साथ 2-3 केले खा ले तो सोने में सुहागा। ये उन माताओं के लिए है जिनका वजन कम है, सवेरे खाली पेट। तो एक तो चूना नहीं खाए, गाय के दूध का दही और उसमें चूना मिला के, और रात को घी और दूध पिए, बस इतना ही करना है। उस माँ को भी बच्चे को जन्म देते समय कोई तकलीफ नहीं होगी, जो खुद अंडरवेट है उसका बच्चा अंडरवेट नहीं होगा, उसका बच्चा सामान्य वजन का होगा या हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही वजन आएगा, कम तो नहीं। और अगर बहुत ज्यादा अंडरवेट कोई माँ है, एकदम एकदम पतला शरीर लकड़ी जैसा, तो उसको ये भी बोलना पड़ेगा कि बीच बीच में थोड़ा गोमूत्र पीती रहे, दही और चूना खाए नियमित रूप से, रात को दूध और घी पिए नियमित रूप से, और बीच बीच में हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में 2 दिन थोड़ा गोमूत्र भी पीते, तो बच्चा 100% उसका ओवरवेट होगा, उससे ज्यादा स्वस्थ होगा, जितनी मां है उससे ज्यादा स्वस्थ है। और मैंने देखा है ऐसे 100 से ज्यादा बच्चे हैं
जिनकी माताओं पर यह परीक्षण किया है मैंने, और वो सब माताओं के बच्चे मेरी आंखों के सामने बड़े हो रहे हैं। किसी को सर्दी नहीं होती, किसी को जुकाम नहीं आता, कोई बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता, किसी को दस्त नहीं लगे, सबके दांत निकले हैं बिना डायरिया और बेसन के। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के दांत निकलते समय उनको दस्त हो ही जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों की माताओं ने गर्भावस्था के समय में गोमूत्र पिया, गाय का दूध और घी लिया और चूना और दही लिया, उन बच्चों के दांत निकलते समय पता ही नहीं चला, ना बच्चों को ना माताओं को। और वो बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं ना, उनमें से कुछ इतने बड़े हो गए कि स्कूल जाने लायक है, तो उनके अध्यापक बोलते हैं कि ये पहली कक्षा में बैठने लायक नहीं है, इसको तीसरी में भर्ती कर दो, चौथी में भर्ती कर दो, जंप करते हैं। मतलब जो बच्चे 3 साल में सीखते हैं वो 1 ही साल में सीख लेते हैं, माने मस्तिष्क की तीव्रता इतनी है, आईक्यू उनकी इतनी अच्छी है कि वो बहुत जल्दी सब चीजें सीख लेते हैं, और इतने चुस्ती फुर्ती वाले होते हैं, कभी आलसी नहीं रहते। कारण क्या है? गाय का दूध पिया, घी लिया, उनकी माँ ने दूध का दही बना के लिया, मूत्र भी लिया, तो वो वैसे ही होते हैं जैसे गाय का बछड़ा या गाय की बछड़ी। आप देखो गाय के बछड़े को जन्म लेते ही कूदना शुरू कर देता है, पहले तो जन्म लेगा अपने आप खड़ा हो जाए, खड़ा नहीं करना पड़ता, अपने से खड़ा हो जाए, और थोड़ी देर के बाद जंपिंग शुरू कर देगा, और 1-2 दिन में तो रनिंग चालू हो जाती है उसकी, पकड़ के देख लो आप उसको। और दूसरे बाजू में जर्सी गाय के बच्चे को देख लो, जर्सी गाय का बच्चा पैदा होगा जमीन पे गिरेगा, अपने आप कभी नहीं उठता, उठाना पड़ता, और जंपिंग तो कभी नहीं मारता, रनिंग तो होती नहीं उसकी, क्योंकि जैसी अम्मा है वैसा वो है। जर्सी गाय दौड़ नहीं सकती, जर्सी गाय के बारे में आप जान लो, पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती, दौड़ नहीं सकती, धीरे 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 आलसी होके ही चलती है, बैठती ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रहती, लम से बैठ जाती, एक बार बैठ जाए तो उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है उसका। अमेरिका यूरोप की जर्सी गाय देख लेंगे तो रो देंगे आप, वो तो एक ही जगह खड़ी रहती है, एक कदम चलना उसके लिए मुश्किल, एक कदम नहीं चल सकती। और वैसी भैंस है, भैंस का बच्चा भी पैदा होता है तो गिरता है, खड़ा नहीं हो सकता, दौड़ना कूदना तो संभव नहीं है, तो क्यों अपने बच्चों को भैंस का दूध पिला रहे हैं? मत पिलाइए दूध, गाय का पिलाइए, आपकी गाय का पीजिए। गर्भवती माताओं के लिए तो विशेष व्यवस्था करिए। फिर वही प्रश्न आएगा जी, गाय मिलती नहीं है, दूध मिलता नहीं, यहाँ चेन्नई में गौशाला है, मैं देख के आया, यही चेन्नई में गौशाला है, और गौशाला चलाने वाले लोग कहते हैं कि जो भी आते हैं हम उनको गाय का दूध देते हैं, तो आप भी जाएंगे आपको भी मिलेगा। और गौशाला वाले ये कहते हैं कि अगर ज्यादा लोग दूध मांगेंगे हम ज्यादा गाय पालेंगे, वो तैयार, उनको कोई तकलीफ नहीं, वो कहते हैं अभी हमारी 1 है फिर हम 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये मन से निकाल दीजिए गाय मिलती नहीं है, दूध कहाँ मिलेगा, घी काम सब हो जाएगा। मन में तय करने की बात है, संकल्प आने की बात है, संकल्प आ जाएगा तो सब होगा, आप ही कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। तो मेरा सब माताओं को, भाइयों को, बहनों को आज यही निवेदन है कि गाय के दूध का, गाय के मूत्र का, गाय के घी का, गाय के दही का, दही में से निकले हुए मक्खन का, जिसको सब मिला के पंचगव्य कहा जाता है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने जीवन में करें, बहुत अच्छा है। गाय का मूत्र तो बाघ पित्त कफ तीनों का नाश करता है, गाय का गोबर भी बाघ पित्त कफ तीनों का नाश करता है, गाय का घी सबसे ज्यादा कफ नाशक है और पित्त वर्धक है, गाय का घी कफ नाशक है, पित्त वर्धक है, माने पित्त जो है कम हो गया हो, कई बार पित्त कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने की ताकत सबसे ज्यादा गाय के घी में है, और कफ के हर बीमारी को ठीक करने की ताकत गाय के घी में है।
इसी तरह से गाय का दूध है, गाय का दूध जो है वो भी पित्तवर्धक है, कफ नाशक है, वात नाशक है, और दूध में से बनाया हुआ दही उससे और ज्यादा गुणवत्ता वाला होता है, और दही में से निकाला हुआ मक्खन और ज्यादा क्वालिटी का हो जाता है, मक्खन से निकला हुआ भी सबसे बड़ी क्वालिटी। गाय के दूध की क्वालिटी जो है ना बढ़ती है, दूध से दही बनाओ क्वालिटी बढ़ेगी, दही से मक्खन निकालो और बढ़ेगी, मक्खन से घी निकालो और बढ़ेगी। और आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गाय के दूध से निकाले हुए मक्खन को खा खा कर ही कंस का नाश किया। कृष्ण की खुराक जानते हैं क्या थी? श्री कृष्ण की खुराक थी मक्खन। रोज सवेरे श्री कृष्ण जी खाते थे मक्खन, गाय के दूध दही को बिलो के मट्ठा निकाल के मक्खन मिश्र के साथ खाते थे, और वो सब कर गए जो कोई कल्पना नहीं कर पाता। आप भी अपने बच्चों को वही खिलाओ, गाय का दूध दही जमाओ, दही में से मक्खन निकालो, उसको मिश्री के साथ खिलाओ। फिर आप कहोगे जी मोटापा बढ़ेगा क्या, श्री कृष्ण को देखो मोटे हैं क्या, नहीं ना। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि गाय के दूध से निकाले हुए दही, दही के मक्खन से कभी भी मोटापा नहीं बढ़ता। कितना भी खाओ मक्खन, मिश्री मिला के खाओ तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। मिश्री और मक्खन का जबरदस्त मेल है आयुर्वेद। आप खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, कोई तकलीफ नहीं। मोटापा किससे बढ़ता है वो जान लो, बाजार में जो मक्खन का पैकेट आता है वो नाम कुछ भी हो उससे मोटापा बढ़ता है। आप बोलेंगे जी बाजार में मक्खन का पैकेट आता उससे मोटापा, उसमें कुछ केमिकल डालने पड़ते हैं मक्खन को प्रिजर्व करने के लिए, और वो मक्खन कैसे निकाला जाता है, दूध से सीधे खींचा जाता है। हम हमारे घर में क्या करते हैं, दूध का दही बनाते हैं, दही को ऐसे ऐसे खूब रगड़ा लगाते हैं, मर्दनम गुण वर्धनम, उसके गुण बढ़ते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं। इसलिए भरपेट खाओ मक्खन, बच्चों को खिलाओ। और जिंदगी में भूल जाओ कि गाय के दूध के मक्खन से या दही निकाले हुए मक्खन से मोटापा बढ़ता, कभी नहीं बढ़ेगा। गाय के घी से भी मोटापा नहीं बढ़ता कभी। गाय के घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के लिए आवश्यक है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अभी प्रश्नोत्तरी के लिए 10 मिनट हम बैठे हैं। एक बहुत अच्छा महत्व का प्रश्न आया है, वो सब सुने तो बहुत ही अच्छा है। जैन शास्त्रों में मूत्र और मल के सेवन का निषेध है, उसके बारे में आपके विचार क्या है? जैन शास्त्रों में जो निषेध है ना, वो जीव हिंसा के आधार पर है। गाय का जो गोबर होता है ना, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, आप चाहें तो लेंस लगा के देख सकते हैं, मैंने खुद देखे हैं, एक तो नहीं कोटि कोटि जीव होते हैं। तो जो शास्त्र में कहा गया है वो जीव हिंसा के आधार पर है। इसलिए जो जैन शास्त्रों का कोई चुस्त तरीके से पालन करते हैं उनके लिए दूसरा रास्ता बताता हूं। रास्ता ये है कि ये गोमूत्र है ना, इस गोमूत्र को जब उबाला जाता है, इसको क्या है गर्म करते हैं, गर्म करके इसकी बाष्प इकट्ठी होती है, बाष्प को ठंडा करके बोतल में भरा जाता है, तो उसको हम कहते हैं गोमूत्र अर्घ। ये एकदम संपूर्ण सुरक्षित है और जैन शास्त्र के अनुकूल, उसमें एक भी जीव नहीं रहता। उबल गया, उबलने के बाद फिर बाष्प इकट्ठी हुई, बाष्प में तो कोई जीव नहीं रह पाता, कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया बाष्प में रह नहीं सकता, क्योंकि वो उसके तापमान के अनुकूल नहीं। जो जीव राशि गोबर में है वो गोमूत्र की बाष्प में रह नहीं पाते। और एक और आश्चर्य की बात बताऊं, गोमूत्र में भी जीव राशि नहीं होती, गाय के मूत्र में जीव राशि ही नहीं है, जो गोबर में है वो मूत्र में नहीं, क्योंकि मूत्र में एक तो ऐसे केमिकल है जैसे सल्फर, वो रहने नहीं देता किसी जीव राशि। तो गाय का मूत्र जो आता है वो जीव राशि रहित है। इसलिए जैन शास्त्रों का बहुत अच्छे तरीके से पालन करने वाले लोगों के लिए बोलता हूं कि आप गोबर का उपयोग छोड़कर गोमूत्र का करो।
और गोमूत्र में भी ये जो गोमूत्र को गर्म किया हुआ वाष्प इकट्ठा किया हुआ अर्क है वो आपके लिए सबसे अच्छा है। हाँ, दमा वाले श्रीमती इंदिराबाई का सवाल है कि दमा वाले तपस्या के समय गैस और डकार रहने से गोमूत्र का किस तरह से उपयोग करें। गोमूत्र का अर्क आता है, अर्क एक चम्मच, अधिक से अधिक दो चम्मच सुबह खाली पेट पीने, बस एक चम्मच या दो चम्मच अधिक से अधिक सुबह खाली पेट। पानी नहीं मिलाए तो अच्छा है, लेकिन पी नहीं पाए तो मिला ले, बिना पानी के पिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इतनी चीजों के लिए अच्छा। डायरेक्ट पिएंगे तो बहुत अच्छा है ना, नहीं फ्रेश वाला अगर मिल रहा है तब तो सबसे अच्छा, नहीं मिल रहा है किसी कारण से तो अर्क ले सकते। हाँ, आज का आज ही ताजा मूत्र जो है ना वो ताजा ही पीना सबसे अच्छा, उसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गोमूत्र अगर दो तीन दिन रख लिया तो जरूर पानी मिला ले सकते हैं, पानी मिला। फ्रेश सबसे अच्छा। आजकल गायों को इंजेक्शन बहुत दिए जाते हैं, सूखी गायें घास दी जाती है, ऐसी गायों का मूत्र बहुत उपयोगी है। इसका इंजेक्शन देते हैं तो बहुत खराब होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है वो गाय को बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है, और वो तकलीफ के कारण गाय के पूरे शरीर में विक्षोभ और विचलन पैदा होता है। उस स्थिति में गाय का दूध बहुत उपयोगी होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मूत्र उपयोगी होगा तो कहना मुश्किल है। तो आप बस इतना ही ध्यान रखें कि जो लोग इंजेक्शन देकर गाय का दूध या वो निकाल रहे हैं उनको या तो बोले कि भाई तुम बंद करो ये इंजेक्शन देना, नहीं मानते हैं तो उनसे कोई संबंध ही ना रखें, उनसे कहें कि तुम दूध देना चाहते हो हम लेना चाहते हैं लेकिन जहर नहीं लेना चाहते, कोई इंजेक्शन तकलीफ करता है। हाँ, आप उनको समझाइए और बताइए, क्योंकि उनको ये समझ अभी डॉक्टरों ने दी है कि इंजेक्शन ठोकने से अच्छा होता है, दूध जल्दी आता है, दूध ज्यादा आता है, लेकिन इंजेक्शन ठोकने से उसको जो तकलीफ होती है गाय को ये डॉक्टर नहीं बता आएगी। अगर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर दूध निकाला गया तो जरूर पास आएगी, तो इसको सुधारने का प्रयास करें। इसमें तरीका यही है कि आपका जो दूध देने वाला ग्वाला है एक दिन उसके साथ शांति से बात करें, उसमें एक बात आप करके देखें परिणाम अच्छा निकले, उसको कहें कि हम तुमको एक रुपए लीटर ज्यादा भाव देंगे या दो रुपए लीटर ज्यादा भाव देंगे, तुम इंजेक्शन नहीं लेते। मैंने बहुत लोगों को समझाया और ये बात समझ में आ गई, उनको इंजेक्शन लगाने का लालच इतना ही है, दूध थोड़ा ज्यादा है और वो ज्यादा बहुत नहीं होता है तो थोड़ा ज्यादा निकालने का लालच अगर उनका थोड़ा पूरा हो जाए पैसे से, क्योंकि गाय का दूध जो बिक रहा है वो भैंस से सस्ता है, आप भैंस से थोड़ा ज्यादा भाव दे दो हो सकता है कोई इंजेक्शन लगाना बंद। ये बात तो सही, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गाय का दूध अगर इंजेक्शन लगाया हुआ हो और पैकेट वाला दूध उसके सामने हो तो भी गाय का दूध पैकेट वाले से अच्छा है, क्योंकि ये जो दूध पैकेट में बंद किया जाता है ये तो जैन शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। दूध के बारे में तो आप जानते हैं कि वो अधिक से अधिक 8 से 10 घंटे में इस्तेमाल होना ही चाहिए, और ये पैकेट वाला दूध तो 3 दिन पुराना 4 दिन पुराना पता ही नहीं है आपको। आजकल तो ऐसा भी दूध आ गया है जिसकी एक्सपायरी डेट 3 महीना, वो तो जैन शास्त्र के सर्वथा प्रतिकूल है, उससे अच्छा तो इंजेक्शन लगाया हुआ गाय का ताजा दूध। तो अगर आपको ये चुनाव करना पड़ता हो कि पैकेट वाला ले और ये इंजेक्शन, तो आप निसंकोच इंजेक्शन वाला ले लेंगे, पैकेट वाला उससे भी ज्यादा खराब है। बास आती है तो उसके लिए रास्ते हैं, जैसे एक
रास्ता ये है कि उसमें केसर डाल दो, दूध में केसर डाल के आप उसका उपयोग करो, एक तरीका है। दूसरा तरीका है मिश्री डाल के मिलाओ, मिश्री दूध में मिश्री मिलाओगे सब बास चले जाए, तो मिश्री मिला के पिलाओ, केसर डाल के पिलाओ। और एक रास्ता है कि दूध में थोड़ा घी डाल दो, अगर गाय का है बहुत ही अच्छा है, तो घी जो है ना उसकी शक्ति है, वो सबको अपना जैसा ही बना लेता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनका आप इस्तेमाल कर, गुड़ ऐसा गुड़ जो बिना केमिकल वाला है, ऑर्गेनिक है, उस गुड़ को डालकर पिलाओ, गुड़ की खुशबू आ जाएगी उसमें। तो ये तरीके हैं उसका इस्तेमाल। अब बहुत अच्छा सवाल है कि माँ गर्भवती होती है और रात को दूध पीने से कफ नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा अगर दूध में घी मिलाया हुआ है। गाय के दूध में अगर घी मिला के माँ को दे रहे हैं रात को, तो बिल्कुल कफ नहीं होगा। माँ को ही नहीं, किसी को भी कफ नहीं। खाली दूध पिएंगे, चीनी मिलाया हुआ, तो पूरी संभावना है कि कफ बढ़ेगा, क्योंकि उसमें दूध से ज्यादा जिम्मेदार है चीनी कफ बढ़ाने के लिए। तो चीनी मिलाया हुआ दूध पी रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि कफ बढ़ेगा, लेकिन अगर आप दूध पी रहे हैं घी मिलाया हुआ, कभी भी कफ नहीं बढ़ेगा। मिश्री मिलाकर कभी भी कफ नहीं बढ़ेगा। गुड़ के साथ दूध पिए कभी भी कफ नहीं बढ़ेगा। हाँ करें, बहुत अच्छा। और मिश्री वो वाली करें जो बड़े बड़े उसकी आती है, डेले कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े क्यूब्स जो आते हैं, और उनका डिजाइन एक जैसा नहीं होता, टेढ़े मेढ़े, ये वो शुद्ध है, ये कटिंग की हुई एक जैसी डिजाइन की, ये गड़बड़ है। और एक प्रश्न है इसी में, पिछले करीब 9 दिनों से हम लोग स्वास्थ्य के बारे में अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ग्रंथों में से चुने हुए सूत्रों पर बातचीत कर रहे हैं। लगभग अब तक 50 सूत्र मैंने आपके सामने कहे हैं, सरल भाषा में आसानी से समझ में आए, आपको अपने जीवन में अपनाना उनको आसान हो जाए, इस दृष्टि से मैंने उनको समझाने की कोशिश की है। ये जो सूत्र है इनको अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो क्या होगा, तो हमारे अष्टांग हृदय में और अष्टांग संग्रह में और आयुर्वेद के विशेषज्ञों द्वारा जो कहा जाता है वो ये कि आपका जीवन निरोगी होगा, आपको रोग आने की संभावना बहुत कम है अगर इन सूत्रों का पालन करें तो। और अगर आप इन सूत्रों का पालन करते हैं और आप निरोगी रहते हैं तो रोग आएंगे नहीं, और आपको रोगों के लिए इलाज करने के लिए ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी। तो सूत्रों को मैंने आपके सामने रखा है, आप अपने जीवन में अगर अपना सकते हैं, आचरण में ला सकते हैं, तो आपके जीवन में बीमारियां सबसे कम होंगी, आप निरोगी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने अपने ऊपर इनका पालन करके देखा है पिछले 10-12 वर्षों में, और मेरे कई सहयोगी मित्रों के ऊपर भी इनका पालन करवाया है, आचरण में लाया है, और हमने उसके बहुत अच्छे परिणाम देखे। इतने अच्छे परिणाम हैं इन सब सूत्रों के कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे इन सूत्रों का पालन करने का। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले 9 दिनों में जितने सूत्र बात आपके सामने आए, जितने सूत्र आपके सामने रखे गए हैं, इन सूत्रों को एक बार हम थोड़ा सा दोहरा लें। सबसे पहला सूत्र जिसको मैं बहुत महत्व का मानता हूँ वो ये है, खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीना, ये सबसे पहला सबसे महत्व का सूत्र है। फिर दूसरा सूत्र है जिसको मैं बहुत महत्व का मानता हूँ, वो ये कि पानी को हमेशा घूट घूट करके पीना, थोड़ा थोड़ा करके, सिप सिप करके पानी पीना। तीसरा सूत्र है जिसको बहुत महत्व का मैं मानता हूँ, और जो आपको भी खुद अंदाजा लग जाएगा अगर आप उसका पालन करेंगे, तो
सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना, माने दिन की शुरुआत पानी से करना, कम से कम 3 गिलास, बड़े लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 1 से 1.5 गिलास, बुजुर्गों के लिए 2 गिलास। फिर उसके बाद का 5वां सूत्र है या 4वां सूत्र है कि कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में ठंडा पानी नहीं पीना। गर्मी कितनी भी पड़े, पसीना कितना भी निकले, ठंडा पानी गलती से भी नहीं पीना। और भारत में ठंडे पानी की जो परिभाषा है वो रेफ्रिजरेटर का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी, इसी को ठंडा माना जाता है। मिट्टी के घड़े के पानी को ठंडा नहीं माना जाता। ठंडे पानी की परिभाषा विज्ञान के अनुसार ये है कि जिस पानी का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो वो पानी ठंडा है। मिट्टी के घड़े में कभी भी पानी आप रखेंगे उसका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जा ही नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी की तासीर ऐसे है। कभी भी मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान आप नापेंगे तो वो 30 डिग्री 32 डिग्री 35 डिग्री ऐसा ही निकलेगा। जो वातावरण का तापमान है उससे 1-2 डिग्री ही कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा। तो फिर से बात करें, 4 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीना, पानी को हमेशा से घूट घूट भर के पीना, सवेरे उठते ही सबसे पहले 3 गिलास पानी पीना, और 4वां सूत्र है ठंडा पानी कभी भी मत पीना। फिर 5वां सूत्र है जो मेरे हिसाब से बहुत महत्व का है, वो ये कि खाने को इतना चबाना जितने आपके दांत, माने खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना, ये बहुत महत्व का सूत्र है 5वां। फिर 6वां सूत्र है खाना हमेशा बैठ कर खाना, कभी भी खड़े होकर खाना नहीं खाना, मेज कुर्सी पे भी खाना नहीं खाना। फिर उसके आगे का सूत्र है कि जब हम दोपहर को खाना खाएं तो विश्रांति जरूर लेना, कम से कम 48 मिनट की, अधिक से अधिक 1 घंटे की। और फिर उसके आगे का सूत्र है जब शाम का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, तो 2 घंटे के बाद ही विश्रांति लेना। फिर उसके आगे का बहुत महत्व का सूत्र है भोजन में 2 विरुद्ध वस्तुएं एक साथ नहीं खाना, दूध दही साथ में नहीं खाना, खट्टे फल और दूध साथ में नहीं खाना, दुल्हन और उनके साथ दही नहीं खाना, अगर खाना पड़े किसी मजबूरी में तो दही को गर्म करके खाना, बघार देके खाना, प्याज के साथ कभी भी दूध नहीं लेना, जैक फ्रूट के साथ कभी भी दूध नहीं लेना, नमक जो बाजार में मिलता है समुद्री उसके साथ दही नहीं खाना, और समुद्री नमक की कोई भी वस्तु के साथ दूध नहीं पीना। अगर दूध पीना है और नमक की वस्तु भी साथ में लेनी है तो वो नमक होना चाहिए सेंधा या काला, दही लेना है और उसमें नमक डालना है तो वो भी नमक होना चाहिए सेंधा या काला, और अंत में आप सब ने मिलकर फैसला किया था कि हमको तो नमक ही बदल लेना है अपने घर का, सेंधा नमक ही हमेशा लेना है क्योंकि वही सबसे महत्व का है। तो ये विरुद्ध आहार की बात आई थी। इसी के साथ और एक महत्व का सूत्र है जो मैं मानता हूँ कि बहुत जरूरी है आप सबके लिए, वो ये कि खाना खाने से पहले चित्त और मन दोनों शांत होना चाहिए। मन और चित्त में कुछ ज्यादा धड़पड़ चल रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, कोई तनाव है, कोई दबाव है आपके ऊपर, किसी भी किस्म का तनाव और दबाव हो सकता है, तो शास्त्र में कहा गया सूत्र के रूप में कि बेहतर है लंघन करना। लंघन करने का माने उपवास करना। अगर मन में कोई बहुत तनाव है, कोई बहुत क्षोभ है, बहुत ज्यादा तकलीफ की स्थिति में आप हैं, तो बेहतर है कि आप खाना ना खाएं, माने ठोस वस्तुएं ना खाएं, लंघन कर लें। और लंघन करने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें मैं ज्यादा नहीं गया। लंघन करने का सबसे आसान तरीका है कि ठोस वस्तुओं को छोड़कर द्रव वस्तुओं का उपयोग कर लेना। ये साधारण संत गृहस्थों के लिए है, साधु संतों के लिए लंघन अलग है, उनका उपवास अलग है। हम जो जीवन चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, हमारे लिए उपवास और लंघन दूसरे तरह का है। तो आप अगर संत गृहस्थ हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं,
तो आपके लिए है कि लंघन का माने रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, दूध नहीं, सॉरी ये सब्जी आदि छोड़ देना, खिचड़ी वगैरह छोड़ देना, दूध ले लेना खाली, या पानी में कोई मीठी चीज डाल के ले सकते हैं, जैसे शहद ले सकते हैं अगर लेना हो तो, नहीं तो गुड़ डाल के लोटा पानी ले सकते हैं, थोड़ा नींबू का भी उपयोग कर सकते हैं। लंघन करते समय बहुत अच्छा माना जाता है कि घी का पानी ले लेना, घी का पानी, पानी है गर्म करके थोड़ा घी डाल के चाय की चुस्कियों की तरह से पी लेना, क्योंकि होता क्या है जब हम लंघन करते हैं, उपवास करते हैं, उस समय पेट में पित्त है, पित्त आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में, अगर वो एसिड पेट में पड़ा रहेगा तो हर चीज को जलाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की विशेषता है कि वो जलाएगा हर एक को, खाना होगा तो खाने को जलाएगा, खाना नहीं होगा तो आपके पेट की अंतड़ियों को जहां पर है उनको जलाएगा, आपका जो जठर है ना उसकी दीवारों को जलाएगा, उसका तो काम है, उसका तो गुणधर्म ये है, तो वो कभी भी ऐसी स्थिति में आ गया कि आपके पेट की कुछ चीजों को उसने जला के ठीक माने भून दिया या जला दिया, तो जिंदगी भर आप गैस्ट्राइटिस से पीड़ित रहेंगे, हमेशा गैस बनती ही रहेगी आपको, हमेशा डकारें आती ही रहेंगी, हमेशा हिचकियां आती ही रहेंगी, इसमें आप फंस रहे। इसलिए लंघन करते समय, उपवास करते समय सब गृहस्थों के लिए कहा गया है कि कम से कम लगातार पानी तो पीते रहे, और पानी तो सबसे अच्छा माना जाता है गुड़ का, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ा हुआ हो बहुत अच्छा है, और गुड़ वो हो जिसमें रसायन ना मिलाया गया हो, केमिकल ना डाले गए हो, गुड़ नहीं मिलता है तो मिश्री का पानी ले सकते हैं, शहद का पानी अगर आप लेना चाहें जिन्होंने बाधा नहीं ली है, शहद को दवा के रूप में उपयोग करने के लिए अगर वो स्वतंत्र हैं तो वो शहद का पानी ले सकते हैं, नींबू शहद और पानी ये सबसे उपयोगी माने गए हैं उपवास और लंघन के समय। और मैंने आपसे कहा कि आप घी का पानी भी ले सकते हैं, घी जो है उपवास के लिए माना गया है तो उपयोग किया जाए उसका, घी को भोजन में तो उपयोग करते ही है लेकिन उपवास के समय। तो आपके लिए कहा गया कि मन और चित्त दोनों शांत रहे तो आप भोजन करें, नहीं है अगर चित्त और मन में शांति तो छोड़ दें भोजन का, एक दो समय के लिए लंघन कर दें तो ज्यादा बेहतर है, और लंघन करने के लिए मैंने तरीका आपको बता दिया। इसी तरह का एक नियम जिसको मैं बहुत महत्व का मानता हूँ, जो सब पालन करें तो बहुत ही अच्छा होगा, कि आप जब भोजन करके विश्राम करते हैं, दोपहर का विश्राम करते हैं, तो हमेशा सिर को सूरज की दिशा में रखना, पूर्व की दिशा में रखना, पांव आपके पश्चिम की दिशा में रहे, और अगर आप सदगृहस्थ हैं तो आप चाहें एक बार को तो दक्षिण में भी सिर करके आप सो सकते हैं। जिनको ब्रह्मचर्य पालन करना है, संयम का जीवन जीना है, उनको तो बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि वो सूर्य की दिशा में ही सिर रख के सो सकते हैं। अब इसमें अपने कुछ श्रोताओं को इस बात का भ्रम था मन में कि हम ऐसे सोए कि मुंह हमारा सूर्य की तरफ हो, इस कंफ्यूजन को मत डालिए, सिर सूर्य की तरफ हो, मुंह सूर्य की तरफ नहीं, सिर सूर्य की तरफ हो, माने सोते समय सूर्य आपके सिर की तरफ हो, सीधी सी बात है, और पांव आपके पश्चिम की तरफ हो, बिल्कुल सीधा सा, नहीं तो सिर दक्षिण की तरफ हो और पांव उत्तर की तरफ हो, ये बहुत महत्व का नियम है, चर्चा में विस्तार में पहले कर चुका हूं इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा। इसी तरह का मेरे हिसाब से और एक बहुत महत्व का नियम है जो मैंने दो तीन दिन पहले आपको बताया है कि पानी आप पी रहे हैं तो कौन सा पानी पीना, तो सबसे अच्छा पानी बताया गया अष्टांग हृदय में बारिश का पानी, बारिश का पानी सबसे अच्छा माना गया है। तो आप किसी भी तरह से कोशिश करें कि बारिश का कुछ ना कुछ पानी हर साल इकट्ठा करें, आप जहां रहते हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि बारिश का पानी आपके पास 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लीटर इकट्ठा हो भी जाए। इसके लिए तरीके कोई भी अपना, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जहां रहते हैं छत की व्यवस्था है, खुला स्थान है, वहां एक कोई बड़ा पात्र रख दें, कोई थाल रख दें, थाली रख दें, उसमें पानी गिरता रहे, फिर उसको आप इकट्ठा करके रखें।
आप बिल्कुल विश्वास मानिए कि ये जो बारिश का पानी आप इकट्ठा कर लेंगे, साल भर तक बिना कोई केमिकल मिलाए आप इसे पी सकते हैं, ये इतना शुद्ध होता है। बीच बीच में चाहें तो इसमें फिटकरी फेर सकते हैं, और बीच बीच में चाहें तो चूने का उपयोग करके इसकी शुद्धता को बनाए रख सकते हैं। कोशिश करें कि साल में जितना पानी आप पीते हैं, इस साल एक संकल्प लें कि भाई साल में मैं 1000 लीटर पानी पीता हूँ मान लीजिए, तो कम से कम 100 लीटर पानी तो बारिश का इस साल में पीऊंगा। फिर धीरे धीरे बढ़ा दीजिए संकल्प को कि 200 लीटर पानी में पीऊंगा, फिर 300 लीटर पीऊंगा, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे इसको। तो जैसे जैसे आपका संकल्प ये बढ़ता जाएगा, आप खुद महसूस करेंगे कि आप ज्यादा पहले से स्वस्थ हो जाएंगे। इस नियम का मैं चेन्नई के नागरिकों के लिए विशेष रूप से निवेदन इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं चेन्नई में लगभग 3 बार आया 7-7 दिन के लिए, इस बार आया 11 दिन के लिए, पिछले 2 बार 7-7 दिन के लिए आया था। मैंने हर बार कुछ मरीजों को भी चिकित्सा दी है यहाँ पर। मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीज सिर्फ एक छोटी सी नादानी और भूल के कारण इतनी बड़ी तकलीफ में फंसे हैं, किडनी फेलियर के जो केसेस मैं देख रहा हूँ। चेन्नई में कुछ ज्यादा ही, हम दूसरे शहरों में जब जाते हैं ना 100 मरीज देखते हैं तो एक या दो निकलता है जिसका किडनी फेलियर होता है, और यहाँ अगर मैं 100 मरीज देख लू तो पता चला कि 15 से 20 उसमें निकल आते हैं किडनी फेलियर। मेरे आसपास जो सहयोगी हैं, जो इस काम में मेरा सहयोग करते हैं चेन्नई के, इनके घरों में किडनी फेलियर के केसेस हैं। किसी की माता जी का, किसी के पिताजी का, किसी के दादाजी का, किसी के दादी जी का। तो मुझे ये देख के बहुत तकलीफ होती है, और मैं बार बार ये बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि किडनी हमारे शरीर का सबसे मजबूत ऑर्गन है, ये बात ध्यान रखिए। पूरे शरीर में जितने भी अंग और उपांग हैं इनमें किडनी सबसे मजबूत है। हृदय को, लीवर को, आमाशय को, जठर को अलग अलग करके अगर हम उसका तुलना करना चाहेंगे तो सबसे मजबूत चीज हमारे पास किडनी ही है, और भगवान ने एक छोड़ दो दो दी है, इसके पीछे कोई रहस्य है। एक ही छोड़ कर दो दो दी, हृदय एक ही दिया है, लीवर एक ही दिया है, आमाशय एक ही दिया है, जठर एक ही दिया है, एपिगैस्ट्रियम एक ही है, डायफ्राम एक ही है, किडनियां दो हैं, फेफड़े दो हैं। तो कुछ कारण तो ऐसा है। बात माने ये है कि भगवान नहीं चाहता कि आपको किडनी फेलियर जैसी बीमारी में फंसना पड़े, नहीं तो एक ही दे देता किडनियां। प्रकृति नहीं चाहती कि आपकी किडनी फेल हो, एक फेल हो जाए तो दूसरी काम करती है। इसी तरह से पानी के बारे में और एक सूत्र में बात हुई थी कि बारिश का पानी किसी कारण से नहीं मिला तो बहती हुई नदी का पानी पीने की कोशिश करें, वो आप देख लें संभव है नहीं है। तीसरा, अगर बहती हुई नदी का पानी ना मिला तो कुएं का पानी पीने की कोशिश करें, और कुएं का पानी नहीं मिला तो तालाब का पानी पीने की कोशिश करें, अंत में कॉर्पोरेशन का पानी पीने की कोशिश करें। और उसके लिए मैंने बोला था बिना उबाले, गलती से बिना पिए, क्योंकि चेन्नई कॉर्पोरेशन का पानी रिसाइकिल होके आ रहा है, उन सब पानियों से मिलकर आ रहा है जो कचरे वाली फैक्ट्रियां हैं, जैसे टैनरीज यहाँ चलती हैं, चमड़ा शोधन की इकाइयां चलती हैं, उनका सारा कचरे वाला पानी जाता है, भूमि के स्रोत में मिलता है, फिर वही स्रोत का पानी उठा के आपको रिसाइकिल करके दिया जाता है। तो बिना उबाले गलती से भी चेन्नई में कोई पानी ना पिए कॉर्पोरेशन का, उबाल के उसको ठंडा करके मिट्टी के घड़े में रख लें और उसका इस्तेमाल करें। फिल्टर ही इस्तेमाल करना है तो जो सबसे सरल फिल्टर आता है बाजार में, एक स्टील का पात्र आता है, आपने देखा उसमें 2 बार लगा देते हैं फिल्टर के, वो सबसे अच्छा है। किसी भी एक्वा गार्ड और किसी वाटर प्यूरिफायर की जो मशीनें आती हैं उन सबसे अच्छा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है, कीमत में बहुत सस्ता है, वो पानी के अंदर के गुण सूत्रों को सबसे कम बिगाड़ता है। बाकी जितने भी ये प्यूरिफायर हैं वो किसी भी नाम से मिलते हो, ये सारे के सारे पानी के गुण सूत्रों को तोड़ने वाले हैं। पानी जिस रूप में प्रकृति से आया है, ईश्वर से आया है, वो हमें वैसे ही मिले तो उसमें वही सबसे बेहतर है।
सस्ता भी है, क्वालिटी भी अच्छा, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तरीका है कि पहले पानी को एक बार उबाल दें, उबाला हुआ पानी ठंडा हो जाए, फिर उस फिल्टर में डाल दें, फिर उसको दिन भर आप पीते रहें, तो थोड़े आप सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह का एक नियम था जो बहुत महत्व का मैं मानता हूँ कि आप अपने घर में किसी भी स्थिति में समुद्र के पानी का बने हुए नमक का इस्तेमाल ना करें। मैंने बताया था समुद्र के पानी के नमक में सबसे ज्यादा दूषण बढ़ाने की क्षमता है हमारे शरीर में। मैंने पिछले 10-12 वर्षों में जो अनुभव किया है अपने चिकित्सा जीवन में वो ये कि ज्यादा से ज्यादा मरीज जो मेरे पास आते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, ज्यादा से ज्यादा मरीज जो मेरे पास आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के, ज्यादा से ज्यादा मरीज जो मेरे पास आते हैं डायबिटीज के, ज्यादा से ज्यादा मरीज मेरे पास आते हैं अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस आदि आदि बीमारियों के, पैरालिसिस के, ब्रेन हेमरेज के, उन सब का मूल कारण जब मैं धीरे 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 ढूंढता हूँ तो वो पता चलता है समुद्री नमक। वो समुद्री नमक उनको इस स्थिति में लाया कि उनको पैरालिसिस हो गया। कारण वहां से शुरू होता है। नींव की ईंट अगर खोजनी हो किसी भवन की तो बीमारी में भी हमें खोजना पड़ता है, जिसको आप कहते हैं डायग्नोसिस। हम जब डायग्नोसिस करते हैं और बहुत डीप में जाते हैं तो पता चला वहां निकलता है सारा कि अगर उस आदमी ने समुद्री नमक नहीं खाया होता तो आज पैरालिसिस का शिकार नहीं होता, या ब्रेन हेमरेज का शिकार नहीं होता, या हार्ट फेलियर का शिकार नहीं होता। ये इतने महत्व का सूत्र है, इसलिए मैंने आपसे कहा था और आपने संकल्प भी लिया था साध्वी जी भगवान के सामने कि आज से हमारा नमक हम बदल देंगे। काफी लोगों के घर में बदल गया है, काफी घरों में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया अपना रंग दिखाएगी, क्योंकि हमारी सबकी आदत है हम जल्दी नहीं बदलते। अगर ये तो जल्दी बदल जाते तो इतने सारे साध्वी जी और साधु जी को प्रवास नहीं करना पड़ता लाखों किलोमीटर। हम बदलते हैं, सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, फिर एक दिन भूल जाते हैं। ये हमारी आदत हो गई है, इस आदत में थोड़ा बदलाव करें। जो चीज तुरंत बदलनी है उसमें देर ना लगा। आज पता चला हमको, कल तक नहीं मालूम था तो ठीक है, अज्ञान में थे अंधकार में थे, आज हमको पता चल गया तुरंत बदल दें। तो नमक तो तुरंत बदल रहे हैं आपके घर का, इसमें तो बिल्कुल देर ना करें। सेंधा नमक, काला नमक लाना शुरू ही कर दें। हर तरह की सब्जी में, हर तरह की दाल में, हर तरह के पकवान में सेंधा नमक और काले नमक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और उसमें कोई बहाना ना बनाए, उसको पीसना पड़ता है, कूटना पड़ता है, जिंदगी चलाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर इसी तरह की बहानेबाजी हमारे किसान करना शुरू कर दें, खेत में बीज डालना पड़ता है, हल भी चलाना पड़ता है, फिर उसको काटना भी पड़ता है, फिर उसको निकालना भी पड़ता है, क्यों ये सब करना, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। बहानेबाजी नहीं चलती। तो हम कई बार ये बहाना बना के टालने की कोशिश करते हैं। कोई कहेंगे वो डेने वाला है, पिसता नहीं है, भाई उसमें क्या समस्या, पीस लो, सुखा लो, 10 मिनट का काम है, कूट लो, पीस लो, जो करना है, जो सही है वो सही है। तो इसके लिए नमक का नियम अष्टांग हृदय के सूत्र का सबसे अच्छा नमक है सेंधा नमक, भगवान का बनाया, प्रकृति का बनाया। दूसरा सबसे अच्छा नमक है काला नमक, और तीसरा अगर आपको मिल जाए तो सांभर चीनी का नमक। यही तीन नमक आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें, समुद्री नमक को बिल्कुल छोड़ दें। ऐसे ही अष्टांग हृदय का एक सूत्र जिसको मैं बहुत महत्व का मानता हूँ, वो ये कि भोजन जो पक रहा है, पकते हुए भोजन पर या तो सूर्य का प्रकाश गिरना चाहिए या पवन का स्पर्श होना चाहिए। तो मैंने इस नियम का विश्लेषण करते हुए बताया था कि प्रेशर कुकर में भोजन ना बनाएं, क्योंकि ना तो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना पवन का स्पर्श होता है। प्रेशर कुकर का बनाया हुआ भोजन आप ना खाएं। इसके लिए मैंने आपको विकल्प में बताया था कि खुले हुए पात्र में भोजन बनाएं, भगोना है, कढ़ाई है, इसमें भोजन बनाए, और बहुत अच्छा हो मिट्टी के पात्र में भोजन बनाए। खुले हुए पात्र जो हो भोजन बनाने के, वो पीतल के हो, कांसे के हो,
चांदी वगैरह के हो तो बहुत अच्छा है, नहीं संभव है तो सबसे सस्ता है मिट्टी के पात्र हो, मिट्टी की कढ़ाई हो, मिट्टी का भगोना हो, मिट्टी का तवा हो, मिट्टी का घड़ा हो, इन चार पांच बर्तनों को तो अपने घर में जरूर स्थान दें। इसी में रखा हुआ पानी पिए, उसी में पकी हुई दाल खाएं, उसी में पका हुआ चावल आदि खाएं, और उसमें आप खुद तो करेंगे, जो साध्वी जी और साधु जी भगवान आते हैं उनके लिए दो चुनी अगर आप निकालते हैं तो उनका तो विशेष ध्यान रखना, उनका विशेष ध्यान ये रखना है कि उनका जीवन स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उनके जीवन में संयम की जो उन्होंने संकल्प ले रखी है वो डिगे नहीं, हमारे कारण तो कम से कम ना डिगे। हम जो श्रावक हैं या श्राविका हैं, हमारे कारण किसी साधु के जीवन में, साध्वी जी के जीवन में तकलीफ आए, मुझे तो बहुत दुख होता है जब मैं ये सुनता हूँ कि कोई साध्वी जी बीमार है या कोई साधु जी बीमार है, वो हमारे कारण, क्योंकि उन्होंने तो जीवन में सब कुछ वो अपनाया है जो शास्त्र कहता, फिर भी अगर वो बीमार है तो आप मान लीजिए 99% की जो गोचरी देने वाले लोग हैं वो उसके पाप के भागीदार, वो पाप के भागीदार कैसे हैं, कुकर में बना बना के दे रहे हैं सब, वो खुद का तो खा ही रहे हैं, मरेंगे मरेंगे, उससे मुझे ज्यादा तकलीफ भी नहीं है, लेकिन साध्वी जी और साधु जी को कष्ट दे रहे हैं, वो गोचरी लेने के लिए जाएंगे उनको भी वही दाल देंगे जो कुकर में बनी है, उनको भी वही चावल देंगे जो कुकर में बना है। तो आप अपने घर में गोचरी के लिए अगर भोजन निकाल रहे हैं तो कम से कम वो कुकर में तो नहीं बना, बिल्कुल ना, आप अपना बना के खाओ। बहुत लोग कहते हैं मरना तो है ही, खा के ही मर ले, तो ठीक है आप खाओ, प्रेशर कुकर का मुझे आपसे ज्यादा लेना देना। मेरा तो ये कहना है कि कोई साधु भगवान साध्वी जी भगवान बीमार पड़े तो सोचो हमने कौन सा पाप कर दिया है। तो सबसे बड़ा पाप जो कर रहे हैं, ये प्रश्न भी आया था मेरे सामने कि हम साधु जी और साध्वी जी भगवान के लिए कैसा भोजन निकालें, तो उसमें पहला नियम गांठ बांध लो, आप किसी भी साधु और साध्वी जी के लिए आप भोजन पकाएं या बनाएं तो प्रेशर कुकर में तो गलती से, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खराब मेटल है जिसको एल्यूमिनियम कहा जाता है, और जो शरीर में आता है डिपॉजिट होता है निकलता नहीं, ऐसे बहुत सारे मेटल हैं, हैवी मेटल है, शरीर में चले जाए तो पेशाब के साथ निकल जाते हैं, ये नहीं निकलता है, और ये इकट्ठा होता रहे, और ज्यादा नहीं कहता हूं, पूरे शरीर का वजन अगर आपका 70 किलो पूरे शरीर का, और इसमें 5 मिलीग्राम एल्यूमिनियम इकट्ठा हो जाए, 5, 70 किलो वजन में 5 मिलीग्राम, इतना ही पर्याप्त है मार डालने के लिए। इसलिए आपके लिए भी अच्छा है कि आप कुकर को जितनी जल्दी छोड़े उतना अच्छा है, नहीं छूटता है, धीरे धीरे छोड़े, कोई चीज तुरंत नहीं होती तो उसको धीरे धीरे छोड़े, धीरे धीरे कैसे छोड़े, एक दिन तय करें कि भाई सप्ताह में एक दिन मिट्टी की हांडी में ही खाना पके, रविवार फुर्सत रहती है, या खुले बर्तन में खाना पके, खुला बर्तन पीतल का हो सकता है और पुराने जमाने में लोहे वगैरह के बर्तन, लोहे का बर्तन हमेशा स्टील से अच्छा है, और स्टील से अच्छा है पीतल, और पीतल से भी अच्छा है तांबा, सॉरी कांसा, और कांसे से भी अच्छा है चांदी, अब चांदी की बात नहीं कर सकता, 14-15 हजार रुपए का भाव है, 20 हजार, तो ये तो मैं अभी डर लगेगा बात करने में, सरल बात कर सकता हूँ, मिट्टी के बर्तन की बात कर सकता हूँ, जो अभी भी हांडी 50 रुपए की आती है, तो साध्वी जी के लिए मिट्टी के बर्तन या साधु भगवान के लिए मिट्टी के बर्तन खरीदे, 3-4 हांडियां एक तमा इतना तो होना ही चाहिए, उसमें बनाए दाल, उसमें बनाए चावल, उसमें बनाए खिचड़ी, उसी में बनाए रोटी, मिट्टी के तवे में बनाए, ये साधु और साध्वी जी के लिए निकाल, कम से कम इतना से शुरुआत करें। दूसरा, साधु और साध्वी जी के भोजन में कभी भी समुद्र के नमक का इस्तेमाल नहीं, आपके लिए भी नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल, उसमें सेंधा नमक, उसमें काला नमक, इसी पैसा। तीसरा, साधु और साध्वी जी के किसी भी तरह के भोजन में, कोई भी भोजन जो आप उनको दे रहे हैं, किसी भी भोजन में रिफाइंड तेल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, डबल रिफाइंड का तो बिल्कुल क्रॉस, रिफाइंड और डबल रिफाइंड, क्योंकि यही तेल है जो उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है,
और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं, किसी साधु भगवत को साध्वी जी को आपने भोजन दिया, कल्पना करिए वो 300-400 ग्राम है, कल्पना करिए इस 300-400 ग्राम भोजन में 10 ग्राम भोजन ऐसा है जो रिफाइंड तेल से है, हो सकता है 10 ग्राम 15 ग्राम, और ये आपने नियमित रूप से उनको 3 महीने दे दिया, मान लीजिए 3 महीने, चातुर्मास में तो 4 महीने होते हैं शायद, तो मान लीजिए 4 महीने 120 दिन दे दिया, ये 120 दिन का भोजन उनको दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, पैरालिसिस, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों तक ले जाने का जमीन तैयार कर दे। फिर क्या होगा, उनका विहार हो गया, 4 महीने वो आपके पास गए, अब उनका विहार हो गया, और विहार होते होते हर दिन उनको 10 ग्राम भोजन ऐसा मिल ही रहा है, पूरे भोजन में 350-400 ग्राम भोजन में 10-15 ग्राम भोजन ऐसा मिल ही रहा है जो रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल का। पता है वो कैसे मिलता है, आप उनको मान लीजिए क्या दे रहे, फाफड़ा दे रहे, फाफड़ा सब गुजरात में, मान लीजिए फाफड़ा दे रहे, मान लीजिए गाठिया दे रहे, अब गाठिया और फाफड़ा आपने बना दिया रिफाइंड तेल, अब गाठिया फाफड़ा की मात्रा कुल मिला के 10-15-20 ग्राम ही होगी, लेकिन वो उनके लिए जहर का काम कर रहे, कुल भोजन 400 ग्राम में से 10-15 ग्राम। मान लीजिए आपने उन्हें कोई नमकीन दे दिया, सेब दे दिए, और वो तले हुए हैं किसमें, रिफाइंड तेल में, डबल रिफाइंड तेल में, 10-15 ग्राम सेब जो आपने दे दिए वो उनके लिए दुख का कारण बन जाएगा। तो मेरा कहना, थोड़ी बारीक नजर रखें इस पे कि साधु और साध्वी जी के लिए भोजन अगर बना रहे हैं, गोचरी के लिए हमें वो देना है, तो उसमें कभी भी एक बूंद भी रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल इस्तेमाल ना, एक बूंद भी। फिर आप बोलेंगे क्या तेल इस्तेमाल हो, साध्वी जी और साधु जी भगवान के लिए जो भी कुछ बना रहे हैं आप, उसमें तेल ही वापरना है, तो सबसे अच्छा तेल है तिल का, सबसे अच्छा, उनके संयम के जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तेल है तिल का, सबसे अच्छा। और तिल का कौन सा तेल सबसे अच्छा है, आप तिल लेके गए और कहीं पर घाणी चलती है, उसको आपने दे दिया और कहा भी मुझे तेल निकाल के दे दो, ये तेल घाणी में से निकला हुआ तेल, घाणी आप सभी ने देखी है, तेल घाणी जो धीरे धीरे चलती है, बैल जिसको चलाता है। आप बोलेंगे आज के जमाने में कहाँ है, अभी भी है, अभी भी है भारत में है, तेल घाड़ियां अभी भी है, उनकी व्यवस्था है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, कहीं एक है, कहीं दो है, कहीं पांच है, तो उनको 100 करने की जरूरत है। और अगर कहीं ऐसी घाड़ी नहीं मिलती जो बैल चलाता हो, तो कम से कम इतना तो कर लीजिए कि तिल लेके जाइए और कोई मशीन चलती है उसमें से तेल निकलवा के ले आइए, उस तेल में भोजन बनाइए, अगर तेल इस्तेमाल करना है साधु और साध्वी जी के। और दूसरा, तेल इस्तेमाल नहीं करना से अच्छा, बहुत ही अच्छा, गाय के घी में सब कुछ बनाइए। मजबूरी है आपकी, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि गाय का घी थोड़ा महंगा होता है, बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं भाई इतना पैसा तो नहीं है, 400 रुपए किलो का गाय का घी पड़ता है, तो ठीक है तिल के तेल, लेकिन अगर आप में थोड़ी भी कैपेसिटी है तो साधु जी और साध्वी जी का भोजन तो गाय के घी में ही बने, उनकी सब्जी बनानी है छोंक लगाना गाय के घी में, उनकी दाल में हो तो गाय का घी, उनकी रोटी में लगाना है तो गाय का घी, उनके लिए शीरा बनाना है तो गाय के घी में, उनके लिए कुछ भी बनाना जो आप चाहते हैं वो सब गाय घी में हो, सबसे अच्छा। और गाय घी का माने देशी गाय का, जर्सी का नहीं, गाय का घी माने हम बाजार से जो पैकेट वाला ले आते हैं वो सब भेड़ सेड़ वाला है, मिक्सिंग वाला है, आधा भैंस का हो सकता है आधा गाय का हो सकता है। हाँ, अच्छा तरीका यह है कि किसी ग्वाले से गाय का दूध लें, उस दूध को दही जमाएं, मक्खन निकालें, उसमें से घी घर में बनाएं, ये तो सबसे आदर्श स्थिति है। नहीं इस स्थिति का आप पालन कर सकते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑल्टरनेट है, तिल के तेल में उनका भोजन बने, ज्यादा से ज्यादा तिल के तेल का उपयोग हो। और तीसरा बेस्ट ऑप्शन है, अगर तिल का तेल भी उपलब्ध नहीं, वैसे मैं नहीं मानता कि तिल का तेल उपलब्ध,
तिल भरपूर है इस देश में, खूब पैदा होता है, लेकिन अगर वो उपलब्ध नहीं है किसी कारण से तो मूंगफली के तेल में भोजन बनेगा, क्वालिटी गिरती जाएगी। देखिए ये क्वालिटी सबसे ऊंची गाय का घी, देशी गाय का, उससे नीची क्वालिटी तिल का तेल, उससे नीची क्वालिटी मूंगफली का तेल, और फिर इससे नीची क्वालिटी आएगी नारियल का तेल, और फिर उससे नीची क्वालिटी आएगी सरसों का तेल। ये जो सरसों का तेल है ये गृहस्थों के लिए ठीक कहा है, सब गृहस्थों के, गृहस्थी का जीवन जिनको बिताना है उनके लिए ये सबसे अच्छी क्वालिटी में आएगा, लेकिन साधु और साधवी जी के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि उन्हें संयम का जीवन बिताना। तो आप इस क्रम में भोजन की तैयारी करें, पहली बार नमक तो सेंधा ही होगा, नमक तो काला ही होगा, नहीं तो सांभर जीव का होगा, साध्वी जी साधु जी के लिए भोजन कुकर में तो नहीं ही बनेगा, मिट्टी की हांडी होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खुला हुआ बर्तन हो तो बहुत अच्छा है। तीसरा उसमें तेल का इस्तेमाल हो तो सबसे अच्छा, तिल का, दूसरे नंबर पे मूंगफली का, तीसरे नंबर पे क्या बोला नारियल का, और सबसे अंत में सरसों आदि का, और सबसे अच्छा सर्वोत्तम मैंने बोला गाय का घी, गाय के घी में उनकी सारी चीजें। एक और ध्यान रखना है कि साध्वी जी के लिए मीठी चीज कुछ भी तैयार कर रहे हैं, साधु जी भी एक मीठी चीज तैयार कर रहे हैं तो उसमें चीनी कमी नहीं, चीनी में वो सारे केमिकल हैं जो संयम तोड़ने के लिए बदनाम है सारे, चीनी में वो सब केमिकल। मैंने रसायन शास्त्र का थोड़ा अभ्यास किया है अपने विद्यार्थी जीवन में, चीनी में दुनिया के सबसे खराब 23 केमिकल, वो सारे केमिकल आदमी को संयम तोड़वाते हैं एक तो, दूसरा वो सारे केमिकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, तीसरा वो सारे केमिकल ऐसा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं जो सबसे खराब, और कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो सैकड़ों बीमारियां आनी है, हार्ट अटैक, कार्डियोकरेसिस, ये और वो, ये सारे चीनी के दुष्परिणाम। तो चीनी तो ना ही हो, उनके किसी भी भोजन में चीनी ना हो तो क्या होना चाहिए। तो साधु जी के लिए सबसे अच्छी चीज, साधु जी के लिए जो सबसे अच्छी चीज है जो उनके संयम को पालन करने में भी मदद करेगा, केमिकल फ्री गुड़। केमिकल फ्री गुड़ मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन मिलता है, इतना तो लाके रखो कि साध्वी जी और साधु जी के लिए बना के उससे कुछ दे सके, शीरा बना के दे सके, गुड़ बना के दे सके, उतना तो हम कर ही सकते हैं। केमिकल फ्री गुड़ का सब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, और अगर आप कर सके तो एक खांड आती है, खांड, देशी खांड उसको कहते हैं, वो दिखने में गुड़ जैसी ही होती है, रंग भी उसका गुड़ के ही जैसा होता है, उसका देशी खांड उसका उपयोग करें। राजस्थान में मिलती है, हरियाणा में मिलती है, पंजाब में भी मिलती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, शायद यहाँ भी मिलती है, चेन्नई में भी कुछ दुकानें हैं जो देशी खांड आपको उपलब्ध करें। हाँ खराब हो जाती है तो उसका तरीका बताऊंगा क्या करें, लौंग डाल के रखें, उसमें लौंग डाल के रखें, लौंग जानते हैं, लौंग डाल के रखें, 1 किलो में 2-4 लौंग डाल दें बस। तो आप भोजन में उनके लिए मीठा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे अच्छा गुड़ है, नहीं तो सबसे अच्छी उसके बाद दूसरे नंबर पर खांड है, तीसरी कोई चीज है वो बूरा, बूरा खांड से बना हुआ बूरा खूब मिलता है आजकल। ये 3 चीजें उनकी मिठाई में माने मीठी वस्तुओं में शामिल है, और चौथा उनके लिए कोई भी सब्जी आप बना रहे हैं, कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो आजकल सब्जियों में केमिकल स्प्रे बहुत होता है, आप सभी जानते हैं, और केमिकल स्प्रे जो होता है उसमें जो केमिकल जाते हैं शरीर में बहुत खराब है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्लोपेन, मोनोक्रोटोफॉस, ये सब स्प्रे होता है सब्जियों पर होता है, ये सब सब्जियों का स्प्रे किया हुआ सब्जी ही बाजार में ज्यादा से ज्यादा आता है। आपके पास अपना खेत तो है नहीं जहाँ पे गाय के गोबर से सब्जी उगा सके, आप तो बाजार से ही खरीद कर ला रहे हैं, तो सब्जी को लाते समय चुनने का ध्यान रखें, जो सब्जी देखने में खूब चमक रही हो उसको कभी ना लें, खूब
खूब चमकती हो, शाइनिंग बहुत हो, जैसे बैगन खरीदा आपने उसमें शाइनिंग बहुत है, टमाटर टमाटर खरीदा उसमें शाइनिंग बहुत है, फली खरीदी आपने बीन्स जिसको हम कहते शाइनिंग बहुत है। शाइनिंग अगर हो रही है हाथ से भी छू के जरा देख लो, चिकनाहट अगर उस पर है और शाइनिंग है तो वो नहीं है, साध्वी जी के लिए तो नहीं लेना, साधु जी के लिए तो नहीं, इसका माने उसमें केमिकल स्प्रे बहुत हो गया। केमिकल स्प्रे नहीं होता, ये जो बहुत चमकती हुई सब्जियां होती है ना इनको डुबो के निकाला जाता है, केमिकल पूरा भरा हुआ डब्बा उसमें ऐसे डुबोते और निकालते तब उस पर चमक आती। तो ज्यादा चमकती हुई कोई भी सब्जी बाजार से आप कम से कम ना खरीदें, साध्वी जी के लिए तो ना खरीदें। और कोई मजबूरी हो गई, मजबूरी तो कहीं भी हो सकती है, कोई मजबूरी हो गई है ही नहीं वो ही है और क्या करें क्या नहीं करें, तो आप सब्जी ले आए उसको पहले पानी को खूब गर्म करके उसमें डाल दें, थोड़ा उस पानी में सेंधा नमक भी डाल, कुछ भी लाए टमाटर लाए कुछ लाए गर्म पानी किया सेंधा नमक मिला दिया और उसमें डाल दिया, डालते समय पानी बहुत गर्म ना हो, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा जैसा हो, नहीं तो सब्जी पिचक जाएगी या उसी में फट जाएगी, तो पानी का इतना टेम्परेचर का ध्यान। अब उसको डाल दिया थोड़ी देर रखें 1-1.5 घंटे, उसकी विषाक्तता कम हो जाए, उसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी कम हो जाए, उसका जहर थोड़ा कम हो जाए, फिर उस सब्जी को पकाए, पकाते समय भी उसमें सेंधा नमक सबसे ज्यादा विष को कम करता है, काला नमक सेंधा नमक विष को सबसे ज्यादा कम करता है। तो आप सब्जी फिर 1-1.5 घंटे पड़ी रहने दें, फिर उसको बनाए और पकाए, पकाते समय भी उसमें सेंधा नमक का भरपूर इस्तेमाल करें। और एक काम करें, साध्वी जी और साधु जी के भोजन को बनाते समय हल्दी का उपयोग अच्छे से करें, हल्दी का उपयोग अच्छे से करें, माने उनकी सब्जी में दाल में हल्दी जितनी ज्यादा होगी, बहुत हल्दी तो नहीं डालें नहीं तो कड़वी हो जाएगी, आप अंदाजा लगा लें उसका, सामान्य से थोड़ी ज्यादा हल्दी रहे और नमक सेंधा और काला रहे तो उनके जितने भी जहर जा रहे हैं कम से कम 50% तो कम हो जाएंगे उस हल्दी की ताकत से और नमक की ताकत से, बाकी 25-30% कम हो जाएंगे आपने जो गुड़ इस्तेमाल कर दिया तो या खांड इस्तेमाल कर दिया। तो 75% जहर तो हम कम कर ही सकते हैं जो उनके शरीर में ना जाए, और बाकी 25% जहर कम करना है तो उसके लिए सभी स्थानों पर जहां साध्वी जी और साधु जी रुकते हैं वहां पानी की ऐसी व्यवस्था करें कि उनको बारिश का पानी ही पीने को मिले। मंदिरों में तो कम से कम जहां साधु जी और साध्वी जी रहते हैं वो स्थान पर उनको पानी मिलता है जो पीने का, वो बारिश का पानी अगर होगा तो बाकी 25% जहर भी उनका कट जाए। इस तरह से उनके शरीर में जो जाएगा वो 100% संपूर्ण निरापद ऐसा भोजन होगा जो उनकी जीवन को उनकी आयु को दोनों को बढ़ाएगा, उनका जीवन उनकी आयु बढ़े तो उसका लाभ पूरे समाज को मिले। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ बात है। अब आप यहां बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो मंदिरों में ट्रस्टी होंगे, शायद भंवरलाल जी हो सकते हैं, आप में से कई हो सकते हैं, तो अपने अपने मंदिरों में अब इस बात की चर्चा शुरू करें कि जो साधु जी साध्वी जी आते हैं ठहरते हैं 4 महीने रहते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था तो बारिश के पानी से ही करें। जितना खुला स्थान मंदिर का है उस पर जो पानी गिर रहा है कम से कम उसको इकट्ठा करके मंदिर में कोई टैंक बना के रखें, और याद रखिए टैंक में रखा हुआ पानी अगर सूरज की धूप उस पर नहीं पड़ रही है तो 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं सालों साल खराब नहीं होता, सूरज की धूप से बचाना है बस उस पानी को, चूने के संपर्क में रखना है सूरज की धूप से बचाना, बीच बीच में चूना उसमें डालते रहना है, पानी हमेशा शुद्ध रहेगा, ना जीव राशि उसमें पैदा होगी, जीव हिंसा से भी बचेंगे और शरीर के अंदर जो कुछ गड़बड़ जा रहा है गलत गया है खाने पीने में उन सबको निकालने में ये पानी सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा मदद करेगा। उसको भी उबाला है, उसको
वो उबाल लेंगे तो सोने में सुहागा, लेकिन वो बिना उबाले भी ले लेंगे तो भी वो जीव राशि रहित है। अगर चूना उसमें समय समय पे पड़ता रहे तो, या फिटकरी उसमें उबाई जाती रहे तो, उबाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा, कोई तकलीफ ही नहीं उसमें। तो इस तरह का हम अपने जीवन में थोड़ा साधु जी और साधवी जी के लिए करें। ये मैंने आज इसलिए बताया विस्तार से क्योंकि कल आखिरी व्याख्यान मेरा होगा, उसमें शायद मेरे पास समय नहीं है, तो अभी मैंने बता दिया। मेरे पास ये 2-3 प्रश्न आ चुके थे पिछले 9 दिन में, कम से कम 3 माताओं ने मुझे ये प्रश्न, एक दो ने तो लिख के दिए, एक ने तो पूछ लिया था कि आप ये नहीं बताएंगे क्या। मैंने कहा जरूर बताऊंगा। पिछली बार भी श्रेयांश हॉल में जब मेरी व्याख्यान माला हुई थी तब भी ये प्रश्न आया था, समय की कमी के कारण मैं इस पर चर्चा नहीं कर पाया। तो आज मुझे थोड़ा समय मिल गया तो मैंने आपको थोड़ी इसमें विस्तार से चर्चा की कि आपके अपने जीवन के लिए कुछ सूत्र बहुत जरूरी है, साधु और साध्वी जी के लिए जो आप गोचरी तैयार कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ चीजें सूत्र के रूप में आपको याद रखनी है। और अब 2-3 छोटी छोटी बातें और कि आपने अपने घर के बच्चों के लिए जिनको आप बड़ा कर रहे हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बना रहे हैं उनके लिए कुछ सूत्र, और आपके लिए भी 1-2 सूत्र दोनों को मिलाकर। बच्चों के लिए सबसे बड़ा सूत्र है अष्टांग हृदय का। सबसे पहले उनकी प्रकृति के बारे में, आपको शायद मालूम है या नहीं, हर मनुष्य की, वो स्त्री हो या पुरुष, कोई प्रकृति है, वात की या तो पित्त की या तो कफ। जैसे 3 तरह के रोग दोष है ना, 3 दोष वात पित्त कफ, ऐसे ही 3 प्रकृतियां भी, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। हमारे शरीर को ध्यान में रखकर अगर बात करूं सामान्य रूप से तो बच्चे जितने होते हैं वो सब कफ प्रकृति में है, बच्चे सब के सब कफ प्रकृति में है, बच्चे सब के सब। और जवान जितने हैं, बच्चे कब तक माने जाते हैं, जन्म लेने से 14 वर्ष की उम्र तक हमारे यहां बच्चा कहा जाता है, बालक। बालक की परिभाषा है जन्म लेने से 14 वर्ष की उम्र के बीच का, ये है बालक या बच्चा। जवान युवा उसकी परिभाषा है 14 साल से शुरू होके और 25-30 साल तक, कभी कभी 35 साल तक, आजकल 40 साल मान लिया गया, समय के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन। तो आप मान लो कि 15 साल से 40 साल तक युवा, और फिर 40 साल के बाद शुरू होता है, मानते हैं जीवन का घटना माने बुढ़ापा। तो ये 3 श्रेणी में मैं आपसे कहना चाहता हूं, 0 से 14 साल की जिनकी उम्र है वो सब कफ प्रकृति में है, 15 साल से 40 साल तक की जिनकी उम्र है वो सब पित्त प्रकृति में है, और उसके आगे 40 के आगे जितनी भी उम्र है वो अधिकांश, अधिकांश शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि उसमें कभी अपवाद हो सकता है, 40 के ऊपर के सभी वात प्रकृति में है, ठीक है, 40 के ऊपर वात, 40 से लेकर 14 तक पित्त, और 14 से लेकर 0 तक कफ। तो बच्चे सब कफ प्रकृति में है, तो कफ प्रकृति के हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना, ये सूत्र है। अब कफ प्रकृति होती कैसी है, वात प्रकृति कैसी होती है, पित्त प्रकृति कैसी होती है। कफ प्रकृति का माने है चंचलता, कोई भी बच्चा चंचल होगा ही, चंचलता। कफ प्रकृति का माने है अस्थिरता, स्थिरता उसमें नहीं होगी, अभी यहां बैठेगा अभी ना बैठेगा, अभी वहां जाएगा फिर वहां चला जाएगा, कभी छत पे चढ़ जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, बिस्तर पे चढ़ जाएगा कभी कूदी मारेगा, स्थिर नहीं हो सकता, बच्चे का स्वभाव ही है अस्थिरता। कफ प्रकृति में वो बड़ा लक्षण, एक तो उसमें आएगी चंचलता, दूसरी आएगी अस्थिरता, स्थिर नहीं होगा, तीसरा कफ प्रकृति है गुलमटोल, समझते हैं, सुंदर सा दिखेगा सब कुछ, चेहरा बहुत सुंदर होगा, गाल बहुत सुंदर होंगे, छू के देखें आप तो आपको भी आनंद आएगा, ऐसी त्वचा होगी। कफ प्रकृति की जो त्वचा होती है वो बहुत ज्यादा स्पर्श के लिए है,
आपको स्पर्श करने में आनंद आएगा, आपको अपनी त्वचा छूने में मजा नहीं आएगा, बच्चे की छूने में मजा आएगा। और कफ प्रकृति की विशेषता है, सब कुछ नया नया, सब कुछ नया नया, हर चीज नई। कफ प्रकृति की और एक विशेषता है दिमाग की तीव्रता, बहुत तीव्र दिमाग होता है कफ प्रकृति जब तक आदमी रहता है। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा आदमी सीखता है शून्य से लेकर 14 साल की उम्र में ही सबसे ज्यादा सीखता है। तो तीव्रता ज्यादा है दिमाग की, इसलिए हर चीज सीखेगा। और कफ प्रकृति जो कि चंचल है, अस्थिर है, इसलिए गलती करने की सबसे ज्यादा तैयार या संभव। गलती भी वो जो भूल, एक तो होती है गलती जिसका प्रायश्चित कर ले, एक होती है भूल जिसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। किसी बच्चे ने टेलीविजन तोड़ दिया, अब इसका तो प्रायश्चित हो नहीं सकता, वो जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो गया वो तो 10-15 हजार का नुकसान कर ही दिया, अब वो उसकी प्रकृति है। गिलास तोड़ दिया, प्लेट तोड़ दी, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, वो स्वाभाविक है उस सबके लिए। तो भागवत जी के अष्टांग हृदय में एक पूरा अध्याय है, उसमें से एक दो सूत्र बता रहा हूँ आपको, चूंकि मैं मानता हूँ वो जरूरी है और अब तक 9 दिन में वो सूत्र नहीं आए। उसमें से ये है कि कफ प्रकृति के बच्चे होते हैं तो उनके गुणों को समझकर उनके साथ व्यवहार करना। अब उनमें अस्थिरता है, चंचलता है, बुद्धि की तीव्रता है, हर चीज को करके देखने का। आपने रेडियो रख दिया, वो खोलेगा, निकालेगा, ऐसे फेंकेगा, उसे फेंकेगा, सब तोड़ ताड़ के बराबर, फिर वो जुड़े ना जुड़े उसको कोई मतलब नहीं, उसने कर दिया। अब आप परेशान हैं, डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो गलती आप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा, उसका तो स्वभाव है वो करने का। जैसे आप जानते ना, सांप का स्वभाव है फुंकारने का, अब आप माने तो गलती आपकी है, उसका तो स्वभाव है, प्रकृति ने दिया। वैसे बच्चे का तो स्वभाव है, क्योंकि कफ में जब तक वो रहेगा ये सब लक्षण उसमें होने ही वाले हैं। तो मेरा कहना ये है कि बच्चों को मारना, पीटना, फटकारना, डांटना, ये सब बंद। कफ प्रकृति के किसी भी व्यक्ति को मारेंगे, पीटेंगे, फटकारेंगे, डांटेंगे, उसका रिएक्शन और तेज है, क्योंकि कफ प्रकृति विद्रोही है। मार दिया ना आपने किसी गलती के लिए, दोबारा फिर करेगा, आप फिर मारेंगे, फिर करेगा, थोड़े दिन में आपके प्रति उसमें घृणा उत्पन्न हो जाएगी। मम्मी गंदी है मारती है, या पप्पा गंदे हैं डांटते हैं, अगर ये भाव आ गया तो वो बच्चा एक दिन आपके हाथ से निकल जाएगा, आप उसे सहेज के नहीं रख पाए, वो चला ही जाएगा। चला जाने का माने रहेगा आपके ही साथ, लेकिन आपकी ना को करेगा, आपकी ही हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, वो इस शिकायत को लेके आते हैं कि हमारे बेटे को सुधार दीजिए। मैं कहता हूँ भाई क्या तकलीफ है, ये रोज क्लास तोड़ता है, रोज प्लेट तोड़ता है। तो मैंने कहा आप सुधर जाइए, बेटे के बाप को कहता हूँ या माँ को कहता हूँ, उसका तो स्वभाव है तोड़ने का फोड़ने का, जब तक कफ में है वो ये सब करेगा। सावधानी रखनी है क्या कि टूटे हुए कांच से वो अपने को चोट ना लगा दे, या टूटी हुई प्लेट से वो अपने को चोट ना लगा। आपको इतनी सावधानी रखनी है, तोड़ फोड़ नहीं रोक सकते आप उसको, समझा सकते हैं थोड़ा समझा के छोड़ दीजिए, मारना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कफ प्रकृति का सबसे महत्व का लक्षण है। उसके साथ अगर आपने कठोरता का व्यवहार किया तो जीवन भर के लिए वो बैठ जाता है, निकलता नहीं उसके दिमाग से। और माता पिता जो कि सबसे नजदीक है उसके, उनका व्यवहार अगर कठोरता का है तो वो तो बहुत तकलीफ देता है। तो मेरा आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है, अष्टांग हृदय के सूत्र का अपने परिवार में जरूर पालन करिए। बच्चों को डांटना, डपटना, मारना, पीटना, उनको किसी तरह की सजा देना, ये तो सबसे खराब है। कई बार हम सजा दे देते हैं, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो। स्कूल घरों में भी अब आ गया ये, स्कूल का दुर्गुण घरों में आ गया। स्कूल में टीचर ने कहा खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो, या मेडल बन जाओ, या तो मुर्गे बन जाओ, ये सबसे खराब है। ये सारे की सारी प्रताड़ना उस बच्चे को खत्म कर देती है, बिगाड़ देती है उसकी जिंदगी को, दूसरे रास्ते पर ले। तो आप मत करिए, प्रताड़ित मत करिए,
डांटना डपटना मत करिए, मारपीट तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपको मारने का अधिकार ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है आपको मारने। वो भगवान देन है, भगवान ने आपको दिया है उसको सहेजने और संवारने के लिए, तो अपने को धन्य मानिए कि हमको ईश्वर ने एक मौका दिया है, वरना करोड़ों लोग तड़प रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, मैं उनको देख पा रोते हैं पति पत्नी बैठ के मेरे सामने, क्या करें, 10 साल हो गया, 15 साल, जिनके पास कुछ नहीं है उनसे पूछे कीमत क्या है, आपके पास भगवान ने दे दिया तो उसको सहेजिए संवारिए, मारना पीटना ताड़ना देना डांटना डपटना ये सब बंद है। और उनको होमवर्क के लिए तो कभी दबाव पड़ता है, होमवर्क करो क्या होगा करके, मैंने बहुत कर लिया, जो होमवर्क उनको कराया जा रहा है जिंदगी के बिल्कुल काम का नहीं है, हाँ फिर क्या करें, उस पर चर्चा हो सकती है, इतना तो करिए कि पहले नहीं जो करना है वो ये, फिर क्या करना है उसमें से निकलेगा, भाई ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना, तो फिर ठीक है अब हम क्या करें, तो उनको होमवर्क पे ज्यादा जोर नहीं, और ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं स्कूल वाली कॉलेज वाली, इससे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, आप बोलिए मैं स्टाम्प पेपर पे लिख देता हूँ, 100 रुपए के पेपर पे, 500 रुपए के पेपर पे, 1000 रुपए का या जितना महंगा आता हो 50,000 का उस पर भी लिख देता हूँ, जो स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, भले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो भले मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, वो जिंदगी में काम बिल्कुल नहीं आएगा, जो जिंदगी में काम आएगा वो कुछ और है, वो उनको समाज में से मिल रहा है, थोड़ा बहुत आपसे मिल रहा है, पड़ोसियों से मिल रहा है, उनके दोस्तों से मिल रहा है, सहयोगियों से, वो और ही चीज है जिसको आप कहते हैं फंक्शनल नॉलेज, वो उनको स्कूल कॉलेज में नहीं मिल रही है, इसलिए स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पे ज्यादा मारामारी मत करिए, और इस बात पे कभी गर्व मत करिए कि मेरे बेटे के 98% नंबर आ गए, 99% आ गए, तो मैं मान लेता हूँ ये तो बेकार है, 99% आ गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्कूल और कॉलेज का कोई सिलेबस उसने रट्टू तोते की तरह से हिसाब और क्लास में जाके लिख दिया, यही तो है ना, वो रट्टू तोता हो गया, पोपट हो गया, अब उसके दिमाग का विकास रुक जाएगा। मैं तो ऐसे बच्चों के देखकर बहुत खुश होता हूँ जिनके माता पिता कहते हैं 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, उनका बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो 4 सब्जेक्ट का कचरा अभी तक दिमाग में घुसा नहीं, दिमाग खाली है, उसको नई चीजें सिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है। तो बच्चों को नंबर के लिए कभी प्रताड़ित मत करिए, उसके 99% आए इसकी अपेक्षा कभी मत करिए, क्योंकि जिनके 99% आ रहे हैं उनको भी हम जानते हैं, वो सड़क पे चप्पल ही चटता है, नौकरी नहीं है, 500 रुपए की परेशान, आप किस चीज के लिए आप परेशान होइए, उनको नॉलेज मिल रही है, फंक्शनल नॉलेज, ये चिड़िया है, ये तोता है, ये कौवा है, ये पानी है, ये बारिश का पानी है, कुएं का पानी, इसमें ये भिन्नता, इसमें ये भिन्नता, कौवा ऐसा है, तोता ऐसा है, ये वैसा है, ये मिल रहा है क्या, ये पेड़ है, ये इमली का है, ये अमरूद का है, ये अशोक का है, ये इसका है, और इसमें आपस में भिन्नता क्या, इस पेड़ पे कौन सी चिड़िया बैठी, उस पेड़ पे कौन सी चिड़िया बैठी, ये गाय है, ये भैंस है, ये बछड़ा है, ये बछड़ी, ये चीजें अगर वो सीख रहा है तो समझ लो जीवन उसका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ज्ञान इन्हीं चीजों में है, आपको पता नहीं है तो सीखो पहले, आप बच्चों को भी कोई सिखाना, तो कोशिश करो कि बच्चों को फंक्शनल नॉलेज आए, ये स्कूल कॉलेज की नॉलेज पे ज्यादा जोर डाल के उनका दिमाग खराब करना कोई जरूरत नहीं है, नंबर के लिए कभी उनको कहना बिल्कुल नहीं। और आजकल मैंने इतना देखा है अपने जीवन में, 12वीं के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, 11वीं के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों सुसाइड कर रहे हैं, 98% नहीं आए, माता पिता की अपेक्षा थी 98% लाभ नहीं आया, आत्महत्या कर लिया, पंखे से लटक गया, सल्फास की गोलियां खा ली, हर साल हजारों केस, इम्तिहान में फेल हो गया, दुनिया के जितने महान वैज्ञानिक है सब फेल हुए इम्तिहान, न्यूटन फेल हुआ, आइंस्टाइन फेल हुआ, क्लार्क सब फेल हुए, और सब बड़े वैज्ञानिक बन गए, कोई तो 8वीं के ऊपर ही नहीं पढ़ा, और आज सारी दुनिया उन पर PhD करती है, न्यूटन 8वीं के आगे नहीं पढ़ा और सारी दुनिया न्यूटन पर PhD करती है,
आइंस्टाइन कक्षा 9 में फेल हो गया, स्कूल वालों ने निकाल दिया, अब सारी दुनिया आइंस्टाइन को लेकर डॉक्टरेट और डबल डॉक्टरेट कर रही है। तो कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें दुख मत व्यक्त करिए और उसके सामने ये मत करिए तू नालायक है, निकम्मा है, पास भी नहीं हो सकता। ये देखिए कि उसमें कौन सी ऐसी खूबी है कि वो फेल हुआ है, शायद कोई और भी कारण है, वो ज्ञान को किसी दूसरे तरीके से समझना चाहता है, आपने एक ही रास्ता उसको दे रखा। और मुझे इतना खराब लगता है जब स्कूलों में जाओ बच्चों को कहते चुप, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट। टीचर दिन भर उनको चुप ही कराती रहती है, वो कफ प्रकृति का है, चुप रहेगा कैसे ये बताओ। कफ प्रकृति ही है, वो चुप रह नहीं सकता, उसका तो स्वभाव है वैसा। आप उसको थोड़ी देर चुप चुप थोड़ी देर रहेगा, डर के बाद फिर वापस फिर उसमें आने ही वाला है। तो चुप कराने बैठाना और उसको कभी ये सजा मत देना यहां रख बस, ये नहीं, वो जहां चाहे वहां बैठे, जो चाहे वो करे। आपका फिर इतना ही काम है कि वो कोई ऐसा नुकसान अपने लिए ना कर ले जो भविष्य के लिए तकलीफ दे दे और आपको तकलीफ दे। आप इस तरह से बच्चों से थोड़ा व्यवहार करना। ये अष्टांग हृदय के सूत्रों में से दो सूत्र निकाल के मैंने, इसमें पूरा अध्याय है। गर्भ में बच्चा आने से शुरू होता है अध्याय और उस बच्चे को जिम्मेदार नागरिक बनाने तक का पूरा अध्याय है। कैसे बच्चों को पढ़ाना पड़ा, मैंने कल आपसे कहा था दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बच्चे को बड़ा करना। हम एक बीमारी के बारे में कल शाम को चर्चा करने वाले थे, वो है डिप्रेशन। वो अभी कर लेता हूँ। डिप्रेशन बीमारी आजकल बहुत है। अब डिप्रेशन जो है ये आधुनिक बीमारी है, पुराने जमाने में इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में, अष्टांग हृदय में एक भी सूत्र नहीं है डिप्रेशन के लिए। कारण जिस जमाने में ये अष्टांग हृदय तैयार हुआ, लिखा गया, उस समय ये बीमारी होती ही नहीं थी। ये आधुनिक बीमारी है। आधुनिक बीमारी माने पिछले 50 साल में आई है और डॉक्टरों ने इसे डिप्रेशन का नाम दिया है। ये बीमारी कुछ इस तरह की है कि जिसमें आदमी एकदम निराश हो जाए अपने जीवन से, अपने कार्य से, अपने जीवन की गतिविधियों से एकदम निराश हो जाए और उसको कुछ भी अच्छा ना लगे, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, सब बेकार है, दुनिया ही बेकार है। और आधुनिक बीमारी ये इतनी खराब है कि जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाए तो आदमी आत्महत्या कर ले, डिप्रेशन की स्थिति वहां तक लेके जाती है। ये डिप्रेशन आधुनिक बीमारी इसलिए मानी जाती है कि ये तनाव में से पैदा हुई है, स्ट्रेस। और भारतीय शास्त्रों में यही एक शब्द नहीं है, तनाव, स्ट्रेस। कारण हमारी जीवन शैली ऐसी रही है हजारों साल में कि जिसमें स्ट्रेस हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमारी जीवन शैली तो ऐसी है, कम से कम भारतीय जीवन शैली, क्योंकि भारतीय जीवन शैली में सबसे महत्व है परिवार। अगर आप परिवार के बीच में रहते हैं तो स्ट्रेस का सवाल ही नहीं। और यहाँ भी परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, पूरा कुटुंब है, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, काका काकी, ताऊ ताई, ये सब हमारे कुटुंब के हिस्से हैं, माने संयुक्त परिवार। हमारे यहाँ तो अकेले परिवार तो पिछले 20-25 वर्षों में ज्यादा हुए हैं, उसके पहले तो सब सामूहिक रूप से रहते हैं। और हमारे यहाँ गाँव में परिवार की जब चर्चा होती है तो परिवार की चर्चा माने सब उसमें आते हैं। कई गांव में तो मैंने ऐसे देखा है कि उनके परिवार की चर्चा में उनके जानवर भी आते हैं, उनकी गाय, उनकी भैंस, उनकी बकरी, उनका बकरा। क्योंकि मैं जब उसे पूछता हूँ कि भाई ये कौन है तो वो कहते हैं ये बकरी तो या बकरा हमारा मामा है। हाँ, ये बकरा हमारा मामा है, ये बकरी हमारी मामी है। कोई भेड़ को मौसी बताता है, ये हमारी मौसी है, और उसका उसी तरह से ख्याल रखते हैं, ऐसे नहीं कि उसको छोड़ देते हैं। ज्यादातर परिवारों में गाय तो हमारी माँ है, भाई एक माँ है जिसने जन्म दे दिया, लेकिन दूसरी माँ है ये हमारी, ये पाल रही है, इसी के दूध से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, इसी के घी से। तो गाय माँ हो गई है,
और परिवार में ये सब जानवर भी शामिल है, माने हमारे परिवार की जो विराटता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जहां परिवार में जानवर भी शामिल है, पशु भी हमारे परिवार का अंग है। आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में भारत के अलावा दूसरा कोई देश नहीं है जहां पशुओं की उसी तरह से सम्मान और पूजा होती है जैसे हम हमारे सास ससुर का करते हैं या दादा दादी नाना नानी का करते हैं। हमारे ये दुनिया के दूसरे देशों में नहीं। तो जब परिवार इतना बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है कि परिवार का हर अंग माने हर सदस्य, वो पशु हो या मनुष्य हो, एक दूसरे के तनाव को बांटने वाला होता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति पर स्ट्रेस होना भारतीय परिवार में तो माना ही नहीं गया। आपके मन में कुछ तकलीफ आ गई, आपने पिताजी से कह दिया या माताजी से कह दिया, माताजी ने किसी और से कह लिया, सुन लिया, उसका कोई समाधान ढूंढ लिया, ऐसा हमारे यहाँ चलता रहा। पिताजी माताजी से नहीं कह सके तो किसी और से कह लिया, उन्होंने पिताजी माताजी को कह दिया, माने बात आपकी पहुंच गई जहां पहुंचनी है। स्ट्रेस कब जन्म लेता है, जब आपके मन में बहुत कुछ भरा हुआ हो, एकदम ऋणात्मक हो, नकारात्मक हो, और आप उसे किसी से शेयर करने की स्थिति में ना हो, या जिससे आप शेयर करना चाहते हो वो आपकी सुनने को तैयार हो, वो कह दे मेरे पास फालतू समय नहीं है तुम्हारी ये सब राम कहानी सुनने के लिए, तब स्ट्रेस जन्म लेता है। क्योंकि मनुष्य जो है ना, ये ऐसा बनाया गया है कि ये शेयरिंग ना करे तो ये पागल हो जाए, इसका दिमाग ऐसा है मनुष्य का, ये अगर अपनी बात को किसी को कहे नहीं तो ये पागल हो जाए। शेयरिंग हमारे यहाँ बड़ी महत्व की है, बहुत महत्व की है, एक दूसरे से संवाद, एक दूसरे से संवाद, पूरी व्यवस्था हमारे परिवार की इसी पे चलती है, संवाद संवाद संवाद, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, माता पिता के बीच में, बेटा और माँ के बीच में, बेटा और पिता के बीच में, संवाद संवाद संवाद, ये सबसे महत्व का है हमारे भारत में। इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज हमारे देश में नहीं मानी गई, इससे बड़ी कोई चीज। आपने कभी घरों में सुना है बातें करते हुए एक दूसरे को, कोई किसी से नाराज हो गया, मान लीजिए कोई किसी से नाराज हो गया, पति पत्नी से नाराज हो सकता है, भाई भाई से नाराज हो सकता है, बहन भाई से नाराज हो सकता है, कोई किसी से भी नाराज हो जाए, सबसे पहला काम क्या, बात नहीं करेंगे, यही होता है ना, बात नहीं करेंगे। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज है, भाई भाई नाराज है, बहन भाई नाराज है, बेटा माँ नाराज हो गए या माँ बेटा नाराज हो गए या बेटी माँ नाराज हो जाए, कुछ भी एक दूसरे से कोई नाराज हो जाए तो पहला कदम बात नहीं करेंगे, दूसरा कदम खाना नहीं खाना है ना। अब जैसे ही आपने फैसला किया बात नहीं करेंगे तो ये तो इतनी बड़ी बात होगी, सारा घर चुप जाएगा उसके लिए, बात नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है, तो बात तो करनी ही पड़ती है। तो फिर बीच में कोई आएगा, वो बात कराएगा, बात फिर शुरू हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, यही होता है ना। दूसरा कदम शायद उठाना ना पड़े, खाना नहीं खाएंगे, अब खाना नहीं खाना ये तो बहुत मुश्किल बात, आप उपवास करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन आप साधारण दिनों में ये बोल दें घर में कि खाना नहीं खाएंगे तो पूरा घर ऊपर से नीचे हो जाएगा, खाना नहीं खा रहे, बात नहीं कर रहे, तो हमारे यहाँ तो तनाव को निकालने के ये रास्ते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है ना, वो भाप निकालने का रास्ता है, एक तरह से सेफ्टी वॉल्व जिसको हम कहते हैं, हमारे परिवार में स्ट्रेस को निकालने के बहुत सारे रास्ते हैं, सेफ्टी वॉल्व है। बात नहीं करना आपने जैसे शुरू किया, स्ट्रेस पैदा हुआ, उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए पूरा कुटुंब जुट गया, पूरा परिवार जुट गया, पड़ोसी भी जुट गए, और आखिर बात कराके ही मान लिया। ऐसे आप खाना नहीं खा रहे हैं, किसी बात पर नाराज हो गए तो पूरा परिवार जुट गया, पड़ोसी जुट गए, खाना खिला के मानेंगे आपको, फिर उसके बाद रास्ते खुल जाएंगे। तो रास्ता खोलना हमारी सभ्यता और संस्कृति में बहुत गहराई से है, इसलिए भारतीय जीवन शैली में स्ट्रेस कभी नहीं। आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, काम करने से बोर हो सकते हैं, स्ट्रेस में नहीं आ सकते।
आपकी बोरियत हो सकती है, जैसे माताएं कई बार, मेरी माँ कहती है क्या रोज रोज वो चकले पर रोटी बेलना, कुछ तो बोरियत आती है। हाँ आती है, कई बार मुझे भी बोरियत आ जाती है, क्या बार बार यही सब बोलना। बोरियत आ सकती है, आपको आ सकती है, मुझे आ सकती है, हम सबको आ सकती है, क्योंकि एक ही तरह का काम बार 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 करें जिसमें कोई रस ना बचे तो बोरियत आना तो संभव है। अब जैसे मैंने माताओं को देखा है, गेहूं बीन रही है, कंकड़ निकाल रही है, कितना बोरियत का काम है। एक ही तरह का काम बार बार, चावल बीन रही है उसमें से ये चुन रही है, तो ये काम में मैं ये मान सकता हूँ बोर हो गए, ये तो ठीक है। लेकिन कोई ये कहे कि मुझे स्ट्रेस हो गया, ये नहीं है हमारे। स्ट्रेस नहीं हो, उसकी परचेसिंग वैल्यू खत्म हो गई, वो तो खत्म है, कागज का टुकड़ा फाड़ के फेंक दो। लेकिन उन लोगों ने उसी को भगवान बना रखा, डॉलर उनके यहाँ भगवान है, माने पैसा ही उनके यहाँ सब कुछ है। अमेरिका में कोई किसी से बात करेगा ये समझ कर कि इसके बैंक बैलेंस में इतना पैसा है तो बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कोई आपको सम्मान देगा, इज्जत देगा ये देखकर कि आपके पास इतनी संपत्ति है तो बात करने लायक है, नहीं तो कोई सवाल ही नहीं उठता, सम्मान देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो वहां क्या है, डॉलर सबसे बड़ा है, प्रमुखता में है, माने पैसा सबसे बड़ा है, प्रमुखता में है। और वो मानते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास कुछ नहीं, वो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे। अब समझ जाएंगे थोड़े दिन में कि सब कुछ डॉलर से नहीं आता। आपके पास करोड़ों डॉलर हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पास सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, वात्सल्य हो, जरूरी नहीं। डॉलर आप खरीद के या डॉलर को इकट्ठा करके आप एसी तो लगा सकते हैं लेकिन नींद आ जा रही है, जरूरी नहीं। आप डॉलर को खर्च करके घर में सारी सुविधाएं जुटा सकते हैं, टीवी है, ये है, वो है, लेकिन आपका मनोरंजन हो जाए, जरूरी नहीं। आप बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके बहुत सारी फिल्में सवेरे से शाम तक इकट्ठे होकर देख सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि कोई फिल्म आपके दिल को गुदगुदा जाए, जरूरी नहीं। तो हमें सुख मिले, प्रेम मिले, शांति मिले, सद्भाव मिले, आनंद मिले, मनोरंजन का अंतिम उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, को जरूरी नहीं है डॉलर से हो जाए, वो तो बिना डॉलर के भी होता हमारे यहाँ। तो वो इतनी सी बात अगर समझ लेंगे तो उनकी सारी सभ्यता में जो तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी एक दिन में। अब वो तो नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी मुश्किल ये है कि हम उनकी नकल में फंसते जा रहे हैं। हमारे देश में एक वर्ग इस तरह का बन गया है, 2-5% ही लोगों का वर्ग है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, जिसने पैसे को भगवान माना। वो मानते हैं कि पैसा ही है, पैसा ही है, जो भी कुछ है पैसा, इसलिए पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। तो जो लोग लग गए हैं इस दौड़ में, जिन्होंने सब कुछ पैसे को ही प्रमुखता दे रखी है, उनको मैं कहता हूं कि वो अमेरिका के अंधभक्त हैं या यूरोप की नकल कर रहे हैं। उनको ये बीमारी है जिसका नाम है डिप्रेशन, क्योंकि हर दिन आपकी एक ही कैलकुलेशन है, आज 50 करोड़, कल 60 करोड़, परसों 70 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 200 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 10,000 करोड़, मालूम नहीं है लाखों करोड़ों के बाद भी धीरू भाई अंबानी छोड़ के गया सर। लाखों करोड़ों का एम्पायर है ना, गया तो यहां से ऐसे ही, और अच्छी मृत्यु भी नहीं मिली उसे। वेंटिलेटर पे मरना हमारे यहाँ सबसे खराब मृत्यु। अब मृत्यु का भी सुख ना मिले तो लाखों करोड़ों किस काम के। हमारे यहाँ ये कहा जाता है जन्म लेने में तो बहुत दुख है लेकिन मृत्यु तो सुख की ही, शांति की। मृत्यु तो हमारे यहाँ कल्पना की गई है सुख शांति से, वो तो हमारे हाथ में है, हम चाहे तो सुख शांति से मरे। अब वो भी किसी को नसीब नहीं हो रही है, 15 दिन किसी को वेंटिलेटर पर रखा हुआ, भले शरीर मर गया है लेकिन रखा हुआ है, तो ये तो सुख की मौत नहीं है, तो पैसे का मतलब क्या है। और धीरू भाई अंबानी का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, दुनिया भर के डॉक्टर जुटाए गए लेकिन कोई नहीं बचा पाया, इसका मतलब है जाना तो है ही, बचाने का तो सवाल ही नहीं है। तो फिर ये हजारों लाखों करोड़ों रुपए की क्या फालतू की बीमारी हमने पाल ली अपने जीवन। आपके पास रुपया होना चाहिए, धन संपत्ति होनी चाहिए, वहां तक तो ठीक है कि आपका जीवन चलाने में कोई अड़चन ना आए, लेकिन ये पागलपन
कि 1 करोड़ हो गया तो 100 करोड़, 100 करोड़ हुआ तो 1000 करोड़, 1000 करोड़ तो 10000 करोड़, 10000 करोड़ के बाद 50000 करोड़। भारतीय शास्त्रों में ये कहा गया है कि धन बहुत ज्यादा आकांक्षा करना चाहिए सार्वजनिक कामों के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं। हमें सार्वजनिक काम करने, सार्वजनिक काम माने जो हम अकेले नहीं कर सकते, मंदिर बनाना ठीक है ये सार्वजनिक काम है, इसके लिए धन की आकांक्षा करो। मंदिर 10 करोड़ में बन रहा है तो 20 करोड़ में, 50 करोड़ में, 100 करोड़ में, वो तो ठीक है। धर्मशाला बनानी है, गौशाला बनानी है, पानी की व्यवस्था करनी है, तालाब खोदना है, सड़क बनानी है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, जो दूसरों के लिए काम आने वाली चीजें हैं, सार्वजनिक बातें हैं, सार्वजनिक चीजें हैं, उनके लिए भारतीय शास्त्रों में कहा गया धन को बेफाम खर्च करो, लिमिटलेस। लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए कम से कम खर्चे में चलाओ। आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बेफाम खर्चा नहीं, आपको तो रहना है एक शर्ट और एक पैंट में, या एक कुर्ता एक पजामा में, या एक धोती एक लुंगी में, आपके लिए तो यही है, भले करोड़पति हो आप। आपके पास जो धन आया वो माना गया ईश्वर ने आपको दिया है दूसरों की मदद करने के लिए, तो करो। तो इसलिए हमारे देश में जो पुराने सेठिया लोग हैं, मैं बार बार तुलना करता हूँ घनश्याम दास बिरला और धीरूभाई अंबानी, एक अमेरिकन है एक हिंदुस्तानी। धीरूभाई अंबानी भारत में ही पैदा हुआ, दूसरे देश में पैदा नहीं हुआ, गुजरात के चोरवाड़ नाम के गांव में उसका जन्म हुआ। घनश्याम दास बिरला जी भी भारत में पैदा हुए, राजस्थान के गांव में उनका जन्म हुआ। दोनों का अंतर जरा करके देखिए, धीरूभाई अंबानी टोटली अमेरिकन आदमी, जन्म से हिंदुस्तानी, कर्म से बिल्कुल अमेरिकन और यूरोपियन, जिसने अपने जीवन में ये उद्देश्य तय कर लिया कि मुझे व्यक्तिगत जीवन इतना शानो शौकत का रखना है कि सब देखकर मुझसे जले। दूसरी तरफ घनश्याम दास जी बिरला, उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मेरा व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल सादा होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में मैं उतना खर्च करूं लोग उससे मेरी तुलना करें या कॉम्पिटिशन। तो घनश्याम दास जी बिरला ने सार्वजनिक जीवन को बेफाम खर्चे के लिए तय कर दिया, तो उन्होंने बिरला मंदिर बनवा दिए। हिंदुस्तान में किसी भी गांव में चले जाओ बिरला मंदिर मिल जाएगा, एक भी अंबानी मंदिर दिखा दो पूरे हिंदुस्तान में तो आप कहो मैं हार जाऊं, एक भी अंबानी मंदिर दिखा दो पूरे हिंदुस्तान। हालांकि बिरला जी की संपत्ति आज कंपेरिजन करें तो अंबानी से कम है, लेकिन हर बड़े शहर हर बड़े गांव में बिरला जी का मंदिर मिलेगा, बिरला जी की धर्मशाला मिल जाएगी, बिरला जी का कुआं मिल जाएगा, बिरला जी की प्याऊ मिल जाएगी, बिरला जी का स्कूल मिल जाएगा बच्चों का, बिरला जी का अनाथ आश्रम मिल जाएगा, बिरला जी का आपको वृद्धाश्रम भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूँ तो ये सब मिल जाता है। अंबानी का न कोई धर्मशाला है, अंबानी की न कोई प्याऊ है, अंबानी का न कोई तालाब है, अंबानी का न कोई कुछ भी नहीं है। क्यों? मेहनत तो एक ही है, पैसा दोनों ने कमाया, लेकिन एक ने पैसे को सार्वजनिक तरीके से लुटाना, फैलाना, बांटना वो, और एक ने व्यक्तिगत जीवन के लिए उसको उपयोग करना। अब अंबानी का बेटा है, उसने अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया हवाई जहाज, हवाई जहाज गिफ्ट किया 400 करोड़ का या 500 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट किया पत्नी को, लेकिन वो 400 करोड़ में हिंदुस्तान में 40,000 तालाब बन जाए उसके लिए अंबानी के पास कुछ नहीं, खर्चा ही गया ना 400 करोड़ में, तो तालाब में नहीं, पत्नी को हवाई जहाज गिफ्ट करके, ताकि सारी दुनिया जाने कि मैं इतना बड़ा कि मेरी पत्नी 400 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट में। अब उनका बेटा एक घर बना रहा है बंबई में, अब पता नहीं कितने माले का है वो, पता नहीं 10 या 15 या 20 या 25, अपने रहने के लिए जो आदमी, मैं आदमी हूं आप आदमी हैं, 6 फीट की लंबी और 1.5 फीट की सीट में हम सो जाते हैं रेल की ट्रेन बर्थ में, रेल की बर्थ 6 फीट लंबी होती है 1.5 फीट चौड़ी होती है, उसमें खूब अच्छी नींद आ जाती है। अब वो स्थिति को ध्यान में रखकर कोई घर बना रहा है जिसमें 36 माले, 40 माले, 50 माले, पता नहीं कितने रहने वाले 2-3, ये व्यक्तिगत धन का प्रदर्शन ये सबसे खराब माना गया भारतीय संस्कृति में, सबसे खराब।
और वही धन आप सार्वजनिक रूप से खर्च कर रहे हैं, दूसरों के लिए खर्च कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा माना गया। इसलिए मैंने कहा पुराने सेठिया जितने लोग हैं वो लुंगी और बनियान नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी बनाई हुई हजारों धर्मशालाएं, हजारों गौशालाएं, हजारों स्कूल, हजारों कॉलेज आपको मिलेंगे, दवाखाने मिलेंगे, धर्मार्थ दवाखाने मिलेंगे, फोकट में चिकित्सा होते। ये पुराने सेठिया लोगों ने हिंदुस्तान में ध्यान रखा, मतलब भारतीय संस्कृति से वो अलग नहीं हुए, धन को कमाते हुए। ये अमरीकियत और यूरोपियत है जिसमें हम अपने ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करें, दूसरों को भूल जाएं, और ये जानने के बाद भी कि धन उनका नहीं है। धीरूभाई अंबानी परिवार सबसे ज्यादा कर्जदार है इस देश के लोगों का, लोगों से इकट्ठा किया हुआ पैसा उनका अपना नहीं है, लोगों को शेयर्स बेचे हैं, डिबेंचर्स बेचे हैं, लोगों ने पैसा लगाया है, वो लोगों के कर्जदार हैं, फिर भी इतने बेशरम हैं कि लोगों के पैसे को अपने ऊपर खर्च करें। ये अमरीकियत है। इस अमरीकियत को हिंदुस्तानियत से थोड़ा अलग करके देखेंगे, डिप्रेशन इसमें से निकलता है। आप अपने लिए सब करें, अपने परिवार के लिए करें, बाकी दुनिया को भूल जाएं, सब कुछ मेरा 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 मेरा, और अंत में मेरा मेरा करते हुए वो भी छूट जाए तो डिप्रेशन आएगा, और उस डिप्रेशन से निकलने का फिर रास्ता उनके पास तो है, बीमारी तो है, रास्ता नहीं। अपने पास बीमारी नहीं है लेकिन रास्ता है। भारत में ये बीमारी कभी रही नहीं, हजारों साल से हुई नहीं, क्योंकि हमने ऐसी संस्कृति, ऐसी मान्यता, ऐसी परंपरा बनाई इस देश में कि इस तरह की बीमारियां आए नहीं हमारे जीवन में। सामूहिकता हमारे जीवन में, परिवार हमारे जीवन में, परिवार और सामूहिकता के साथ दूसरों को ज्यादा से ज्यादा सुख देने की आकांक्षा हमारे मन में, हम सब इस बात के लिए परेशान रहते हैं भाई दूसरे को दुख ना हो हमारे कारण। घर में कोई मेहमान आ जाए तो इतनी चिंता, इतनी परेशानी कि उसको कोई तकलीफ ना हो जाए हमारे घर में, हालांकि कुछ होती होती नहीं है, लेकिन हर 10 मिनट में पूछते रहते कोई तकलीफ तो नहीं, कुछ नहीं है मालूम है, फिर भी पूछते रहते तकलीफ तो नहीं हमारे घर में, हमेशा खाना तो बराबर था, बहुत स्वादिष्ट है, फिर भी पूछ ले खाना तो बराबर था, पसंद तो आया आपको। माने हम इतनी चिंता करें जब दूसरे की, तो डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये सारा खेल हार्मोन्स का, किसी को डिप्रेशन हो जाए, किसी को स्ट्रेस हो जाए, किसी को ना हो, एक ही कंडीशन में रहने वाले दो लोग हैं, एक को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, दूसरे को नहीं है। कारण एक ही है कि एक में स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत है, दूसरे में बिल्कुल नहीं है। अब स्ट्रेस हार्मोन्स अगर नहीं है तो समझ ही नहीं उठता डिप्रेशन स्ट्रेस का। हमारी मान्यता परंपरा में ऐसा ही है, जो भी आप ध्यान देंगे भारतीयता में, जो भी कुछ अच्छा है वो सब स्ट्रेस फ्री करने के लिए है, डिप्रेशन फ्री करने के लिए। तो ये डिप्रेशन स्ट्रेस ये हमारी बीमारी तो है नहीं, विदेशों से आई हुई बीमारी है, और ये तब से आई हमारे देश में जब से अमरीका के रास्ते में हमने चलना शुरू कर दिया, और आजकल ये बीमारी हिंदुस्तान के हर उस आदमी में दिखाई दे रही है जो अमरीका आधारित जीवन जी रहा है। हमारे यहाँ दो वर्ग बन गए साध्वी जी, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, एक हिंदुस्तान है और एक अमरीकी हिंदुस्तान है, एक भारत है एक अमरीकी भारत है। ये अमरीकी भारत किसका है? शेयर बाजार वालों का, जुए से पैसे कमाना है, ये अमेरिका में सबसे ऊंचा माना जाता है। अमेरिका में तो पैसा कमाना ही सबसे ऊंचा है, कैसे भी कमाओ, जुए से कमाओ, रंडीबाजी से कमाओ, दारूबाजी से कमाओ, अफीम बेच के कमाओ, गांजा बेच के कमाओ, हीरोइन बेच के कमाओ, हथियार बेच के कमाओ, बम बेचकर कमाओ, गोला बारूद बेच के कमाओ, पैसे कमाओ। हमारे यहाँ साधन का बहुत महत्व है, साध्य से भी ज्यादा। भारतीय संस्कृति में कहा गया भाई पैसे कमाओ धर्म के साथ, अधर्म करके नहीं। हमारे यहाँ चार वो पाए माने जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें धर्म पहले है अर्थ बाद में, समझ के धर्म के साथ पैसे कमाओ, माने बेईमानी से, चोर बजारी से, जुआबाजी से, रंडीबाजी से, वैश्यावृत्ति से, शराब पिला के, लोगों को जहर खिला के, अफीम बांट के, गांजा बांट के, हथियार बांट के पैसे मत कमाओ। ये हमारे यहाँ धर्म के साथ है, धर्म के रास्ते पर चल के पैसा कमाओ। हमारे यहाँ भारत का एक हिस्सा अभी भी ऐसा है जो धर्म के रास्ते चल के पैसा कमा रहा है और उसी को जीवन को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन एक वर्ग 4-5 करोड़ लोगों का ऐसा बन गया इस देश में जो कहता पैसा कमाओ, जैसे भी कमाओ पैसा कमाओ।
तो शेयर बाजार में लगा के पैसा बनता है तो उसको बनाओ 100 का 1000 बनता है, 1000 का 10000, 20000 का 20000, 20000 का 50000, तो लगा दिया। अब रोते हैं क्या करें राजीव भाई। अच्छा बड़ी विचित्र बात है, ये अमरीकी भारतीय लोग भारत में रहते हैं, अमरीकी स्टाइल से जीवन चलाते हैं अपना, वो फोन मेरे जैसे लोगों को करते हैं, आप बताओ शेयर बाजार का क्या होगा, कल परसों क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा। मैंने कहा मुझे क्या मालूम, आज तक मैंने ना शेयर खरीदा ना बेचा ना पैसा लगाया है ही नहीं मेरे पास, फिर भी आप बताओ। क्यों बताओ जी, ताकि हमें भविष्य का फैसला करना है, किस में लगाए किस में नहीं लगाए, कहां से निकाले, किसको बेचे किसको रखे। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, भैया ये तो सब डूबेगा। हाँ ये तो सब डूबेगा। आपको अगर याद हो तो श्रेयांस हॉल में मैंने इस पर 1.5 घंटे व्याख्यान किया था कि अमरीका तो डूबेगा, यूरोप भी डूबेगा। मैं बोल दिया था कि 1 साल में डूबेगा, वो किया, वो पहुंच गए अमरीका। हाँ ये अमरीका वाले सब चारवाक की औलाद है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो कर्जा लेके घी पियो। हाँ तो चारवाक भारत में हुए लेकिन हमको पसंद नहीं आए, आने भी नहीं थे क्योंकि हम भारतीय मानते ही नहीं। हम तो भारतीय मानते हैं कि पाँव उतने फैलाओ जितनी अपनी चादर, तेरे पाँव पसारिए जितनी चादर लपे, तो हम तो ये मान्यता वाले हैं। तो हमने पसंद नहीं किया, मार पीट के निकाल दिया उनके विचार को भी और उनको भी, कहीं भटकते पहुंच गए अमेरिका यूरोप वाले, उन्होंने सिर चढ़ा लिया। हाँ ये बहुत बढ़िया फिलोसफी, कर्जा लेके भी पियो, तो कर्जा देने वाले बैंक भी बन गए और ऐसे ऐसे कर्ज दे दिए जो वापस आने की कोई संभावना नहीं। जिस आदमी की कैपेसिटी है कि भैया वो $10,000 तक ले सकता, उसको $1,00,000 दे दिया। जिसकी कैपेसिटी है $1,00,000 तक, उसको $10,00,000 दे दिया। जिसकी $10,00,000 की, उसको $1,00,000 दे दिया। तो वो डूबना ही था। और अमेरिका इतना हरामी और बेईमान देश दुनिया का कि दूसरों से लूट पाट के इकट्ठा करके अपने लोगों को देना शुरू किया, जो कर्जे के रूप में बिना वापस आने की गारंटी के डूब गया सब कुछ। अब वो डूबा है तो उनके आधार पर चलने वाले सब डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे। हमारे भारत में पूरी अर्थव्यवस्था में 4-5% का जो हिस्सा है, जो डॉलर डिपेंडेंसी वाला है, अमेरिकन डिपेंडेंसी वाला, ये सब डूबेगा। इसको कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता। शेयर बाजार अभी 10,000 पॉइंट पे है, ये अभी और नीचे आएगा, 7,000, 6,000, 5,000, आप तय कर लो क्या करना। हाँ मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं, ये तो अभी और नीचे आएगा, 10,000 तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें दम क्या थी जो 20,000 पहुंचाई। कौन सी ऐसी खास बात भारत में हुई थी कि 20,000 पहुंच गया। क्या भारत की गरीबी बढ़ गई थी, बेकारी बढ़ गई थी, सुख संपत्ति इतनी आ गई थी 20,000, इसको तो फुग्गा फुलाया, गुब्बारा बनाया तो फटेगा ही नहीं, एक कैपेसिटी के बाद तो जाएगा। इतनी मोटी अकल है हम सबकी कि अगर हम इतना भी नहीं समझ सकते तो फिर तो आपका डूब जाने ठीक है पैसे का, कि भाई अपने जीवन के ऊपर खर्चा कम से कम करेंगे, व्यक्तिगत जीवन हमारा एकदम सिंपल होगा, एकदम सिंपल। एकदम सिंपल से मतलब दो शर्ट और दो पैंट में काम चलता है तो उतना ही रखेंगे, एक जूड़े जूते में काम चलता है तो उतना ही रखेंगे, एक तौलिये में काम चलता है तो उतनी रखेंगे। मतलब सीधा सा अपरिग्रह, जो जैन दर्शन में आपको बार बार सुनाते हैं आचार्य भगवान साध्वी जी, साधु जी, वो अपने जीवन में ले आएगा। कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, करके देखिए। मैंने करके देखा, मेरा विद्यार्थी जीवन अगर आप सुनेंगे और जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतना 180 का टर्न है। और वो टर्न आया ऐसे, किसी एक आचार्य भगवान के मुंह से मैंने सुन लिया कि भैया कम में रहोगे व्यक्तिगत तो बहुत संतोष है, सुख है, तो ठीक है वही आप कर लो। अपने जीवन को व्यक्तिगत रूप से कम खर्चे में चलाने की आदत डाल दो, माने कर कसाई से कंजूसी से व्यक्तिगत जीवन चलाओ, और सार्वजनिक जीवन के खर्चे के लिए कभी पीछे मत रहो। कोई सार्वजनिक जीवन का खर्चा है, कोई जिलालय बनाना है, देवस्थान बनाना है, धर्मशाला बनानी है, स्कूल खोलना है, कॉलेज बनाना है, हॉस्पिटल, जिसमें दूसरों का भला होगा, पीछे मत रखना। भले आपके पास 10,000 की जमा पूंजी हो तो दे देना उसमें से 2-5 हजार, मतलब दान करना।
व्यक्तिगत जीवन को कंजूसी से जीना, कम से कम में अपना खर्चा चलाना, परिवार का खर्चा चलाना, सार्वजनिक जीवन में खुलकर दान करना, ये जिसने सीख लिया वो कभी स्ट्रेस में नहीं आ सकता, डिप्रेशन में नहीं आ सकता। और इसका उल्टा किया आपने कि व्यक्तिगत जीवन में बहुत हमारा हो जाए, खर्चा बढ़ता जाए और उसको हम निभाने के लिए, निकालने के लिए 20-20 रास्ते खोजते जाए, तो डिप्रेशन में आपको आना ही पड़ेगा, स्ट्रेस में जाना ही पड़ेगा। और आज के आधुनिक विज्ञान में स्ट्रेस वो महामारी है जो 100 और बीमारियों को जन्म दे रही है, क्योंकि स्ट्रेस पैदा करने वाले कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर में बढ़ जाए तो डिप्रेशन स्ट्रेस से ज्यादा खतरनाक स्थिति में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर सब तरफ ले जाएंगे आप, और लाइलाज बीमारी हमारे लाइलाज आप हो जाएंगे, कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन को खत्म करने के लिए दवा नहीं है पूरी दुनिया, जान लीजिए। स्ट्रेस हार्मोन को अमेरिका और यूरोप वाले भी कंट्रोल करना सिखाते हैं, खत्म नहीं कर पाते, तो उनसे कहते हैं योग करो, प्राणायाम करो, माने भारतीय तरीके ही बताते हैं, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, भावातीत ध्यान करो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करो। और हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे योग गुरु जिनको समझ में आ गया कि यूरोप और अमेरिका में मेंटल स्ट्रेस और टेंशन बहुत है, उन्होंने इतना बड़ा व्यापार किया इसका, योग और प्राणायाम का, कि वो अब एक बड़ी बड़ी कंपनी से बड़े हो गए, क्योंकि लोगों को जरूरत है। तो लोगों को जो जरूरत है स्ट्रेस को कंट्रोल करने की, या लोगों को जो जरूरत है टेंशन को कम करने की, उस जरूरत को पूरा करने के लिए तरीके भारतीय ही है, योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, उसमें स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं। आपको भी वही बताया गया है कि आपको अगर स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत तनाव में है, तो चिकित्सा आपकी यहाँ से शुरू होगी कि आप थोड़ा शांत रहना सीखें, ध्यान में जाएं, प्राणायाम करें, योग करें वगैरह वगैरह। इससे शुरुआत क्या करें और दवा के रूप में क्या करें, तो आपके रसोई घर में बहुत सारी चीजें हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं, बहुत सारी चीजें अपने रसोई घर, उसमें सबसे अच्छी चीज है देशी गाय का घी, जो स्ट्रेस हार्मोन को सबसे तेजी से कंट्रोल करता है, सबसे तेजी से देशी गाय का घी। क्या करना है, देशी गाय के घी का उपयोग करना है, इसके 20 तरह से उपयोग है, उसमें सबसे अच्छा है दूध में डाल के पीना। जिनको भी स्ट्रेस बहुत होता है, जिनको तनाव बहुत होता है मन में, हमेशा छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक, तो गाय के घी का उपयोग करें, दूध में डालकर पिए, दाल में डालकर खाएं, सब्जी में डालकर खाएं, रोटी पे ना लगाएं। गाय का घी रोटी पे खाने के लिए नहीं है, दूध में डाल के पीने के लिए है, दाल में डाल के खाने के लिए, सब्जी में डाल के खाने के लिए, पानी में डाल के भी पी सकते हैं। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका, गाय के घी का उपयोग करें नाक में डाल के सोते समय। स्ट्रेस हार्मोन्स जितने भी शरीर में है वो सब मस्तिष्क की ग्रंथियों से संचालित है। मस्तिष्क की ग्रंथियों के बारे में जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये है कि गाय का घी मस्तिष्क के हर उस हिस्से में पहुंच सकता है जहां डॉक्टर भी नहीं पहुंच सकता, दवा भी नहीं पहुंच सकता, गाय का घी वहां पहुंच जाता है। तो आप उसको नाक में डाल के इस्तेमाल करें, जिनको स्ट्रेस है, जिनको टेंशन है। और स्ट्रेस जब बहुत होता है, टेंशन बहुत होता है, और स्ट्रेस के हार्मोन शरीर में होते हैं, तो कुछ केमिकल शरीर में कम होना शुरू हो जाते हैं, और उनमें से एक केमिकल बहुत तेजी से घटता है, उसका नाम है कैल्शियम, बहुत तेजी से घटता है। दूसरा आयरन बहुत तेजी से कम होता है। तीसरा सोडियम, ये भी बहुत तेजी से कम होने लगता है जब स्ट्रेस हार्मोन बहुत हो, आपको तनाव बहुत हो, टेंशन बहुत हो, डिप्रेशन बहुत हो। तो ध्यान रखें कि इन केमिकल्स की पूर्ति होती रहे आपके शरीर में। तो पूर्ति कैसे होगी, कैल्शियम का मैंने बता दिया, सबसे अच्छा स्रोत है चूना, चूने का उपयोग करें, जीरे भर चूने का हिस्सा दही में मिला के, मट्ठे में मिला के, जूस में मिला के, दाल में डाल के, सब्जी में डाल के, पानी में डाल के, जैसे चाहे उपयोग करें, जीरे भर चूना रोज, तो कैल्शियम की पूर्ति करेगा। आयरन की पूर्ति करने के लिए क्या है अपने रसोई में, बहुत अच्छी चीज है अनार, अनार खाएं, अनार का रस पीएं, भरपूर आयरन मिलेगा शरीर को,
फास्फोरस की कमी है, फास्फोरस भी कम होता है जब स्ट्रेस हार्मोन बहुत सक्रिय होते हैं, तो फास्फोरस की कमी के लिए क्या करें, उसकी पूर्ति के लिए क्या करें, अमरूद खाएं, जाम खाएं, जाम कहते हैं उसको, पेरू जाम, अमरूद, गुआवा खूब खाएं, भरपूर फास्फोरस है उसमें, और फास्फोरस तो हरे पत्ते की सब सब्जियां खाएं, भरपूर फास्फोरस है उसमें। कैल्शियम के लिए कोई चूना नहीं खा सकता, कहेंगे मेरी तो जीभ फट जाती है, मुझे तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो उनको कह रहा हूँ कि खूब केला खाएं, पेट भर भर के केला खाएं, केले में भरपूर कैल्शियम है। हाँ, सबसे ज्यादा कैल्शियम पीले केले में है, हरे केले में उससे कुछ कम है, लाल केले में आयरन सबसे ज्यादा है। देखो कैल्शियम बिना तो कोई केला है नहीं, कैल्शियम तो सब में कम ज्यादा, तो पीले केले में सबसे ज्यादा, हरे केले में उससे कम, लाल केले में और कम, लेकिन लाल केले में आयरन सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना है, कोई चीज प्रकृति ने किसी चीज में ज्यादा दे दी, तो आयरन सबसे ज्यादा लाल केले में, जिनको आयरन की कमी है वो लाल केला खाए, जिनको कैल्शियम की कमी है वो पीला केला खाए, जिनको फॉस्फोरस की कमी है वो हरा केला खाए। हर हरी चीज में भरपूर फॉस्फोरस है, मोटी सी बात याद रखें, हर हरी चीज में भरपूर फास्फोरस है, और हर हरी चीज पकने के बाद जब पीली हो जाती है तो कैल्शियम आय बढ़ता है। आम है कच्चा है, फास्फोरस से भरपूर है, कोई पकेगा तो कैल्शियम आ गया उसमें, फास्फोरस तो रहेगा ही, थोड़ा कैल्शियम जाए। तो आप अपने जीवन में स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, डिप्रेशन आता है, तो भोजन को थोड़ा व्यवस्थित करेंगे, नाक में घी डाल के सोएंगे, भोजन में का ऐसी चीजें ज्यादा खाएंगे जो कैल्शियम दें, फास्फोरस दें, आयरन दें, जो जो कम हो रहा है, सोडियम, वेरी गुड, कहां से मिलेगा, सबसे ज्यादा सोडियम मिलेगा सेंधा नमक से, काले नमक से, सबसे ज्यादा सोडियम मिलेगा। अगर सोडियम कम हो रहा है तो सेंधा नमक, और सोडियम पे ध्यान इसलिए देना पड़ेगा कि ये जो सोडियम ही है, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा कम हो गया तो तुरंत पैरालिसिस, इमीडिएट, सोडियम की थोड़ी सी कमी पैरालिसिस का कारण, सोडियम की थोड़ी सी कमी ब्रेन हेमरेज का कारण, सोडियम की थोड़ी कमी इतनी खतरनाक हो सकती है कि जिंदगी भर आवाज चली जाए आपकी, बोल ही नहीं सकना। तो सोडियम की कमी पूरी करेंगे सेंधा नमक से, काले नमक से, कैल्शियम की कमी पूरी करेंगे भरपूर केला खाके, फॉस्फोरस की कमी पूरी करेंगे अमरूद, गुआवा आदि आदि खाके, आयरन की कमी पूरी करेंगे अनार खाके, दाढ़ियों का रस पीके, ठीक है। और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के लिए जो मदद करेगा, गाय का घी नाक में डाल के भी सोएं और घी में डाल के भी पिए, सॉरी दूध में डाल के भी पिए, और चूना कैल्शियम के लिए भरपूर है। और मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम एक चीज की पूर्ति कर लीजिए, बाकी वो अपने आप सब कर लेता है। कैल्शियम जैसे ही बढ़ता है वो आयरन को बढ़ा लेगा, फॉस्फोरस को बढ़ा लेगा, सोडियम को बढ़ा लेगा, उसकी अपनी कैपेसिटी है, इसलिए कैल्शियम की चिंता थोड़ी ज्यादा करें, कैल्शियम की चिंता थोड़ी ज्यादा करें, ठीक है। तो छोटे देखिए, जितना छोटा केला उतना कैल्शियम से बड़ा, माने भगवान ने जितनी छोटी चीजें बनाई है वो सब ज्यादा अच्छी है बड़ी चीजों की तुलना है। हाँ, यस, आप कभी बाजार में जाओ, आंवला रखा है खूब बड़ा बड़ा और छोटा छोटा पहले ले, बाजार में गए बैंगन रखा एक बड़ा एक छोटा, छोटा पहले ले, बाजार में गए केला छोटा है पहले ले लो, आप बाजार में गए करेला है, करेला एक बड़ा भी है और एक छोटा भी है, छोटा पहले ले। हर छोटी चीज गुणों से भरपूर है, अलग जाति के चारों जाति, जिसमें साइज छोटा होगा कैल्शियम ज्यादा होगा, सीधी सी बात, साइज जितना बड़ा कैल्शियम उतना, हर चीज के लिए ये नियम लागू है, छोटी चीज सबसे अच्छी, और ध्यान रखना है चमकती हुई चीज सबसे खराब, चमकाने के लिए जो केमिकल लगाए गए हैं उनको छोड़ो। हाँ, एक तीसरी चीज, एक बहन जी ने कल मुझे पूछा था, मैं भूल गया उनका नाम, उन्होंने कहा था थोड़ा रंगों के बारे में भी बता देना, तो मैं अभी आपने पूछा था तो अभी ये याद आ गई तो बता रहा हूँ। भगवान की बनाई हुई चीजों में, प्रकृति की बनाई हुई चीजों में रंग जितना गहरा होगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी,
अब जैसे बैंगन है, बैंगन के बारे में मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, बैंगन है भगवान का बनाया हुआ, नीले रंग का है ना, नीले रंग का बैंगन, जितना नीला ज्यादा होगा क्वालिटी उतनी अच्छी है। जामुन है, जामुन, जामुन जितना नीले रंग का होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, भगवान का बना ऊपर से रंग नहीं लगा। केला, संतरा, मौसमी, अमरूद, आम, रंग जितना गहरा होता जाएगा क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो आप सबसे अच्छा रंग कौन सा? सबसे अच्छा रंग नीला, वो तो विज्ञान में आपने पढ़ा ना, विज्ञान वायलेट सबसे पहले है ना, उसी हिसाब से वायलेट सबसे अच्छा। फिर उसके आगे ध्यान रखिए विव्योग लिख लीजिए, VIB, ये तो सब सातवीं कक्षा में है, अपने घर के छोटे भाई बहनों से भी पूछ सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना है कि विव्योग में जो रंग सबसे पहले है, क्वालिटी उसमें सबसे ऊंची है। मैंने इसका अपने जीवन में 12 साल करके देखा है कि नीले रंग की वस्तुएं जितनी ज्यादा मैं किसी को खाने के लिए बोला, उतनी ही जल्दी उसकी सभी बीमारियां ठीक हुई बिना दवा के। डायबिटीज सबसे जल्दी ठीक हुई, हाइपरटेंशन माने हाई ब्लड प्रेशर ठीक हुआ, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट, सभी चीजें ठीक हुई। तब से मेरे ध्यान में आया कि नीले रंग की चीजें सबसे अच्छी, उसके बाद इंडिगो, इंडिगो समझते हैं आसमानी, नीला, आसमानी, इस तरह से आगे आगे बढ़ेंगे। और विव्योर में लाल सबसे अंत में है, रेड सबसे खराब, हाँ आपके लिए सबसे खराब। अमेरिका यूरोप वालों के लिए एप्पल बहुत अच्छा, आपके लिए उतना अच्छा नहीं, क्योंकि ये तासीर और वातावरण के प्रतिकूल है। चेन्नई में एप्पल हो सकता है? नहीं, तो चेन्नई के लिए अनुकूल नहीं। हिमाचल वाले खाएं, जम्मू कश्मीर वाले खाएं, उनके लिए अनुकूल है, क्योंकि ठंडे का फल है, आप ठंड में नहीं रहते। आपके यहाँ जो ज्यादा हो सकता है वो आपको खाना, केला बहुत होता है, खूब पेट करके खाओ, लेकिन सेब पेट भर के खाओगे तो तकलीफ करेगा। सेब उनको खाना है जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में रहते हैं, पेट भर के खाएं। वातावरण का, पर्यावरण का, आबोहवा का, स्थान का सबसे महत्व है भारत की हर चिकित्सा पद्धति में। जो नजदीक में होता है सबसे ज्यादा होता है, उसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। रंग के हिसाब से बता दिया, लाल टमाटर भी आपके अगर नजदीक हो रहा है तो ठीक है, दूर कहीं से आ रहा है तो वो आपके लिए अनुकूल नहीं बैठेगा। बेंगलोर से आता है, चेन्नई में होता है तो खा लो। अब इसमें अंत में आता है, फिर क्या करें, साधु हो जाए क्या, सन्यासी हो जाए तो अच्छा ही है, साधु जी का परिवार बड़ा हो जाएगा। और मेरा तो ये कहना है, शरीर से ना हो, वस्त्र से ना हो, मन से तो हो ही जाए। इतनी तैयारी रखें कि सब कुछ हमने छोड़ा हुआ है, जब जरूरत पड़ी उठ के चल देंगे। अगर उस स्थिति में आप हैं तब तो बहुत ही अद्भुत है। आसमानी में क्या चीज है? आसमानी में क्या है? आसमानी ब्लू के बाद आता, वायलेट के बाद, सॉरी वायलेट माने गद्दी, हाँ जामुन वायलेट है, लेकिन नीला भी आता है, नीला जामुन भी आता है और नीला बैंगन भी आता है। नीले बहुत तरह के फूल भी आते हैं, नीले कई तरह के फल भी हैं, नीला सबसे अच्छा होगा, उसके बाद इंडिगो होगा, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ता जाएगा। वायलेट है VIB, विव्योर GYOR, तो एक एक ऑरेंज कलर आएगा, रेड कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा, ये पीछे वाले हैं, रेड सबसे अंत में है, ध्यान उसको इतना ही रखना है। भगवान ने ये जो प्रकृति में इंद्रधनुष बनाया, उसमें जो सबसे पहला रंग है वो सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पर और थोड़ा कम, तीसरे नंबर पर और थोड़ा कम, चौथे नंबर पे और थोड़ा कम, पांचवें नंबर, इस तरह से रेड सबसे कम है।